मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, तो टेंशन ले लेना किसी भी बात का। इसने सेंटर कैसे किया यार? कौन सा क्लास है इसका? सेंटर का ये रहा, सेंटर का क्लास। ठीक है, हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब पहले आ जाते हैं हम अपने, कहाँ पे आते हैं हम? कोर्स के अंदर थे हम, बेसिक पे थे हम, है ना? बेसिक के अंदर है ना हमारा वो नॉट जेएस, नॉट कह रहा हूँ, क्या है वो? ठीक है, नया आइटम कार्ट, राइट, ये है हमारा। हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे, सॉरी, हम इसके अंदर पेस्ट क्या करेंगे, हम इसके अंदर पूरा बटन पेस्ट करेंगे। ठीक है, हम इसका ज़रूरत है, हम इसको हटा देंगे। अब एक बार हम इसको ट्राई कर, अभी एरर मार रहा है, भर 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 के एरर मार रहा है, किस बात के एरर मार रहा है ये आइडिया नहीं है। अच्छा, एरर तो ये उसके मार रहा है ना, जैंगो वाले के। तो हम क्या कहते हैं अभी खुशी अपने ब्रेन को कि ये एरर हमें दिखाए ना, तो हम ये करते हैं, हम अपना फाइल पे आते हैं, जैंगो पे आते हैं, यहाँ पे आकर रीलोड मारते हैं इसको। ठीक है, लॉन्च डेमो करते हैं, तो ये चालू तो हो रहा है, मस्त चालू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज करेंगे, क्लोज भी हो रहा है, सेव चेंजेस, बाहर क्लिक करेंगे, बाहर भी क्लोज हो रहा है। ठीक है, इतने में हमें कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, हमें पता है कि इसने डायलॉग के आगे इसने सेंटर क्लास पेस्ट करी थी। ठीक है, तो हम सेंटर क्लास पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, रीलोड मार देते हैं एक बार, तो एकदम सेंटर में आ गया, एकदम बढ़िया हो रहा है, राइट। अब हम क्या कहते हैं, हम इसका नाम कार्ड जस्ट कार्ड से चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये जो क्लास थी नैव लिंक वाली, ये कॉपी करेंगे, हम इसकी क्लास की जगह पेस्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें सेम चीज़ यही चाहिए जो कि यहाँ पे है, राइट। एंड बाकी हम ये जो पूरा है मामला ना कट करेंगे, एंड देन हम इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया है ना, एंड ये जो है हम इसको हटा देंगे। ठीक है, एंड ये तो ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे ना इसने क्या कर रखा है, इसने एग्जाम्पल मॉडल लिखा हुआ है, राइट, एंड देन इसने यहाँ पर आईडी दी हुई एग्जाम्पल मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली क्या सीन होता है, कनेक्शन कैसे होता है, कौन सा मॉडल शो करना है तुम्हें, कौन सा मॉडल शो करना है उसका तुम आईडी दोगे। ठीक है, एंड देन तुम उसी को डेटा बीएस टारगेट में दे दोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं दे देता हूँ कार्ट पॉप अप, राइट, एंड देन यही सेम चीज़ मैं कॉपी करूँगा एंड मैं यहीं पे पेस्ट कर दूँगा कार्ट पॉप अप। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे लिखा है एरिया लेबल्ड बाय एग्जाम्पल मॉडल लेबल। ठीक है, एंड यहाँ पर आइडिया है एग्जाम्पल मॉडल लेबल, तो मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल मॉडल को मैं कार्ट मॉडल पॉपअप से चेंज कर देता हूँ, एंड सेम चीज़ यहाँ पे करता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा कार्ट पॉपअप लेबल, एंड देन एरिया लेबल्ड में आ जाएगा कार्ट पॉपअप ये। ठीक है, अब मतलब ये वही है, मैंने थोड़ा सा आईडी वाईडी तो अब इसका वो चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि हम ना बूट, मतलब मान लो मैंने कहीं बूटस्ट्रैप का कुछ और यूज़ किया तो वो ना मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। तो एक बार देख लेते हैं, अरे भाई कमाल ही आ गया। ठीक है, नैव लिंक क्या, क्या मुझे BTN भी लगाना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो ये मॉडल टाइटल, राइट, ये सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपना मॉडल टाइटल में आते हैं, मॉडल टाइटल को, अरे वाह ये लाल था क्या पहले? सही, स्टाइल CSS, चलो इसको देखते हैं, H5 हमारा नीला क्यों, लाल क्यों आ रहा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम एक काम करते हैं ना, हम इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये जो चीज़ है, ये चीज़ एज इट इज़ कॉपी करके इसकी हेडिंग में डाल लेते हैं। ठीक है, कार्ड 0 आ रहा है भाई, ओके, ये दो एलिमेंट है ना, ओके 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 ओके। तो एक काम कर देते हैं, अरे जावास्क्रिप्ट नहीं, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, छोड़ो इसे, कार्ट आइटम्स हम नीचे दिखाई तो रहे हैं, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे ना हम, तो हम इसको लिख देते हैं कार्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये कार्ट आइटम्स दिख जाएगा हमें, राइट, क्लोज का ऑप्शन, एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसा दिखाना है, तो बूटस्ट्रैप देख लेते हैं ना, तो बढ़िया चीज़ मिल रहा है हमें, बैचेस क्या होते हैं, न्यू ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, नहीं चाहिए बैजेस, नहीं चाहिए बटन भी नहीं चाहिए, मॉडल लिस्ट ग्रुप क्या है, लिस्ट आइटम,
सेकंड थर्ड ये तो अलग चीज़ है। नैव एंड टैप्स मोडाल ऑफ कैनवास क्या है? क्या है स्क्रॉल स्पाई? क्या है जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ ना वो कुछ कुछ बढ़िया चीज़ है वो। पिजिनेशन पॉपोवर्स प्रोग्रेस बार स्पिनर्स टोस्ट क्या है? बूटस्ट्रैप इलम बेसिक फ्लेक्स लाइफ टोस्ट। ओ ऐसा कुछ है, ये नहीं चाहिए हमें। बताओ ना अलर्ट्स, अलर्ट्स देखते हैं अलर्ट्स। हाँ ये तो सिंपल अलर्ट आएगा। नाइस यू हैव टेक अडम अलर्ट। अकॉर्डियन क्या होता है? ओके अकॉर्डियन ये है। बैज नहीं, ड्रॉप डाउन मॉडल। क्या ढूंढना है यार, है ही नहीं कोई बढ़िया चीज़। कंटेंट में क्या है? ये तो कुछ भी नहीं। लेआउट में क्या है? कस्टमाइज्ड में क्या है? कुछ भी नहीं। गेटिंग स्टार्टेड में तो कुछ है ही नहीं। एक्सटेंड यूटर हेल्पर्स में क्या है? कलर टेक्स्टिंग कंपोनेंट में ही देख लेते हैं कोई बढ़िया सी चीज़ मिल जाए। टूल टिप टूल टिप टूल टिप कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा यार, खुद ही बनाना पड़ेगा। चलो खुद ही बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ बढ़िया बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेंगे, यूएल बना लेंगे। भाई यार चैंगो HTML, ठीक है यूएल बना लेंगे। यूएल बना लिया देन उसके अंदर हम एलआई बना लेते हैं, लाइक दो तीन पांच एलआई बना लेते हैं। ठीक है देन हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना लाइक Item 1। ठीक है Item 1 लिख देते हैं एंड देन हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं बाकी जगहों पे। ठीक है क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए। ठीक है फटाफट हमने Item 1 कर दिया इसको। यहाँ पे कहीं लिस्ट ग्रुप था देखा था मैंने बूटस्ट्रैप पे अपना, मस्त लिस्ट ग्रुप था कहीं तो था। लेआउट लिस्ट ग्रुप, ठीक है तो इन्होंने कहा लिस्ट ग्रुप एकदम बढ़िया, ये कॉपी पेस्ट करेगा मैं वहाँ पे। ठीक है इसको हटा के मैं इसका वाला पेस्ट कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही हमें चीज़ें सुंदर चाहिए ना, बस इसीलिए। इसको रीलोड करता हूँ, मैं पेज को देखता हूँ कि मेरे पास लिस्ट ग्रुप तो आ गया। ठीक है अब मुझे यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा ऐसा बैच सा दिखा दूँ जिसमें मेरे पास कोई चीज़ लिखी हो, राइट कितना नंबर है ना। तो हमने एक बैच देखा था, मेरा बैच देखा था। बैच क्या करता है, छोटा छोटा ऐसा ऐसा कर देता है ना। तो सबसे छोटा बैच ले लेता हूँ मैं, सेकेंडरी बैच न्यू स्पैन H6 वाला। ठीक है ये रहा देखो नोटिफिकेशन, वो यही तो चीज़ चाहिए। तो ये क्या सेकेंडरी, हाँ तो यही यूज़ कर रहे थे हम। तो हम इसको अपने कोड में इधर हर हर उसके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है पेस्ट कर दिया हमने, सेव कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो आई एन आइटम एग्जांपल हेडिंग न्यू, ये क्या सीन है भाई? अच्छा ओके ओके सॉरी गलत चीज़ पेस्ट कर दी। हमें सिर्फ और सिर्फ बैजिंग चाहिए थी है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये स्पैन चाहिए। तो हम स्पैन उठा लेते हैं एंड हम क्या करते हैं, हम इधर 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 और इधर पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है सेव कर लेते हैं एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा शो हो रहा है। तो ये ऐसा ऐसा शो हो रहा है। ठीक है लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एंड में चाहिए। ठीक है एंड में सही रहेगा। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त मस्त सी CSS लगाते हैं। ठीक है डिस्प्ले नहीं डी फ्लेक्स, ठीक है जस्ट अ फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं डी फ्लेक्स लगा दिया एंड लगाएंगे हम जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है
LG की ज़रूरत नहीं है हमें, हम बिटवीन से काम चला लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेव करके, तो एक आ रहा है राइट, तो यही चीज़ चाहिए। एंड मुझे सेकेंडरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा। हमारा जो कलर चल रहा है वो ब्लू चल रहा है ना, प्राइमरी चल रहा है बेसिकली, तो हम यहाँ इसको भी प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है सही है भाई, यही चीज़ चाहिए मुझे, यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ मुझे चाहिए, बार बार चाहिए, हर बार चाहिए। ठीक है, इसको मैं 3-4 बार कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी हटा दो, अभी तो हम बना ही रहे हैं ऐसे, क्या सीन है ऐसा ऐसा देख के बना रहे हैं। ठीक है, बाकी हम कैसे ऐड करेंगे वो हम कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि चार आइटम है, चार आइटम है, चार आइटम है, चार आइटम है ना, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम मैप करना शुरू करते हैं हमारे उसको। ठीक है, हम मैप करने के लिए, काश मुझे इस टाइम पे ना वो बड़ा याद आता है, हमेशा रिएक्ट बड़ा याद आता है। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भैया हमारे पास आइटम्स है, उसको बस कॉपी करो, यहीं पे लिख दो सब कुछ। अब तो मैं इसके अंदर झंझटबाजी बहुत करनी पड़ती है, नॉर्मल HTML पहले ID बनाओ, फिर अलग से JavaScript लिखो, फिर इसमें कुछ करो, फिर कुछ करो, बड़ा झंझटबाजी सीन आता है। ठीक है, क्या करते हैं हम एक आईडी बनाते हैं छोटी सी, उसका नाम रखते हैं हम कार्ट डैश आइटम्स। ठीक है, मुझे इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँगा क्यों पड़ेगी। ठीक है, मैं नीचे आऊँगा, मेरी स्क्रिप्ट में अभी तक सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एक आधी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक आधी लाइन और लिख देता हूँ। क्या लाइन है वो, कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो क्या हो। ठीक है, जब भी उस पे बटन पे क्लिक हो तो ये पर्टिकुलर फंक्शन चल जाना चाहिए। तो एक फंक्शन बना देते हैं हम, बनाते हैं एक फंक्शन कॉन्स्ट पुट पुट डेटा इन कार्ट पॉप पॉप अप। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। इतना लंबा लंबा नाम मैं इसलिए देता हूँ, और देना भी चाहिए ताकि आपको फिर बाद में पता चल जाए कि भैया ये जो पर्टिकुलर फंक्शन था ये एग्जैक्टली यूज़ क्यों हुआ है मेरा। ठीक है, क्योंकि IDE में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ P लिखना पड़ेगा, वो खुद ही सजेशन दे देगा, भैया ये वर्ड तो नहीं कह रहे तुम, पुट डेटा इन कार्ट है ना, तो मेरे को लिखने का जरूरत ही नहीं। तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा डेटा दे भी दूंगा ना, तब भी मुझे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो पुट डेटा इन कार्ट में क्या होगा, ये मैंने कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ रिटर्न, बल्कि एक चीज़ मैं उठा लेता हूँ, वही अपना वही डॉक्यूमेंट डॉट इनर नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, ID क्या है, ID कुछ तो था जो मैं भूल गया हूँ, ID है अपना कार्ट डैश आइटम्स। ठीक है, कार्ट डैश आइटम्स। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉट इनर HTML को के अंदर कुछ मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, कुछ प्रिंट करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, सब अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, अब क्या सीन है, मेरे को पूरा UL UI, मुझे सारे LI इधर मुझे देने पड़ेंगे, सॉरी इधर नहीं, ऐसे इनर HTML गलत कर दिया यार मैंने, इक्वल्स टू ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सीन है कि मुझे कुछ यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा लॉजिक बनाता हूँ जिसके अंदर सबसे पहले तो मेरे को लोकल स्टोरेज चाहिए, राइट। लोकल स्टोरेज क्यों चाहिए मुझे, तुम देखोगे हमने ऐड टू कार्ट में क्या करा था, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपना एप्लीकेशन पे जाऊँ, ठीक है, लोकल स्टोरेज देखो, तुम देखोगे मेरे पास क्या है, तीन तीसरी जो आईडी है उसका 3 ऐड हुआ है, 11 ID का 4 ऐड हुआ है, ऐसे ऐसे करके टोटल में 5 आइटम्स ऐड हुई हुई है ना। तो मुझे ये वाला डेटा चाहिए ना, ये वाला डेटा चाहिए, तो लाइक बस ये यूज़ करना पड़ेगा हमें, है ना। अब क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, पहले तो सबसे पहले मैं डेटा वो ले लेता हूँ, कार्ट लेता हूँ, वेयर कार्ट इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक
डॉट गेट आइटम के अंदर मैं लिखूँगा कार्ट, क्यों, क्योंकि उसका नाम कार्ट है, हम आशा करता हूँ कि हम सबको याद हो, ठीक है। तो कार्ट के अंदर आ गया होगा सामान, ठीक है। अब क्या करूँगा, कार्ट को तो पहले लॉक करा लेता हूँ, ठीक है, लॉक करा देता हूँ कार्ट को, ताकि मैं देख पाऊँ, ठीक है। मुझे पता है कार्ट कैसे दिखता है, मुझे पता है ऑब्जेक्ट है ये कार्ट, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कार्ट है वो तो याद रखना, हमेशा स्ट्रिंग डाल रखी है हमने, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको जेसन पार्स करेंगे, जेसन डॉट पार्स पार्स, ठीक है, जेसन डॉट पार्स करेंगे हम इसको। ये जो मामला है, इस पूरे मामले को उठा के अंदर डाल देंगे। अरे वैल्यू में आ तो रहा है, अच्छा नहीं, ये तो अलग चीज़ है, ओके रहने दो, ठीक है। ठीक है, तो आ गया। अब क्या है, अब कार्ट के अंदर जेसन आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जेसन को सबसे पहले मैं बनाऊँगा एरे, जिस तरीके से मैंने ये यूज़ किया था, ये याद है ना सबको, हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट डॉट कीज से हमने सारी कीज़ को अलग ले लिया था, है ना। एंड देन हम कीज़ का इस्तेमाल करके, हम तो कीज़ अलग करके क्या हुआ था, दोबारा मैं दिखा देता हूँ एक बार। आ रहा है ए, आ रहा है ए, नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, हम पहले ए बनाते हैं एंड देन हम वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ए वेयर ए इक्वल्स टू जेसॉन, जेसॉन डॉट पार्स, ये लो, ठीक है, एंटर मारेंगे। तो अब मैं ए यूज़ करूँगा, ठीक है, ए मैं प्रिंट कराता हूँ, तो तुम देखोगे मेरे जेसॉन प्रिंट हो रहा है, ठीक है, इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, हम वापस एक बार ऑब्जेक्ट डॉट कीज प्रिंट करा देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर हम ए प्रिंट करा देते हैं। तो तुम देखोगे ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये आ रहा है, एरे आ रहा है जिसके अंदर 4 6 11 9 टाइप समथिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये एरे बना लेता हूँ, ठीक है, मैं एरे बना लेता हूँ ये वाली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही लिखता हूँ कोड, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, कीज बना के मेरे पास बन गया कार्ट, राइट। अब ध्यान से सुनना, एरे बन गया है ना। अब इस एरे के अंदर, एरे के अंदर मैं मैप फंक्शन लगा सकता हूँ, है ना, एरे है एरे के अंदर, तो मैप में मैप फंक्शन लगा ही सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पर ही इसी के आगे डॉट मैप लगा देता हूँ, ठीक है, डॉट मैप। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं ए को लेके, ए जो भी मुझे देगा डेटा, ठीक है, डेटा को मैं लेके एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, जो कि लॉक करेगा, लॉक भी क्या करेगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ रहा है भाई, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अरे अच्छा इसलिए आ रहा है कि मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉन्सोल डॉट लॉक, कॉन्सोल डॉट लॉक, अनडिफाइंड आना चाहिए, अरे पाँच, अरे पाँच, अरे पाँच, ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, एक काम करेंगे, हम ए लिख देते हैं, ए भी लिखेंगे, हम डेटा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा भी लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग, आ ही नहीं रहा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे डेटा, ठीक है। अब इसको जब चलाएंगे तो क्या चलेगा, कुछ अनशन नहीं चल रहा है भाई, चार वैल्यूज है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है। तो ए चला होगा, उसने एरे दिया होगा, एरे दिया होगा, राइट, एरे ये रहा, ए प्रिंट करना, ए में क्या है, ए में समान है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज में क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज में एरे भी है, ठीक है, डॉट मैप करेंगे, डॉट मैप नहीं, डॉट मैप क्या दे रहा है भाई, मैप अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, टाइप एरर अनडिफाइंड काहे, अच्छा समझा क्यों दे रहा है टाइप एरर अनडिफाइंड, ठीक है। तो हम लॉग, चलो इसको ना मैं यही चला के दिखाता हूँ, तो मैं ये ना यहाँ पे दिक्कत मार रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट चलाते हैं, हम मैप लेते हैं, ठीक है, मैप चलाते हैं, मैप के अंदर हम क्या करते हैं, हम कार्ट लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी कार्ट नहीं, आइटम लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि कार्ट के अंदर एक आइटम आएगा, राइट। आइटम क्या करेगा, आइटम कुछ करेगा हमारा, आइटम क्या करेगा, हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं,
हम दो चीज़ें बनाते हैं। नहीं, हम एक ही चीज़ बनाते हैं। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं str। ठीक है, एक वेरिएबल हम स्ट्रिंग बनाते हैं जिसके अंदर मैं html कुछ दूंगा, तो इसका नाम str हटा के मैं लिख देता हूँ वेरिएबल html str। ठीक है, तो अब ये एम्प्टी है। अब क्या होगा, जैसे आइटम आएगा ना, जैसे आइटम आएगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो एक जो मेरी str था, str में चेंज करता हूँ, str में चेंज करता हूँ। ठीक है, str में क्या चेंज करूँगा, मैं कहूँगा कि पहले से जो str है, st सॉरी ये जो html str है, html str जो है उसके अंदर तुम क्या करो, पुराना वाला html str डालो। ठीक है, उसके अंदर क्या करो, तुम एक स्पेस ऐड करो। ठीक है, एंड देन तुम क्या करो, तुम नया जो मैं लिखने वाला हूँ वो चीज़ डाल दो। ठीक है, मैं क्या लिखने वाला हूँ, ओके ठीक है, मैं एक एरे बनाता हूँ, एंड देन मैं एक ये बनाता हूँ, सिंगल कोट्स वाला बनाता हूँ कॉलन, एंड पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब सिंगल कोट क्यों बनाया, कि बीच में ना डबल कोट्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो मैं अगर डबल कोट यूज़ करता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, एंड मैं डबल कोट, मैं सिंगल कोट भी यूज़ नहीं करने वाला, मैं यूज़ करूँगा टिक्स। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम टिक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर चार की जगह मैं क्या डालूँगा, डॉलर डालो पहले, तो यहाँ पे चार की जगह मैं यहाँ पे डालूँगा, देखो कार आइटम के अंदर आएगा वो पर्टिकुलर नंबर, राइट, आइटम के अंदर आएगा, ध्यान से दिखाता हूँ। तो देखो, अब देखो मेरे पास ए है, क्या है ए, मेरे पास है तीन, राइट, ए है मेरे पास तीन। बेसिकली ए क्या है, ए है कार्ट का, अगर मैं करूँ यहाँ पे तुम लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है, कार्ट इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं कार्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कार्ट आ गया है ना, वही चीज़ आ गई जो थी। व्हाट इफ मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 की वैल्यू चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, कार्ट के अंदर 6 यूज़ करो, तो तुम देखोगे 1 दिखा रहा है, राइट, कार्ट के अंदर 6 यूज़ करूँगा तो 1 दिखा रहा है, कार्ट के अंदर मैं 1 यूज़ करूँगा, सॉरी 11 यूज़ करूँगा, तो ये 4 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि 4 का जो 11 का वैल्यू है वो 4 है, ये क्या है, कार्ट है, राइट, तो कार्ट के अंदर ऐसे, तो मैं ऐसा यूज़ करूँगा तो यूज़ हो जाएगा। वट ठीक है, वट इफ़ मैं क्या करूँ, कार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, वेर वेर आइटम इक्वल्स टू 11। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ आइटम है। ठीक है, तो अगर मैंने कार्ट के अंदर आइटम डाला, ठीक है, तो तुम देखोगे क्या हुआ, कार्ट के अंदर 11 डालेगा, आइटम इस टाइम पे 4 है ना, 11 है ना, तो कार्ट के अंदर आइटम डालूंगा तो 4 निकाल रहा है, राइट, तो क्या होगा, अब इस मैप को इससे समझना। मैं हर कार्ट का एक आइटम निकाल रहा हूँ है ना, जब क्या होगा, देखो कार्ट का जब हम ऑब्जेक्ट चलाया तो सारी कीज़ आ गई है ना, जो सारी कीज़ थी वो आ गई, मतलब कीज़ क्या चीज़ है, देखो कहाँ है कीज़, ये है 3 4 6 9 11, ये प्राइमरी की थी हमारी है ना, तो ये आ गई मेरे पास है ना। अब ये आई तो मैं क्या करूँगा, मुझे करना है कि भैया इसका वैल्यू निकालना है, राइट, तो इसका वैल्यू निकालने के मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरे पास की आई है ना, मैं उसको कार्ट के अंदर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास जो की आएगी वो आएगी आइटम में, तो मैं आइटम को कार्ट के अंदर यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाए, सिंपल था। ठीक है, हम क्या करते, हम यही चीज़ को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, हम लिस्ट यहाँ पर एक HTML रिटर्न करा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कैसे डालेंगे, हम यहाँ पे वही डालेंगे, कार्ट के अंदर जो भी जो जो आइटम का जो भी वैल्यू है वो यहाँ कर दे है ना। अब हम इसको सेव करा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम एक बार अपना जो आखिर में इस पर्टिकुलर फंक्शन के बाद हम देख लेते हैं भाई हमारा HTML str कैसा होगा। ठीक है, लॉग str सॉरी लॉग लॉग HTML str। ठीक है, यही है ना। ठीक है, सेव करा लेते हैं, एंड बहुत सारे एरर हैं वो तो उस वजह से हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने एक फंक्शन है ये, अब ये फंक्शन अब हमें कहीं कॉल करना होगा है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऑन क्लिक पे कॉल करते हैं, इसके ऑन क्लिक पे कार्ट बॉडी मॉडल, मॉडल के ऊपर जो बटन है, इस बटन के ऑन क्लिक पे हम कॉल करेंगे। ठीक है,
ऑन क्लिक इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर फंक्शन चल जाए भाई। अब हम आ जाते हैं अपने कार्ट पे, इसको हम अब हम अभी हमने सेट कुछ नहीं कराया, हम सिर्फ और सिर्फ बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा। वार्निंग्स नो, यूज़र मैसेज में क्या क्या आ रहा है, इन्फॉर्मेशन पाँच चाहिए, क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, अरे रीलोड नहीं पड़ा, मारा यार पेज मैंने। ठीक है, हम एक बार कार्ट ओपन करते हैं तो तुम देखो क्या हुआ, ये पूरा कुछ बन गया, लिस्ट दिस 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 तीन आया, ठीक है, मतलब दो आया, चार आया, एक आया। तो क्या हुआ बेसिकली उसी HTML के अंदर, देखो देखो साफ सीधा लॉजिक समझो, ठीक है, लॉजिक समझो सीधा। अब क्या हुआ देखो, जब ये फंक्शन चला होगा, जब ये फंक्शन चला होगा, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने खाली स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, और फिर हर बार एक आइटम के लिए एक मैप चला होगा, तो पहले पहला चला लेते हैं, ठीक है, पहला चला होगा क्या आएगा, मान लो मेरे पास यहाँ पे ए था, ए है अभी जिंदा है, ए मेरे पास, ए जिंदा नहीं है, ठीक है, तो क्या जिंदा है हमारे पास, कार्ट जिंदा है हमारे पास, कार्ट कार्ट में कार्ड भी जिंदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर जाते हैं, बहुत सारा ऊपर जाते हैं, हम ये उठा लेते हैं, ठीक है, ए आ गया, ए की वैल्यू आ गया, राइट। तो अब देखो ध्यान से, तो पहली बार तीन के लिए चला, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भैया तीन के अंदर की कितनी वैल्यू है, तीन वैल्यू है, राइट। तो इसने क्या करा, इसने करा str के अंदर स्पेस ऐड करो एंड देन ये लाइन ऐड कर दो, ठीक है। इस टाइम पे str क्या है, पहले टाइम पे str एम्प्टी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक स्ट्रिंग ले ली जो एम्प्टी है इस टाइम पे, पहला str प्लस करेंगे तो इसका क्या गया, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसने एम्प्टी स्ट्रिंग कर ली एंड देन उसने एक स्पेस ऐड किया, ऐसा उसने एक स्पेस ऐड किया, ठीक है। एंड देन उसने उसके बाद क्या किया, उसने ये पर्टिकुलर लाइन कॉपी पेस्ट कर दी विद दिस वैल्यू, इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है चार, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसने इसको उठा के इधर स्पेस के आगे इसने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम पे एक मिनट रुको ना, टिक सर ये हाँ, वाला पार्ट आप समझ सकते हो, कार्ट आइटम वाला, कौन सा कार्ट आइटम, ये जो अभी आप बता रहे हो ना सर, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। कहाँ से क्लियर नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ही समझ नहीं आया। नहीं, ये समझा, जब भी आप उसको जो स्ट्रिंग को बाद में वो जो रिटर्न करता है ना, मतलब वो पूरा टैग हाँ वो तो नहीं। वही हाँ तो समझा रहा हूँ भाई, वही तो समझा रहा हूँ, नहीं सर, मतलब थोड़ा वही इशू कर रहा है। ठीक है रुक जा, समझाता हूँ आराम से समझाता हूँ, ठीक है। देखो हम यहाँ पे इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि प्रोग्राम काम कर क्या रहा है, जो लिखा है इससे आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट कर देता हूँ, आउटपुट इक्वल्स टू कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज समझ आया सबको कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करता है, ये कीज़ का एरे बना देता है, ठीक है। कीज़ का सारी ये कीज़ निकालता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। कीज़ क्या होती है, ये जो शुरुआत के नंबर होते हैं ये देख रहे हो, ये जो होता है की होता है डिक्शनरी में, क्या होता है की होता है, एक वैल्यू होता है, राइट। तो वैल्यू छोड़ के सिर्फ की का डिक्शनरी वो बना देता है, ये की का एरे बना देता है, की का ये एक एरे बना देता है, ये देखो। इसको जब मैं रिटर्न करूँगा तो ये एक एरे रिटर्न कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर मेरे अंदर वैल्यूज़ है 3, 4, 6, 9, 11, जो कि क्या है, मेरे असली ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है एरे, ठीक है। तो ये इतना तो समझ आ जाना चाहिए सबको, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको डॉट मैप लगा दिया। अब देखो डॉट मैप क्या करता है, एरे के अंदर जो भी आइटम होती है उसको यूज़ करता है लूप के तौर पे, ठीक है। तो पहला आइटम पहले लूप में चलेगा, दूसरा आइटम दूसरे लूप में चलेगा, राइट। तो ये तो हमें दूसरी चीज़ पता चल गई, ठीक है। तो क्या होगा, कार्ड बनेगा, कार्ड से मैप होगा, मैप के अंदर जो पहला आइटम आएगा वो आइटम में आएगा एंड देन उसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला आइटम क्या है, पहला आइटम है हमारे पास तीन, ठीक है। तो क्या होगा इस टाइम पे, आइटम की वैल्यू क्या होगी, तीन होगी, राइट। तो आइटम की जो वैल्यू है वो हमारे पास तीन है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई एस टी आर के अंदर क्या करे, पहले तो एस टी आर प्लस कर दे, ठीक है। तो एस टी आर के अंदर, तो इधर देख रहा है, मैं ये जो कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे बनाता जाऊँगा हाथों हाथ, ठीक है। अब क्या होगा, एस टी आर प्लस कर दे, ठीक है। एस टी आर इस टाइम पे क्या है, खाली स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये कुछ भी ऐड नहीं करेगा, ठीक है। फिर देन क्या है, मैंने कहा कि भैया उसमें ऐड कर दे एक स्पेस ऐड कर दे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कर दिया स्पेस ऐड।
देन उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये तो भाई एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दे, एंड उसके अंदर जो वैल्यू है इस टाइम पे, ये जो वैल्यू है, ये जो है वैल्यू, ठीक है, इसको चेंज कर दे। तो इस टाइम पे क्या है, कार्ट के अंदर, एक मिनट को उसको सही करना था मुझे, ठीक है भाई, ये टिक्स में पूरा टिक्स माना वाला है, ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हम बहुत चालाक हैं, स्पेस डाल दिया हमने, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, इस टाइप पे कार्ट के अंदर आइटम की वैल्यू क्या है, मान लो आइटम क्या है मेरे पास, आइटम है मेरे पास तीन, राइट, आइटम पहला मेरे पास आइटम क्या है, आइटम है मेरे पास तीन, तो कार्ट के अंदर तीन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं देख लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट डॉट ए था, ठीक है, इसको मैंने कर देता हूँ, इसको कार्ट के अंदर डाल देता हूँ, कार्ट के अंदर क्यों डालूँ, ए है ना मेरे पास, ए क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है पूरा, है ना, ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये, तो मैं क्या कहता हूँ, ए के अंदर आइटम क्या है मेरे पास, मान लो तो मेरे पास आइटम था तीन, है ना, तो ए के अंदर तीन डाल देता हूँ, ए के अंदर तीन डालूंगा तो क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, तीन क्यों आ रहा है, क्योंकि तीन का वैल्यू तीन है ना, कार्ट के अंदर, ए के अंदर तीन का वैल्यू तीन की है, कार्ट ये है, कार्ट के अंदर तीन का वैल्यू कितना, तीन, ठीक है, तो पहला आइटम उसने डाल दिया तीन, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम तीन, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें तो आउटपुट निकालना है ना, हम इसमें ऑप्शन क्यों डालेंगे, ठीक है, तीन डाल दिया, ठीक है, फिर क्या हुआ, अब नया जो एस टी आर का वैल्यू है वो है ये चीज़, ये पहला एस टी आर का वैल्यू, ठीक है, आउटपुट वन लिख देता हूँ उसको मैं, ठीक है, अब आउटपुट टू कैसे बनेगा, टू कैसे बनेगा आउटपुट टू, तो क्या हुआ, लूप दोबारा चलेगा, ठीक है, इस बार आइटम क्या होगा, इस बार आइटम होगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आइटम क्या है, चार है, राइट, तो आइटम होगा इस बार चार, ठीक है, तो क्या होगा, उसने दोबारा ये लूप चलेगा, दोबारा कहेगा, वो कहेगा भैया एस टी आर के अंदर करे कि इस टाइम पे जो एस टी आर का वैल्यू है वो डाल दे एंड देन एक स्पेस डाल दे, ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं, उसने पहला एस टी आर का वैल्यू डाल दिया, ठीक है, इस बार एस टी आर का वैल्यू तो चेंज हो गया है ना, यहाँ पे हम जब पहला चला था तीन पे, यहाँ पे लूप नंबर डालते हैं, लूप नंबर है दूसरा, पहला हम चला चुके हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरा लूप नंबर है ना, तो पहला चलेगा, तो पहले में क्या वैल्यू थी एस टी आर की, ये वाली, तो हम यही वाली वैल्यू डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एस टी आर के अंदर हम कुछ करवाएंगे, ठीक है, तो एस टी आर के अंदर ये पहला एस टी आर है के अंदर एक स्पेस ऐड कर दे, ठीक है, तो हम एंड में आते हैं, तो यहाँ पे थे हम, इसके आगे स्पेस ऐड कर देगा, ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये वाली लाइन ऐड कर दे, लेकिन इस बार वैल्यू बदल दिया, क्यों, क्योंकि आइटम की वैल्यू बदल चुकी है ना, तो हम स्पेस के आगे ये वैल्यू बदल देते हैं, इस बार वैल्यू क्या होगी, इस बार आइटम है हमारे पास, क्या है आइटम हमारे पास, आइटम चार है ना, चार है, तो इस बार चार की वैल्यू क्या होगी, चार की वैल्यू होगी दो, है ना, तो हम यहाँ पे इस बार दो लिख देंगे, ठीक है, इस बार हम यहाँ पे दो लिख देंगे, तो ऐसे ऐसे लूप चलेगा एंड एंड तक चलेगा, जब तक लाइक दो दो चल जाएगा, फिर दोबारा सेम इसी तरह चलेगा, पुराना तो जो सर वैल्यू मतलब आएगा, वो एरे की वैल्यूज ही ले रहा है हाँ बस। बस एरे की वैल्यू ले रहा है एंड देन हम स्ट्रिंग को बढ़ाए जा रहे हैं, ओके, तो ठीक है, अब कोई नंबर ऑफ कीज के हिसाब से। हाँ नंबर ऑफ कीज के हिसाब से, ठीक है, जितना की होगा मेरे को सारा ही तो दिखाना होगा, है ना, मैं सारा दिखा दूंगा, कोई ऐसा है जिसको अभी इसमें डाउट हो, ठीक है, रेफरेंस, ठीक है, तो ये चीज़ था एस टी आर का, देखिए इससे क्या होगा, हमारे पास पूरा जो एस टी आर आएगा ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बट इन अ सिंगल लाइन, कुछ ऐसा बन जाएगा, दिखाता हूँ, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये सारा एक सिंगल लाइन में आ जाएगा, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को इसके अंदर कुछ डालने का ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब बटन डलता है ना तो वो अपने आप इसके अंदर जो भी चीज़ होती है ना, इनर एचटीएमएल क्या करता है, जैसे मैं इनर एचटीएमएल कुछ करूँगा तो इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा हो वो उसको पूरा चेंज कर देगा, ठीक है, तो यूएल के अंदर मुझे एलआई देना होता है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग बनाई एक एलआई की एंड देन मैं क्या करूँगा उसको ऐड कर दूंगा एज अ इनर एचटीएमएल, ठीक है, मैं करूँगा एचटीएमएल
str, ठीक है। इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर ये जो लिस्ट बनी होगी, इससे जो भी बना होगा, लाइक ये जो बना होगा, ये जो भी इतना लंबा आया था, ये एज इट इज़ इसमें पेस्ट हो जाएगा। मान लो ये जो बना हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड मैं जाता हूँ अपने कुछ पे, यहाँ पे इधर कुछ पे, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसा करेगा जैसे मैं लिटरली अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ये ऐसा ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ की जगह पे ये जो मैंने कॉपी किया था वो पूरा पेस्ट कर देगा। तुम देखोगे ये ऐसा आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ, जो स्ट्रिंग बन गया ये, स्ट्रिंग हटा देता हूँ, इसको कट करो, ठीक है। एडिट एच एज एस टी एम एल करता हूँ मैं, ठीक है। इसके आगे मैं लिखना शुरू करता हूँ कुछ, ये चीज़ ये लिस्ट बन गई, हाँ ठीक है। ये ऐसा का एज इट इज़ ऐसा इसको पेस्ट कर देगा, ठीक है। मैं एंटर मारूंगा तो तुम देखोगे लिस्ट आइटम बन गया 3 2 1 1 4। ये क्या है, ये वही है जो यहाँ पे वैल्यूज थी, ठीक है, 3 2 1 1 4। तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट के आगे जो मैंने लिस्ट का डिज़ाइन बनाया था ना, मैंने उसको कॉपी कर लिया, एंड देन मैंने उसको एक ही लाइन में पेस्ट कर दिया बार 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 बार। क्यों, क्योंकि क्या होगा, देखो ना, पहला लिस्ट आइटम, ठीक है, उसके बाद दूसरा लिस्ट आइटम, देखो ना, हम ऐसे ही तो यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो बस मैंने उसको एक स्ट्रिंग में यूज़ करा, बस कैसे, लॉजिक बना के, है ना। तुम स्टैटिकली दोगे, इससे बेटर मैंने क्या किया, मैंने आईडी वो बना के दे दिया, है ना। तो अब क्या करते हैं हम, इसको तो सबसे पहले पेस्ट करा देते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एस टी आर को यहाँ पे इनर एस टी एम एल को हमने सेट करवा दिया इससे, ठीक है। जो भी एस टी आर यहाँ पे बना होगा लॉक के बाद, वो बन जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, हम अपना इस पर्टिकुलर पेज को रीलोड करते हैं। सर वो उसके बाद आएगा ना, पूरा लूप होने के बाद आएगा लूप होने के बाद आएगा, बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ तो तुम देखोगे आ गया बढ़िया करके, 3 2 1 1 4 आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो, अब सीन ये है, सीन ये है कि मेरे को नाम भी चाहिए ना, है ना, नाम भी चाहिए, नाम तो है नहीं मेरे पास। अब क्या करूँ नाम के लिए, मैं क्या करूँ बताओ, कोई आइडिया दे सकता है नाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। दो आइडियाज़ नाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पता नहीं आइडिया ये, सर पैराम से मिल सकता है। पैराम से, मतलब पैराम से मिल तो सकता है, लेकिन तू इतने सारे आइटम देगा कहाँ, कैसे। देखना मुझे नाम चाहिए, राइट, मुझे नाम, मतलब मुझे ये नाम चाहिए, है ना। दो तरीके हैं इसके, या तो मैं हर आईडी को फेच करूं, उसका नाम उठाऊं, हर आईडी के लिए बैकएंड से मैं एक वो मारूं, क्वेरी मारूं, ठीक है, देन वो बैकएंड से डेटा उठाएगा एंड देन वो यहाँ पे शो करेगा, राइट। दूसरा तरीका क्या है, ऐड टू कार्ट करते समय ही आईडी के साथ उसका, मतलब वैल्यू के साथ उसका नाम प्रिंट करा दो, एक ये तरीका है। सर दूसरा वाला सही रहेगा ना? दूसरा वाला सही रहेगा, हम वही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने आईडी, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना हम अपना, इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जाते हैं अपना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, जहाँ पे हमने मेन काम किया था इसको ऐड करने के लिए, ऐड टू कार्ट, मैंने ऐसा कुछ किया था, ऐड ऐड आईडी किया था, ठीक है। क्या दे दिया भाई मैंने, अच्छा एज अ स्ट्रिंग दिया है मैंने इसको, चलो देखो इसका भी जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे आ जाते हैं, स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, तो क्या हुआ है, हमने क्या किया, हमने अगर कहा कि भैया कार्ट है तो कार्ट के अंदर आईडी सर्च कर, अगर कार्ट की आईडी है तो कार्ट की आईडी के अंदर पुराने आईडी के अंदर जो भी वैल्यू हो उसके अंदर नया वैल्यू ऐड कर दे, ठीक है। नहीं तो कार्ड इक्वल्स टू 1 कर दे, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसा कर दे, क्या है मतलब, अगर कार्ट है नहीं तो एक कार्ड बना ले, उसके अंदर एक नया आईडी दे दे, जो भी आईडी है, ठीक है, एंड देन उसको यहाँ पे नाम रख दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 1 1 कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ दे रहे हैं हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, बाकी आईडी वाला हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं एक आईडी ले लेता हूँ और एक नेम ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन क्या करता हूँ, मैं 1 की जगह यहाँ पर इधर 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 इसको एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसको नेम, नेम के अंदर मैं दूंगा नेम कॉमा वैल्यू, नहीं काउंट, काउंट दूंगा, काउंट कि कितनी बार आया, ये काउंट होगा मेरा, बल्कि काउंट भी नाम सही नहीं है,
वैल्यू सही है, वैल्यू के अंदर वही वैल्यू रखूँगा जो मैंने पहले रखी हुई थी। अब इससे क्या हुआ, पुराने वाले लॉजिक के अंदर वैल्यू अगर मैं फेच करूँगा, लेकिन इस आईडी के अंदर अगर मैं वैल्यू फेच करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा, अगर मैं नेम फेच करूँगा तो मेरे पास नेम आएगा, राइट। तो मैं इतना हिस्सा लाइक इतना हिस्सा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, इतना हिस्सा मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर क्या होगा, मेरे को लाइक ये चेंज करना है तो मैं सिर्फ इसको एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड देन शुरुआत में ऐड करूंगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि नेम के आगे नेम कर दे, वैल्यू के आगे जो भी पुराना वैल्यू था वो कर दे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी सेम होगा, इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं ऐसा कुछ डाल दूंगा, नेम के अंदर नेम कर दे, नेम ये है नेम, ठीक है, याद रखना ये वाला नेम आएगा, ये पहला जो दूसरा नेम है ये वाला नेम है। पहला नेम क्या है, पहला नेम है कि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, वैल्यू बना दिया, वैल्यू बना दिया, एंड देन ये सेम हो जाएगा, है ना। अब क्या है, कार्ड के अंदर कुछ वैल्यू आया होगा, मुझे लॉग नहीं चाहिए फालतू के, ठीक है। एंड देन वो क्या करेगा, एलिमेंट बाय आईडी एंड वैल्यू डाल देगा, ठीक है। मुझे वैल्यू नहीं डालना, आप ध्यान से सुनना, क्या हुआ होगा, पूरा वैल्यू आया होगा, ठीक है, नहीं सही है, सही है, एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन निकाल रही है लेंथ, और वो ऐड कर रही है यहाँ पे कि कितनी आइटम्स ऐड हुई है तुम्हारी यहाँ इस जगह पे, ये 5 है ना, ये लाइन है, ठीक है। तो मुझे चाहिए ये, है ना, मुझे ये चाहिए, मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, इतना तो ठीक है, ये हमने वैल्यू तो यूज़ कर ली। सबसे पहले अब मुझे ऊपर जाके ये नेम देना होगा अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है। मैं ऊपर जाता हूँ, जहाँ पर मैंने फंक्शन यूज़ करा हुआ है, पहला आर्ग्यूमेंट मेरा आईडी जा रहा है, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं दे देता हूँ अपना नेम, ठीक है। तो नेम देने के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, उसमें लिखूँगा आई डॉट नेम, नेम ही था ना, आई डॉट नेम यूज़ रहता है ना, तो हम आई डॉट नेम दे देंगे। अब क्या चला जाएगा, ये नाम चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हम इतने को टेस्ट कर लेते हैं पहले, इसको रीलोड कर देते हैं हम, ठीक है। एंड हमारे पास जो इस टाइम पे जो हमारे पास कार्ट है, कार्ट है, कार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, कुछ पता फालतू की वजह, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तो तुम देखना क्या हुआ। ऐड टू कार्ट के अंदर मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, 3 वैल्यू में मेरे पास एक नाम आ गया एंड देन उसका वैल्यू आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट दोबारा करता हूँ, तो ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन आया, राइट। तो हमें इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा इधर इस तरफ, जहाँ पे हमने ये है ना, ये चीज़ें हमें यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा सब कुछ, ये जो हमने जो तो मौज मस्ती हमने की है ना, इस मौज मस्ती में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए यार, कार्ड स्ट्रिंगिफाई करनी भाई चीज़ों को पूरी तरह, सर्कुलर हो गया इसलिए नहीं कर पाई, एरर आए होंगे, कंसोल पे जाऊँ एरर भी नहीं आया, कोई वार्निंग आया, डेव टूल फेल टू मैप सोर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको यूज़ कर लेते हैं एक बार, लॉग कराता हूँ मैं कार्ट को इस साइड पे, लॉग जेसॉन डॉट स्ट्रिंग फाइव कार्ट, हम क्या करते हैं, हम इसको रीलोड मारते हैं एंड देन हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट कर, इन्फो में आ रहा है, ठीक है। ये यहीं पर ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इसको स्ट्रिंग होने ही नहीं दे रहा। अरे ये क्या हो गया, अच्छा देखो पहला से ही आ रहा है, दूसरा गलत आ रहा है, राइट, दूसरे टाइम पे एरर मार रहा है ये, है ना। दोबारा देखते हैं हम एक बार, ताकि हम समझ पाए चीज़ों को कि कैसी काम कर रही है चीज़ें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ऐड लॉक पे आ जाओ, उसको क्लियर कर दो, ऐड टू कार्ट किया, सही है, राइट। दूसरी बार किया तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन आ गया, दूसरी बार ऐड करने पे वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन आ रहा है, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे लॉक कराऊँ, लॉक कराऊँ अपने कार्ट को, सर वो दो बार ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब एक आईडी का ऑब्जेक्ट और कार्ट करेगा ऐसा है सर। बेसिकली ये सीन है कि ये ना इसको इतने हिस्से को एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा है, ओके
इसको मतलब देख, अंदर वाला ऑब्जेक्ट तो है ही ऑब्वियसली, राइट, अंदर वाला ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये किसी वजह से अंदर वाले को पूरी तरह स्ट्रिंग मतलब पूरी तरह पार्स नहीं कर पा रहा। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट वो उसको ना पूरी तरह स्ट्रिंग पार्स नहीं कर पा रहा। उसको स्ट्रिंग तो हो रहा है, ये देख रहे हो, ये जो हुआ इसने इसको पूरा स्ट्रिंग कर दिया, लेकिन इसको जो वापस ये पार्स कर रहा है ना, तब ये पार्स नहीं कर पा रहा इसको, ठीक है। तो सीन ये है, तो हम पर दो तरीके हैं, देख लेते हैं एक बार। हम एक बार क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं जेसॉन डॉट तो सर शायद से हम लोग पार्स डायरेक्ट आईडी मांग रहे हैं तो ये इशू हो रहा करना। रहेगा सर। अगर बैकएंड से लेके तो नहीं होगा ना ये। भाई होगा तो नहीं, लेकिन फिर वो क्या करेगा, कन्वर्ट। देख बैकएंड से ना इशू हो जाएगा क्या, कि पहले तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, वहीं फट जाएगा ऐप, ठीक है। हमें टाइम ज़्यादा लगाना ही नहीं है, हमें टाइम ज़्यादा लगाना ही नहीं है, कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट थ्रोस, कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट। क्या कह रखा है इसने, कहा कि भैया पार्स कुछ बॉडी सेंडेड, या पार्स करके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे क्यों रहा है। अच्छा नहीं, सोच लेते हैं इस बारे में क्या होगा, कि जो आईडी होगा वो क्या होगा, वो पुराना आईडी प्लस नया आईडी हो जाएगा, राइट। तो पुराना आईडी कार्ड का आईडी है ना, कार्ड का आईडी क्या है, कार्ड के अंदर जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है इसके अंदर प्लस ऐड कर, अरे ये हराना चक्कर, कार्ड के अंदर हमें कार्ड के अंदर आईडी ऐड नहीं करना, कार्ड की आईडी में ले जो वैल्यू होगी हमें उसके अंदर वन प्लस ऐड करना है। हम बेवकूफ़, मतलब मैं बेवकूफ़, तुम लोग तो मासूम हो, ये कॉपी करना है, हद है यार। तो वैल्यू चलेगा, ये मस्त चलेगा। अब देखियो ये तो सही काम कर रहा था ना, यहाँ दिक्कत हो रहा था, ऑब्जेक्ट भेज रहा था, तो देखो क्या हुआ, आईडी क्या है, कार्ट आईडी तो ऑब्जेक्ट हम सेव कर रहे हैं ना, तो हमने क्या करा, हमने मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ही पूरा आईडी पास कर दिया, उसका वैल्यू पास नहीं किया। तो ये क्या कर रहा है, ये चीज़ तो ऑब्जेक्ट है ही, है ना, ये तो हम ऑब्जेक्ट बना ही रहे हैं, तो उसने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, तो वो सही दे रहा है, वो एकदम सही दे रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा है, एंड पार्ट्स वगैरह सब सही काम कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने उसको लाइक पूरा आईडी दे दिया, बेवकूफ़ी थी, मैंने डॉट वैल्यू नहीं यूज़ की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसका डॉट वैल्यू यूज़ कर लूँगा, ठीक है, एंड वैल्यू वैल्यू ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आइटम आइटम सब सही चल रहा है, ये जो लॉग हुआ है फालतू का इसको भी हटाओ। अरे यार कोई बात नहीं, बढ़िया एकदम सही है, हमें पता चला कि हम किस किस प्रकार की बेवकूफ़ी कर सकते हैं, ठीक है। रीलोड कर देते हैं इसको अपना, वही मस्त एप्लीकेशन पे जाते हैं, एंड देन हमारा जो कार्ट है उसको डिलीट कर देते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कुछ हुआ, ठीक है, यहाँ लॉग देख, लॉग तो आएगा नहीं, छोड़ो, एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ देख लो, ठीक है, कुछ ऐड हुआ, वैल्यू इसका कुछ हुआ, अब देख लेते हैं अब क्या हुआ, इसका वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू, ठीक है, 3 का वैल्यू, वेब डेवलपमेंट का ही वैल्यू 3 हो गया। मैं नया कुछ ऐड कर देता हूँ, तुम देखोगे कि भैया 4 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है ना, वही सेम तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हम अब अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब सीन क्या है, यहाँ पर कार्ट में 3 आ गया, राइट, तो ये 3 है, तो ये भी 3 है, सही है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास सही है चीज़ें, तो है ना, नंबर भी ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आइटम नेम की जगह ये नेम डिस्प्ले कराना है, राइट। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आने लगा है ना यहाँ पे, अब हमें इसकी जगह पे वैल्यू देना होगा, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू दिया था उसकी जगह पे हमें वैल्यू देना होगा, है ना। वैल्यू कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, डॉट वैल्यू वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है। हम जाते हैं अपने इंडेक्स डॉट बेसिक डॉट एच टी एम एल में, यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग बनाया था, यहाँ पे हमने यूज़ किया था भैया कार्ट आइटम, तो एज इट इज़ यूज़ कर ले। अब हम कार्ट आइटम एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे भैया कार्ट आइटम की वैल्यू जो होगी वो उठा, वैल्यू क्या है, तुम देखोगे कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, एक आइटम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक नेम है, एक वैल्यू नाम का ऑब्जेक्ट है,
नहीं, वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है, तो मैं ये वाला वैल्यू यूज़ करना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं ये वाला वैल्यू अब यूज़ करूँगा। मैंने ये वाला वैल्यू ऐसा डॉट वैल्यू लगा के यूज़ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मुझे भैया नेम चाहिए अब, है ना। मैं उसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे जो नेम लिखा है इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, एंड देन मैं वैल्यू की जगह दे दूँगा सिर्फ नेम। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बना रखा है जिसका नाम भी है मेरे पास, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आइटम्स पे जाऊँगा, तुम देखोगे कि भैया मेरा वैल्यू गायब हो चुका है। वैल्यू क्यों गायब हो चुका है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। वैल्यू इसलिए गायब हो चुका है, VALUE। वैल्यू की स्पेलिंग क्या है, गलत लिखी है क्या मैंने? तो सही है। ऑब्जेक्ट की डॉट वैल्यू, तो ये वैल्यू आ क्यों नहीं रहा? आईडी के अंदर कोई वैल्यू वैल्यू क्यों नहीं आ रहा? कार्ट आइटम लॉक करेंगे अब हम वैल्यू को, कि वैल्यू महाशय आ क्यों नहीं रहे हम। VALUE सही तो है। रीलोड करो इस पेज को, हम ऐड टू कार्ट करते हैं, कोई सामान तीन चीज़ें ऐड करते हैं, तो वैल्यू ही गायब हो गया भाई हमारे उससे। VALUE वैल्यू लॉग में क्या आ रहा है, वैल्यू में लॉग में 4-2 वैल्यू, तो भाई सही आ रहा है एकदम, 4-2-1 है ना, 4-2-1 एकदम सही आ रहा है। वालू ये यूज़ क्यों नहीं करा, वालू को ये क्यों यूज़ नहीं कर रहा? वालू की जगह मैं कुछ और लिखूं तो क्या ये इसको यूज़ करेगा? टू थ्री टू आ रहा है लेकिन इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो पुराने वाले उसमें भी आ रहा था क्या कुछ? देखो ज़रा, आ तो रहा है आ रहा लेकिन है आ डिज़ाइनिंग रहा हिल है। गई है। हाँ डिज़ाइनिंग क्यों हिल गई है हमें मालूम नहीं, डिज़ाइनिंग हिलने देनी चाहिए। क्योंकि ये कमेंट एज अ कमेंट आ रहा है। वाओ, स्पैन टैग एज अ कमेंट आ रहा है भाई, ये क्या सीन है, स्पैन टैग एज अ कमेंट क्यों आ रहा है? स्पैन ये क्या हो गया? ओ भाई बहुत खतरनाक, कुछ 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 बहुत खतरनाक कुछ कुछ किया है हमने यहाँ पे। ये बंद हुआ, LI चालू हुआ, राइट, स्पैन चालू हुआ, स्पैन बंद हो गया, LI चालू हो गया। इसको सेव करो, अब एक बार रीलोड करो। हमने कुछ मिस्टेक करी थी HTML टाइप करने में, एंड अभी सही काम कर रहा है, 4-2-1 ठीक है। अब हम यहाँ चले जाते हैं, इस पे ऐड टू कार्ट करते हैं, नया ओके ओके है। अब एक बार जाते हैं कार्ट पे क्लिक करते हैं, तो तुम देखोगे ओके ओके आ गया, राइट, एकदम बढ़िया काम कर रहा है। तो ये कार्ट आइटम हमें बता रहा है कि भाई कि क्या चीज़ है, कितनी है ना। सेव चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं, क्लोज करने का ज़रूरत है। सेव चेंजेस के लिए भी हम क्या ही करें, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है ना। अच्छा तो ये हो गया अब, है ना। तो कार्ड बना दिया हमने, कार्ड का इन्फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है। अब तुम लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा, ताकि तुम ऑब्जेक्ट से खेलना सीखो, ठीक है। होमवर्क तुम्हारा ये होगा कि भैया मैं सोच रहा हूँ खुद ही बनवाऊँ, लेकिन बनाएं कैसे हम? मुझे प्लस माइनस डालना है, ताकि मैं प्लस का बटन दबाऊँ तो नंबर बढ़ता जाए, माइनस का बटन दबाऊँ तो माइनस गायब हो जाए, एंड देन जैसे ज़ीरो हो जाए तो यहाँ से ही हट जाए। सेव चेंजेस करने पे अगली बार से वो दिखे ही ना। मेरे को ऐसा करना है, तो कोई डिज़ाइन बताओ। डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा मुझे, कैसे
कैसे कहाँ पे बनाना चाहिए प्लस एंड माइनस, जैसा कि अमेज़ॉन देखते हैं, अमेज़ॉन ऐड टू कार्ट, गो टू कार्ट, क्वांटिटी ऐसा बना रहा है भैया, कितनी क्वांटिटी चाहिए था हमें। हाँ तो सही तो है। नहीं यार बैजिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। ये तो ना बहुत ज़्यादा भाई, इतनी बेसिक वेबसाइट में देखी नहीं थी, इतनी अमेज़ॉन की है ना, उससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्लस बटन लगा देते हैं, यहाँ पे एक माइनस बटन लगा देते हैं, प्लस दबाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस दबाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इतना कर देते हैं। ठीक है तो एक काम करते हैं, हम पहले बूटस्ट्रैप पे जाके ऐड लिखते हैं, ऐड बटन UWM डिसेबल स्टेट। फॉन्ट ऑसम में, चलो अभी के लिए सिंपल कर देते हैं, पहले बना देते हैं उसको, फिर बाद में करते रहेंगे इसकी डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसके आगे, यहाँ पर इधर एक स्पैन लगे, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ ना, इसको अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए एक अलग उसमें कॉपी कर लेता हूँ, एक अलग फाइल में कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो कोडिंग है वो पार्ट इजी हो जाए, ठीक है। इसको लाइफ की जगह मैं डाल देता हूँ HTML, हाँ HTML में, HTML में। देन इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ प्रीटियर से, ठीक है। तो प्रीटियर से फॉर्मेट हो गया राइट, तो मुझे यहाँ पे चाहिए एक प्लस बटन है ना, तो मैं लिखता हूँ स्पैन, इसके आगे प्लस डाल देता हूँ, प्लस का प्लस डाल देता हूँ, एंड देन इसके आगे मैं लिखता हूँ एक और स्पैन, ठीक है। इसके आगे मैं डाल देता हूँ माइनस, ठीक है। अब जो हमने इतना किया है, इतना जो हमने किया है, इसको हम एक लाइन में डाल देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है एंड हम उसको वहाँ पर उसको वैसा दे नहीं सकते राइट। ये जो एल आई है इसको भी मैं एक बैक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, एकदम बढ़िया। इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं सीधा वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैं लाया था राइट, यहाँ पे इस जगह पे। तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, एंड देन एक बार देख लेता हूँ कि चेंजेस आए तो कितने आए और आए तो क्या आए, ठीक है। तो प्लस करेगा तो आजू में एक प्लस का बटन, एक बाजू में एक प्लस का बटन, ठीक है। अब क्या करना है, पहले तो मेरे को एक फंक्शन लगाना है इन सब में, ठीक है। एक फंक्शन मैं यहीं पर बना देता हूँ, ये नहीं यहाँ पर बना देता, ये जो अपना प्लस माइनस है ना, ये यहाँ पे बेसिक डॉट एचटीएमएल, ठीक है। मैं कर देता हूँ ऐड आइटम, ठीक है, ये मेरा फंक्शन बनेगा, ठीक है, जो कि मेरा एक एरो फंक्शन है, ठीक है, जो कि मुझे लॉग कराएगा, लॉग लॉग आइटम ऐड, ठीक है। कौन सा आइटम ऐड हुआ, क्या हुआ, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम चालू कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। लॉजिक हम बनाते रहेंगे फिर, ठीक है। कॉन्स्ट ऐड आइटम बन जाएगा एक, ठीक है, अरे गलत कर दिया, कॉन्स्ट ऐड आइटम, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल्स लगाते हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम। कॉन्स्ट CONST, ठीक है, कॉन्स्ट लगाते हैं, एंड देन हम इसको ऐड आइटम की जगह हम करते हैं रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, यहाँ पे आइटम ऐड, एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको लॉक करा देंगे, रिमूव आइटम, देन ये पूरा स्ट्रिंग में जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम वो वैल्यू हमने थोड़ी ना बनाई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ये जो हमने दो स्पैन बनाए, इसमें हम ये जो हमने स्पैम प्लस एंड स्पैम माइनस बनाया, हम यहाँ पे लगाएंगे मस्त सा एक ऑन चेंज, सॉरी ऑन क्लिक, मैं एक स्पैन के अंदर ऑन क्लिक बना रहा हूँ। ऑन क्लिक से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये चालू हो जाएगा, कहेंगे ऐड आइटम वाला चालू हो जाएगा, ऐड आइटम चालू हो जाएगा, ठीक है। सो कॉपी कर लेता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, इधर ही ऑन क्लिक बनाते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑन ऐड आइटम, ठीक है। सेम चीज़ मैं कॉपी करूँगा एंड जो मेरा माइनस वाला साइन है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है।
यहाँ ऐड की जगह कर दूंगा बस रिमूव, क्यों, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है ऊपर रिमूव आइटम। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, जो फाइल बनाई है हमने सेव कर लेते हैं, रीलोड मार लेते हैं, कंसोल पे चले जाते हैं एक बार, सब कुछ वार्निंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा, प्लस माइनस है, प्लस दबाऊँगा तो कुछ आया, आइटम ऐड आ गया, माइनस दबाऊँगा तो आइटम रिमूव आ गया। मतलब फंक्शन मस्त काम कर रहे हैं, फंक्शन सही काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड बाकी भी देख लेते हैं, ऐड आइटम, ऐड आइटम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ना इसके अंदर वैल्यूज़ देते हैं कुछ। ठीक है, वैल्यू मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ कुछ ऐसा, टिक्स बना देता हूँ यहाँ पे, टिक्स बना देता हूँ इसके अंदर, मैं वैल्यू दे देता हूँ। क्या वैल्यू दूंगा मैं इसके अंदर, देखो टिक्स क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के अंदर काम कर रहा हूँ ना, तो स्ट्रिंग के अंदर मुझे वैल्यू देने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं वैल्यू बनाऊंगा, ये क्या है, ओके स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग है ना। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दूंगा मैं ये वाला वैल्यू, ये ना कार्ट आइटम वाला, कहाँ गया, आईडी वाला जो था, ये वैल्यू वाला आईडी था भाई। अच्छा आईडी चाहिए ना मुझे, तो मैं सीधा आइटम दूंगा, आइटम मेरी आईडी आएगी ना, तो मैं सीधा आइटम दूंगा। ठीक है, अब ये एरर मार रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, सिंटैक्स एरर, ये लो भाई। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना के भी काम नहीं हुआ, काम करते हैं हम इसको एक अलग स्ट्रिंग बना देते हैं, अलग भी, अलग से काम नहीं हुआ। अरे ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है इसकी, पहले से बाहर टिक्स है ना, ज़रूरत ही नहीं है, पहले से बाहर टिक्स है, बस मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, मैं भी महाशय हूँ। ठीक है, पहले से ही मैंने यहाँ पे टिक्स लगा रखे हैं ना, ये वाले यहाँ से यहाँ तक जो मेरा टिक है, ये जो है बना रखा है पहले से ही, तो मतलब मैं अंदर यूज़ कर सकता हूँ किसी किसी भी उसमें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऐड आइटम है ना, यहाँ पे पहले मैं एक आईडी ऐड कर लेता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, आइटम ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर आइटम ऐड के आगे मैं पेस्ट करा देता हूँ, भैया ये पर्टिकुलर नंबर पेस्ट कर दे। ठीक है, मैं एक बार खाली स्पेस प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि इतना कौन लिखे, एंड देन मैं एक ये जो आईडी आ रही है मैं वो प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, मैं ये जो सेम चीज़ है मैं रिमूव आइटम के साथ भी करता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो आगे, आगे मतलब अभी जो मैं काम करूँगा, अभी जो लॉजिक बनाऊंगा, सिर्फ मैं लॉजिक बनाऊँ और आंसर देखूँ, बाकी मुझे ये सब ना करना पड़े कि भैया मैं एक करके डाल के देख रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक में फिर आसानी हो जाएगी मुझे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सीधा ऐसा ऐड आइटम कर दिया, तो मैं यही चीज़ कॉपी करूँगा एंड मैं रिमूव वाले में पेस्ट कर दूँगा, रिमूव आइटम में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सेव कर दी मैंने पूरी फाइल, लिस्ट पे गया, रीलोड करा मैंने पेज को। ठीक है, रीलोड हो गया पेज, मैं अपना यहाँ पे आता हूँ, कार्ट पे आता हूँ। ठीक है, प्लस ये कौन सा है, 135 किस बात का लॉग हो रहा है, ये 135 कहाँ है, कौन सी फाइल है भाई 135 पे, 135 हटाओ यार इसे, फालतू फन के लॉग हो रहा है, कौन से लॉग भी हटाओ, इसको प्रिटिया चलाऊंगा मैं, मज़ा आ जाएगा, तो मस्त बन जाएगा, बन गया, मस्त बन गया एकदम, बस इसने मेरा वो ख़राब नहीं किया, नहीं किया है। ठीक है, बढ़िया है, एक बार रीलोड कर लेते हैं इस पेज को। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो गए थे। ठीक है, अब मैं प्लस करूँगा तो तुम देखोगे आइटम ऐड 3 आ गया, माइनस करूँगा तुम देखोगे आइटम ऐड 4 आ गया, रिमूव आइटम 4 आ गया, रिमूव आइटम 3 आ गया, है ना, तो मतलब मैं इससे अब इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सिंपल सा लॉजिक बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल सा। ठीक है, वो लॉजिक क्या करेगा, वो लॉजिक सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प करेगा चीज़ों को ऐड करने में, रिमूव करने में, राइट। अरे रिमूव आइटम, ऐड आइटम कहाँ है, ऐड टू कार्ट, अरे बनाई तो थी मैंने सारी चीज़ें, ये रही रिमूव आइटम, ऐड आइटम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ले लूँगा दोनों में, दोनों दोनों उसमें मैं एक ही चीज़ लूँगा, एक काम करते पहले एक बनाता है फिर दूसरा बनाता है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो ये कि मैं पहले कार्ट लाऊँ जेसॉन करके। ठीक है, जेसॉन करके कार्ट लाऊँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा भैया कार्ट के अंदर, कार्ट के अंदर जो आईडी है उसको तू चेंज कर दे, क्यों, क्योंकि मैं एक ही को मेरे को ऐड करना है ना, एक ही को ऐड करना है तो ऐड करना है तो रिमूव करना है, राइट। पहले मैं ऐड आइटम की बात कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर क्या कर,
एक उसको हम पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे उसका, ठीक है। हम क्या करेंगे भैया, एक ऐड आइटम बन गया, फिर मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। मैं करूँगा भैया कार्ट के अंदर कार्ट आइटम की जो भी पहली सी चीज़ें हैं वो सब डाल दें, मतलब ये हमने इसलिए करा ताकि वो नेम डाल दे जो भी है इस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा वैल्यू लिखूँगा, क्योंकि मुझे वैल्यू चेंज करना है। वैल्यू क्या करूँगा, वैल्यू का जो नया वैल्यू होगा वो होगा पुराना कार्ट का जो आईडी होगा, ठीक है। पुराने कार्ट का जो आईडी होगा, मतलब आईडी क्या है, जो भी मान लो 10 आईडी है, ठीक है, तो कार्ड के अंदर जो 10 है उसका जो भी वैल्यू होगा, वैल्यू के अंदर तू माइनस कर दे 1, वो प्लस कर दे 1, ठीक है। ये है मेरा टोटल लॉजिक। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो भी मेरा इस टाइम पे नया कार्ड है उसको तू ऐड कर दे इस वाले लॉजिक के हिसाब से। कहेंगे जो हमने लोकल हमने गेट आइटम किया था, वो सेट आइटम किया था, सेट आइटम हमने कहा किया है, सेट आइटम हमने यहाँ किया है ना, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो हम यही कॉपी कर लेते हैं, हमें बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत तेज़ हैं। एंड देन हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे। ईजी है बहुत, समझने का कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, मैंने सबसे पहले भैया कार्ट ले ली अपने लोकल स्टोरेज से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, भैया कार्ट का जो आईडी है, कार्ट के अंदर जो आईडी है, मान लो आईडी क्या है इस टाइम पे, जैसे ये मेरे पास क्या है, परफॉर्मेंस नहीं, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में 3 नंबर, जैसे लॉग में देखोगे तो ऐड आइटम 3 आया, ठीक है। तो ऐड आइटम 3 के लिए पहले तो ये 3 नंबर पे जाएगा। 3 नंबर के अंदर क्या करेगा, कहेगा कि भैया जो इस टाइम पे चीज़ें सबसे पहले तो वो डाल दे, तो ये दोनों चीज़ें वो डाल देगा, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर से डाल दिया। एंड देन वो कहेगा कि भैया वैल्यू का जो वैल्यू है वो पुराना वैल्यू प्लस नया प्लस 1 कर दे। पुराना वैल्यू क्या है, पुराना वैल्यू है कार्ट आइटम के 3 के अंदर जो वैल्यू है वो है 4, 4 प्लस 1 कर दे वो 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसको पूरा पूरा एज इट इज सेट कर दे, है ना। तो बस अब हम एक बार सेट आइटम ऐड आइटम चला के देख लेते हैं, ठीक है। हमने बड़ा बढ़िया लॉजिक तो बना ही लिया, बस एक बार चला के देख लेते हैं कि भैया ये यहाँ से काम कर रहा है क्या। प्लस दबाता हूँ तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ, चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन लोकल स्टोरेज वो हुआ नहीं, अपडेट नहीं हुआ लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज सेट आइटम कार्ट एप्लीकेशन कौन सा, तीसरा नंबर ऐड कर रहे हैं ना, तो वैल्यू 7 आ तो गई है, वैल्यू 7, देखो वैल्यू 8 आ गई, 9 आ गई, ठीक है, तो ये सही है। अब मैं इसको जैंगो वाले को ऐड कर देता हूँ, तो जैंगो का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब सही है, ये मामला सही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं रिमूव आइटम बना लेता हूँ। रिमूव आइटम में क्या होगा, सेम लॉजिक होगा, यहाँ से यहाँ तक का सेम लॉजिक होगा, बस प्लस 1 की जगह मुझे माइनस 1 करना है, ठीक है। मैं माइनस 1 कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ उसको, ठीक है, रीलोड कर देता हूँ इस पेज को। अब क्या होगा एक बार देख लेते हैं भैया, कार्ट में आते हैं, यहाँ पे अभी क्या, यहाँ पे डिव की वैल्यू 9 है, मैं कार्ट लिस्ट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे 9 वैल्यू है अभी इस टाइम पे, मैं माइनस कर देता हूँ, तो 8 हो गई, 7 हो गई, 6 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, 0 हो गई, -1, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिमूव आइटम में मुझे एक चीज़ और लगानी है कि जैसे ही 0 हो वो इस रिमूव से, वो इस कार्ट से गायब भी करते हैं उसको, ठीक है। तो हम पहले ये लगा देते हैं, क्या होगा कि 0 हुआ, ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है हम इसको एक फ्लैग में ले लेते हैं, ठीक है। वेर फ्लैग ले लिया मैंने, फ्लैग क्या होता है बेसिकली, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब फ्लैग भी नहीं, स्लग ले लेते हैं हम यहाँ पे। स्लग का मतलब होता है अल्तू फालतू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अल्तू फालतू इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इस टाइम पे वैल्यू क्या है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर इफ स्लग स्लग का जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू, नहीं वो लेस देन है, स्लग का वैल्यू जो है वो लेस देन है 1 से, है ना, मतलब 1 से ये बड़ा है, 1 से छोटा है, तो क्या करे, कार्ट के अंदर से डिलीट कर देगा आईडी। आईडी को मैं डिलीट कर दूंगा, कार्ट के अंदर से आईडी कैसे डिलीट करते हैं, DELET, डिलीट कार्ट आईडी। तो इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर आईडी डिलीट हो जाएगी, एंड देन हम एज इट इज कार्ट को उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना लॉजिक चला लेते हैं, ठीक है। रीलोड करते हैं पेज को एक बार, ऐड टू आर्ट कर लेते हैं चीज़ों को, ऐड टू आर्ट चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, 4 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है।
मैं कार्ट पे आता हूँ, मैं इसको माइनस करता हूँ, 3 हो गई, 2 हो गई, एक ओ, एक ली नहीं उसने एंड उसने छोड़ दिया, राइट। एक उसने वैल्यू ली नहीं एंड देन उसने छोड़ दिया। दोबारा देख लेते एक बार हम, ये तो एरर आ गया राइट, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो डिव वैल्यू अभी 1 है, 2 कर लेते हैं इसको, 3 कर लेते हैं, ठीक है। कार्ट पे क्लिक करते हैं, माइनस करूँगा मैं यहाँ इधर, तो 2 हो गया, 1 होते गायब हो रहा है राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रखा हुआ है, मैंने इक्वल, ओके, मैंने स्मॉलर देन 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो 1 से छोटा लेगा ना। इसलिए कहाँ गया भाई, तो हम इसको इक्वल शो भी डाल देते हैं यार, क्या दिक्कत है, रीलोड कर देते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं 3 चार चीज़ें। अब हम एक देख लेते हैं कि कार्ट पे जाएंगे, माइनस करेंगे, 2 हो गया, माइनस करेंगे, क्या हो गया भाई, तो आते ही गायब हो गया, क्या चल रहा है भाई, ये इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 1 आएगा एंड इक्वल्स टू होगा तो भी ये चलेगा, ओह तो भी ये चलेगा, इसको 0 करो, 0 से बड़ा होना चाहिए राइट, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा स्लग जो है वो बड़ा होना, नहीं सही है, स्लग जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से, है ना, या तो 0 हो या तो 0 के इक्वल्स टू हो, ठीक है, तो वो डिलीट कर दे, सर, पर अगर इक्वल टू होगा तो डिलीट नहीं होगा ना? नहीं कर देगा ना, इक्वल्स टू होगा तो ही तो डिलीट करेगा, ओके, इक्वल्स टू हाँ नहीं होगा तो डिलीट नहीं करेगा, या तो छोटा हो जाए, या तो 0 से नीचे चले जाए, 1 हो जाए, या 0 के इक्वल हो जाए, 0 को इक्वल जैसे ही होगा वैसे ले लेगा, इससे क्या होगा, इससे 1 में भी इशू नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि 0 बड़ा है स्लग से राइट, या फिर 0 हाँ इक्वल सर, है स्लग से। तो एक बार रीलोड कर लेते पेज को, कुछ कुछ ऐड कर लेते हैं चीज़ें, 2 वैल्यू हो गई हैं, मैं एक बार कोर्स पे आता हूँ, 2 वैल्यू, एक बार माइनस करता हूँ, अभी भी यार ये माइनस करते गायब कर रहा है यार, ये क्या सीन है यार, मुझे लॉजिक शॉजिक बनाने नहीं आते, काम करते हैं हम, इसको बंद कर देते हैं, दोबारा सर्वर करते हैं, इस पर्टिकुलर को रीलोड मारते हैं, रीलोड हो जा, रीलोड हो गया पेज, ठीक है। इस टाइम पे जाऊंगा, मैंने ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, इंग्लिश ऐड हो रहा है राइट, इंग्लिश ऐड हो गया। कार्ड पे आता हूँ, इंग्लिश पे मैं, इंग्लिश बहुत सारे जाऊंगा, ये है, ओके ओके 1 है, ऐड कर लेता हूँ, ऐड से 4 होगी वैल्यू, ठीक है। मैं माइनस करता हूँ, रिमूव 1, 2, 1 पे आते गायब हो रहा है, लॉजिक में हमारी कहाँ गलती है बताओ। अगर स्लग जो है, स्लग का वैल्यू वैल्यू इस टाइम पे माइनस 1, ओ, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर चुके हैं, ठीक है। एंड देन हम उसकी एक, मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हमने माइनस 1 लिखा हुआ था, एंड यहाँ पे हमने एक वैल्यू एक बार चेंज कर दी, तो तो क्या और एक बार हुआ, कर वो रहा एक था और बार और करा के हम चेक करा तो रहे, तो ये हमें ऐसा नहीं करना था, हमें सिर्फ वैल्यू देना था, ठीक है। रीलोड मारते हैं, अब देखो मस्त चलेगा एकदम, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। कार्ड के अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 4 है ना, तो माइनस करता हूँ, 1, 2, देखो 2 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, ये आ गई 1 वैल्यू, 1 पे आ गया अभी, है ना। एंड अब मैं इसको 0 करता हूँ, गायब हो गया, है ना, मस्त है अभी है। अब हमें यहाँ पे भी इन इसको अप्लाई करना है राइट, तो हम क्या करते हैं, हम एक बढ़िया सा फंक्शन ढूंढते हैं जो हमने बनाया होगा कहीं पे चीज़ें ऐड करने के लिए। वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन था ऐड आइटम वाला, यही पुट कार्ट वाला, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ये फंक्शन रिमूव आइटम चालू होगा, हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये क्या करता है, ये उठाता है कार्ट को, ये उसके अंदर खाली खाली चीज़ ऐड करता है, एंड देन वो जो नया, जो भी लोकल होस्ट होगा ना, जो भी नया आइटम होगा, उसके हिसाब से ये हमारा जो ग्रुप होगा उसको चेंज कर देगा, ठीक है। रिमूव में ऐड करते हैं, एंड एज इट इज़ हम इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इधर ऐड आइटम है ना, इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कार्ट है वो यहीं पे अपडेट होगा, दिखा देता हूँ तुम्हें, चला के मैं कार्ट पे आता हूँ, ये जैंगो है, मैं इसको प्लस करता हूँ, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, इसको लाइक एक नई चीज़ ऐड करता हूँ, कोर्स ऐड, इंग्लिश कोर्स ऐड किया मैंने, इंग्लिश पहले सीधा
WDF कोर्स ऐड किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे गया, अब एक दिख रहा है, हटाऊंगा ये गायब हो गया, राइट, मतलब ये अब हाथों हाथ चल रहा है ये, ठीक है। सेव चेंजेस हम हटा देंगे क्योंकि हम रन टाइम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो सही है, इतना तो सही है, राइट, एकदम बढ़िया है, इतना बढ़िया। लेकिन अब क्या है सीन है, यहाँ पे तो हमने चेंज कर दिया लेकिन हमने यहाँ चेंज नहीं किया, बाहर देख रहे हो कार्ट, इस कार्ट पे हमने चेंज नहीं किया है ना, तो हमें इस कार्ट पे भी चेंज करना है। तो हम पहले देखते हैं ये जो कार्ट है ये चल कैसे रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है, फालतू में चल रहा है बिना किसी उसके। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक बार ये पर्टिकुलर चीज़ है एलिमेंट बाय आईडी, इसको हम उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी नहीं, इस पूरे को हम कट कर लेते हैं इतने हिस्से को, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, देन हम यहाँ पे एक नया वो बनाते हैं, कॉन्स्ट अपडेट कार्ट बटन, ठीक है। एंड देन हम उसको एक कैरो फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे वही जो हमने लॉजिक लिखा था पहले, वही हम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे अब, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं यही लाइन ऑफ कोड में दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। पहले तो भैया हम नॉर्मली इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहली बार जब चलेगा तब ये फंक्शन कॉल होगा एंड देन ये चीज़ सेट हो जाएगी, राइट। एंड देन क्या करूँगा मैं, पॉपअप के साथ ही इसको ऐड करूँगा, राइट, यहाँ पे पॉपअप के साथ ही इसको चलाऊँगा। इससे क्या होगा, इससे मेरा ये भी चेंज होगा एंड देन जो मेरा नीचे फंक्शन है वो भी चेंज होगा, ठीक है। अरे ये भी चेंज होगा, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें सही प्रकार से काम कर रही हैं। अभी इस टाइम पे हम बस कार्ड दो हैं, राइट, हमने एक नई चीज़ ऐड करी, कार्ड तीन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम एक माइनस करेंगे तो देखो ये दो हो चुकी है, तो ये भी सही काम करी, हर चीज़ एकदम सही काम कर रही है एंड हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। लेकिन अभी भी जो दिक्कत है वो क्या है कि हमने डिज़ाइनिंग ढंग से नहीं की मॉडल की, राइट। तो मॉडल में जाते हैं, ये तो हमारा मॉडल है, इस पे जाते हैं, हमारे पास सेव चेंजेस बटन है, सेव चेंजेस बटन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, हम सीधा वो लिखते हैं, ठीक है। एंड एक और सीन है, यहाँ पे ध्यान से देखना, वो सीन क्या है, वो ये है कि यहाँ पर प्लस एंड माइनस का डिज़ाइन सही नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देते हैं, ये जो हमारा एल आई है ये तो पूरा मामला है, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। हम इसको उठाते हैं एंड जो हमने अलग से पेज फाइल बनाई थी उसमें पेस्ट करते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको H1 की जगह, स्पैन की जगह हम इसको इसको कर देंगे, एक काम करते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं H3 टैग लिख देता हूँ, H3 के अंदर मैं डाल देता हूँ माइनस, ठीक है। सेम चीज़ मैं वहाँ करता हूँ, H3 से क्या होगा, वो हल्का सा बोल्ड होने लगेगा हल्का सा, ठीक है। तो प्लस है, प्लस की जगह मैं डाल देता हूँ H3 के अंदर प्लस, हाय हाय, H3 के अंदर अब मैं डाल दूंगा प्लस, कॉपी, प्लस नहीं दिख रहा मुझे, ये रहा प्लस छोटा सा, ठीक है, प्लस डाल दिया, H3 आ गया यहाँ पे, आप प्लस कर दो इसको, प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या सीन है, अभी भी ये क्या है, ये बीच बीच में गायब हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पैन है, ये वाला जो यहाँ से स्पैन से ये वाला जो स्पैन है, भाई क्या कर दिया मैंने, भाई कुछ ख़राबी हो गई भाई, H3 स्पैन एंटर हुआ, स्पैन क्लोज हुआ, स्पैन खुला, स्पैन बंद हुआ, लेकिन ये क्या है, स्पैन बंद ही नहीं हुआ, LI बंद हो गया, भाई स्पैन बंद कर भाई, ठीक है। स्पैन ओपन हुआ, स्पैन क्लोज हुआ, H3 ओपन हुआ, H3 क्लोज हुआ, ठीक है, स्पैन क्लोज हुआ भाई, यहाँ पे स्पैन ओपन होना चाहिए, स्पैन ओपन हो गया तो यहाँ पे अब सही हो गया, ठीक है, इसको प्लस कर दो। अब सीन ये है कि यहाँ पे ना इस कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे को एक डिव में डालना पड़ेगा, एक स्पैन में डालना पड़ेगा, जिससे क्या हो, ये स्पेस जो बिटवीन है ना वो ढंग से काम करे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ये वाला जो स्पैन है, यहाँ से नेम से एंड तक ये भी जो भी स्पैन है, इन सब को मैं एक स्पैन में डाल देता हूँ। ए क्या हो गया भाई, क्या कॉपी कर दिया मैंने, कटी तो क्या है, क्यों खराब कर रहा है भाई, ओ भाई कुछ भी हो रहा है भाई यहाँ पे, पहले तो स्पैन है, यहाँ से कट करो,
यहाँ तक क्लियर कट कर लो, ठीक है, ये सही है, ये सही है। अब यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा एक और स्पैन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं कोई चीज़ डाल देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे स्पैन बन गए, सॉरी सॉरी, इस पूरे को कॉपी कर देता हूँ मैं। अब मैंने अपने दिमाग से चीज़ें तो बना दी, क्या ये चीज़ें सही हैं, चेक कर लेते हैं हम। मैंने पेस्ट कर दिया है, मैं सेव कर लेता हूँ, मैं रीलोड कर लेता हूँ पेज को, ठीक है। अब सीधा हम कार्ट में घुसते हैं एंड देन हम डिज़ाइनिंग देखते हैं। तो देखो को प्लस आ गया, उसके नीचे माइनस आ गया एंड देन प्लस आ गया, ठीक है। तो अभी भी सीन क्या है, अभी भी ढंग से डिज़ाइनिंग हो नहीं पाई है। हमें हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कर देना पड़ेगा, डी एफ देना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा हमें यहाँ पर इस स्पैन में, जो बड़ा वाला स्पैन बनाया उसमें, ठीक है। सिंपल सा है, हम क्लास नेम देंगे, क्लास इक्वल्स टू एक एक वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी डैश फ्लेक्स, ठीक है। आई होप इससे ही काम हो जाना चाहिए, इससे ही काम हो जाना चाहिए। सेव कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं पेज को, कार्टून में जाएंगे। तो इससे काम हो चुका है लेकिन अभी भी डिज़ाइन फट चुका है किसी वजह से, डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से, कि जो पैज है ये फालतू की हाइट ले रहा है, ये फालतू की हाइट ले रहा है, हाँ यही ओ नहीं भाई, H3 फालतू की हाइट ले रहा है, वो फालतू का पैडिंग दे रहा है। पैडिंग अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो क्या ये सही हो जाएगा, देखो ना, एक मिनट रुको। अगर मैं यहाँ पर H3 का एलिमेंट है, बल्कि यहाँ क्यों, यहीं से चेक कर लेते हैं हम फॉन्ट साइज से, ठीक है। पैडिंग वैडिंग पता नहीं कहाँ से आ रही है, मार्जिन पैडिंग है, ये देखो आप पहले तो H3 के अंदर क्या है यार, पैडिंग और मार्जिन है भाई, ये पैडिंग ग्रीन रंग की होती है, मार्जिन अगर हम काम करते नहीं, यहाँ पे जो मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम गायब कर देते हैं यहाँ का, ओए ये तो और बढ़िया, 0 कर देता हूँ क्या होगा, 0 कर देता हूँ, वो भी दिक्कत है क्योंकि ये कुछ कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, इतना बड़ा क्यों हो रहा है भाई, ये H3 टैग की वजह से हो रहा है यार, ये शिट H3 टैग की वजह से हो रहा है ये। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, हम सब चीज़ को स्पैन में डाल देंगे, ये भी हम स्पैन बना देते हैं, जो हमारा H3 टैग है हम इसको भी स्पैन बना देते हैं, यहीं पे जो हमने नया ये बनाया हुआ था इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। हम लिखेंगे इसको स्पैन, ठीक है, एंड हम ये वाला जो स्पैन है ये H3, इसको भी हम लिखेंगे स्पैन, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेकिन हम इसके क्लास दे देंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास इक्वल्स टू हम यहाँ पे डालेंगे कस्टम प्लस, नहीं कस्टम ऐड ए आर, ऐड एंड रिमूव के लिए मैंने ए आर लिख दिया, कस्टम ए आर लिख दिया, ठीक है। क्या होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपना अलग सी एस एस दे दूँगा यार, कोई इशू नहीं आएगा, थोड़ा सा सी एस एस में भी तो काम करें, कब तक हम इसके लिए बैठे रहेंगे, ठीक है। स्पैन के अंदर भी हमने क्लास दे दी, सेव कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं, एंड तुम देखोगे कि इसकी मिट्टी पलीत हो जाएगी अभी तो। अगर इसकी मिट्टी पलीत हो गई है एकदम बढ़िया हो गई है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े आ रहे हैं, अभी भी H3 आ रहा है, क्यों H3 आ रहा है, अच्छा H3 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस किए हैं मैंने, हद है, इसको मेन जगह पे तो डाला नहीं, मेन जगह पे डालने के लिए हम कंट्रोल जेड दबाएंगे एंड कंट्रोल पी दबा देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे इसको, रीलोड करेंगे पेज को, कार्ड देख लेते हैं, कार्ड में क्या होगा, इसकी मिट्टी पलीत हो चुकी है लेकिन ये बेटर है, राइट। बस मुझे इसके अंदर इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा घटाना है ना। क्लास क्या थी, क्लास नेम थी हमारी कस्टम एआर, ठीक है। क्लास नेम हम उठाते हैं, हम सीधा टॉप पे जाते हैं अपने, जहाँ पे हमने आलतू फालतू वो दिया हुआ है, सी एस एस दिया हुआ है, हम यहाँ पे सी एस एस देना शुरू कर देते हैं, डॉट कस्टम एआर, जिसके अंदर हम लिखेंगे भैया फॉन्ट साइज़ जो है हमारा, फॉन्ट साइज़ हो जाए भैया 20 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट वेट हो जाए, फॉन्ट वेट हो जाए, फॉन्ट वेट क्या हो जाए हमारा, फॉन्ट वेट बताओ, फॉन्ट वेट हो जाएगा हमारा 900, 700, 800 लग देते हैं हम अभी के लिए, बाकी देखते रहेंगे। फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट हो गया, सेव कर लेते हैं, एंड एक काम करते हैं इसके अंदर मार्जिन पैडिंग डाल देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट डालूंगा मैं, सॉरी मार्जिन डालूंगा मैं, मार्जिन डालूंगा, टॉप बॉटम का 0 चाहिए मुझे, एंड लेफ्ट एंड राइट का मुझे चाहिए 2.5 पिक्सल, ठीक है, 2.5 पिक्सल, 2.5 पिक्सल, 52 2.5
टू कम रहेगा, 5 पिक्सल, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पिक्सल लग रहेगा। देख लेते हैं भैया क्या सीन हुआ, हमने इतना जो तेज़ी से चीज़ किया कुछ कुछ तो हुआ, लेकिन वो कुछ कुछ काम सा नहीं करा, कस्टम एआर आया ही नहीं। कस्टम एआर आया ही नहीं भाई, वो चालू ही नहीं हुआ, वो बेसिक एचटीएमएल में वो चला ही नहीं, कस्टम एआर में चला ही नहीं भाई वो। ऐसा तो ही ना होता यार, स्पैन डॉट कस्टम यार, कि वो सीएसएस ही ना लोड हो। सही लिखी ना मैंने सीएसएस, लिखी तो सही है। तो सी ऐसे सही है लेकिन चल क्यों नहीं रही। स्पैन डॉट कस्टम ए आर के अंदर भाई आ ही नहीं रहा भाई कुछ, लिस्ट डॉट ग्रुप आइटम जरूर आ रहा है लेकिन यहाँ पे कस्टम ए आर, स्पैन डॉट कस्टम ए आर, यहाँ रख देता हूँ स्पैन सर वो डॉट, ब्लॉक के बाहर आए क्या भाई क्या ब्लॉक के बाहर आएगा? सर, ये स्टाइल टैग आपने क्यों डाला है, क्योंकि वो तो ब्लॉक में आता होगा ना वो। हाँ नहीं देखना ब्लॉक के अंदर वो आएगा ना, ये लिखा है मैंने। अच्छा ओके हाँ, बेसिक नहीं नहीं वो तो सही कह रहा है, इसके अंदर ही आना चाहिए वो, यहाँ के आना चाहिए, इधर आना चाहिए। अरे समझ गया मैं, ये इशू है, अब देखना अब चलेगा, ये बताता हूँ इशू क्या आएगा। देखो आ गया ना, तो इशू क्या था, ये जो सी एस एस ब्लॉक है ना बेसिक एच टी एम एल में, ये कहता है कि इसके अंदर तुम चीज़ दो ताकि मैं कहीं यूज़ कर सकूँ, लेकिन ये जो है ये बेसिक एच टी एम एल, ये टेम्पलेट है, इसके अंदर मैं कुछ दूंगा ना वो चलेगा नहीं, वो सिर्फ चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो चीज़ें लेगा देगा नहीं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके उसको बाहर रख लिया एंड देन उसके अलावा मैंने स्पैन वो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम थोड़े से स्लो चल रहे हैं आज किसी वजह से, ठीक है। ये ठीक है यार, अभी भी इसमें डिज़ाइनिंग का इशू है, बट क्या ही कर सकते हैं यार अब इसका, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कार्ट आइटम अभी भी ये नीले रंग की आ रही है किसी वजह से, क्योंकि मोराल टाइटल H5 कलर भाई 1 दिया हुआ है मैंने, रेड दिया हुआ है, हद होती है यार, कहाँ है स्टाइल, किसके यहाँ दिया हुआ है मैंने, ब्लू H1 का ब्लू दिया हुआ है, कुछ भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये तो होम है, लिस्ट ये रहा H1 ब्लू, ब्लू कलर सिलेक्ट कोर्स सिंगल कोर्स H1 ब्लू, भाई हद है, H1 ब्लू हटाओ, H1 ब्लू हटाओ इधर, ठीक है। ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो H1 ब्लू हटाओ इधर भी, बेसिक के अंदर H1 रेड कहाँ है, दिख रहा है किसी को रेड, हद है, रेड मैं ऐसे लिखूँ क्या, RED रेड, बेसिक HTML CSS कोर्स, CSS के अंदर रेड, ओ भाई साहब CSS फाइल के अंदर चीज़ें कमाल एकदम। चलो भैया यहाँ पे तो हमारा काम हो गया है ख़त्म, ठीक है। हमने ऐड कर दी चीज़ें, हमने रिमूव कर दी चीज़ें, ठीक है। रीलोड कर देते हैं इस चीज़ को, क्लोज का भी बढ़िया मस्त ऑप्शन बना दिया। तो इस तरह से हमने बनाई कार्ट आज, ठीक है। कार्ट आइटम हमने बना दी है, वट एवर, ठीक है। वो क्या होगा, रन सर्वर एक बार करूँगा तो जो एरर आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। एरर क्या आ रहा है कि हमने क्या किया, हमने चेंजेस कर दिए लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, क्यों, क्योंकि जो स्टैटिक फाइल है वो पहले से ही लोड हो चुकी है सर्वर पे। अब वापस स्टैटिक फाइल को लोड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोबारा उसको लोड कराना पड़ेगा कि भैया नए चेंजेस देख ले, ठीक है। तो इसलिए वो अब नहीं आएगा, जो लाल आ गया था ना एकदम से वापस, अभी भी लाल ही आ रहा है यार, रीलोड करो इसे, लाल आएगा, अभी भी लाल ही आ रहा है, हद है, कहाँ है लाल H5, लाल आ रहा है अभी तक, स्टाइल 1
हटा दिया है मैंने सर्वर इससे, बंद करके चालू कर कर दूं। दिया भाई, कर दिया भाई, कर दिया, ये फिर भी दे रहा है मुझे। सर आपने बेसिक वाले फाइल में लोड किया है? हाँ भाई किया तो है, लेकिन चलना नहीं चाहिए ना ये, आना नहीं चाहिए यहाँ पे। कार्ड के अंदर मैं कोई भी चेंज करूँ, ये दिख रहे हो आ रहा है फालतू में आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ इसको, सर्वर को बंद, पहले सर्वर बंद कर देता हूँ, ठीक है? सर्वर बंद हो गया राइट, अब मैं दोबारा सर्वर चालू करता हूँ। अगर ये नहीं आया तो देखते हैं क्या सीन है। पेज करा मैंने रीलोड। एक काम करते, ये जो कोर्स, ये जो पूरा फाइल है, ये जो पूरा मामला है, ये स्टैटिक 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 के अंदर एक स्टाइल फाइल है जो कि चल रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉपी फाइल सेव है इसको, हद यार को डिलीट कर ही नहीं पा रहा मैं। इसको कहते हैं कैशे में चीज़ें सेव हो जाना, अभी भी साला लाल ही दे रहा है। चेक करते हैं हम कुछ अभी क्या चल रहा है, वीडियो स्टिल कोड चल रहा है एंड हमारा पास क्रोम चल रहा है एंड पाइथन चल रहा है राइट, पाइथन ये चल रहा है ना, इसके अंदर क्या है, दो पाइथन है ना, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं वापस सर्वर बंद करके, सर्वर हमने कर दिया बंद, ठीक है? अब देखते हैं मैनेज में क्या चल रहा है। पाइथन का है, पाइथन 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 नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड देखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में दो कॉन्सोल चल रहे हैं, कि ये एक ये, ठीक है? दोनों को एनटास्क कर, नहीं कॉन्सोल नहीं, कॉन्सोल एनटास्क नहीं करना है। पाइथन का है भाई, पाइथन दिख रहा है किसी को? पाइथन नहीं दिख रहा, इसका मतलब सर्वर तो पूरी तरह बंद हो गया है। ना हम क्या कहते हैं, इस पेज को रीलोड मारते हैं सबसे पहले तो। यहाँ से अब सिस्टम जो होगा कैसे खाली हो गया होगा, आई गेस कैसे खाली हो गया होगा। वापस जाते हैं, दोबारा रन सर्वर करते हैं, रन सर्वर हो जाए एक बार फिर ट्राई करते हैं। लिस्ट पे आते हैं, हाँ अपना स्टैटिक में आते हैं, स्टाइल में आते हैं, तो अभी भी कलर इंडेक्स भाई आ ही रहा है भाई, वो हट ही नहीं रहा भाई, हट ही नहीं रहा भाई वो किसी वजह से। आ ही रहा है भाई वो, क्या करें इसका? कंट्रोल शिफ्ट एन, इनकॉग्निटो पे हम खोलेंगे ना, लोकल होस्ट तो खुलता नहीं इनकॉग्निटो पे। लिस्ट पे इसी पे चला जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी वही सेम एरर दे रहा है। लिस्ट कार्ड पे जाते हैं, देखो सही हो गया यहाँ नहीं पे, आ रहा अभी तो, यहाँ सही पे हो सही रहा है। तो कैशे का ही प्रॉब्लम है कि कैशे में वो इतनी बार हम चला देंगे उसने लोड ही कर लिया इसे, तो साइट का कैशे हम क्लियर कर देंगे। कैसे क्लियर करते हैं किसी को आइडिया है? सेटिंग्स में आते हैं हम, सेटिंग्स में आते हैं हम, कैशे लिखते हैं, कैशे कैशे सी एच कैशे, क्लियर ब्राउजिंग कुकीज़ एंड कैशे इमेज फाइल, बस ये गायब कर देते हैं, ठीक है? अब हम जाते हैं अपने लिस्ट में, हम रीलोड दबाते हैं एंड देन हम चेक करते हैं कि क्या हमारी स्टैटिक फाइल चेंज हुई। हो गया सर। हमारी स्टैटिक फाइल चेंज हो चुकी है, यस, ठीक है? तो सर तो मतलब हमें हर बार वो कैशे मतलब वो करना नहीं होता अरे जैसे नहीं पुश हुआ यार, ये तो? भाई कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। डेवलपमेंट के टाइम पे तो मैं ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें मिलेंगी ना, पागल ही होगा। कभी होता है कभी नहीं होता, मैं डाल दूंगा चार पांच चीज़ें करने लगूंगा तो ये क्या पता सेव नहीं करेगा, ठीक है? हमने काफ़ी टाइम से स्टैटिक में चेंज नहीं किया तो वो नहीं ले रहा स्टैटिक में चेंज। और दूसरी बात, उसका भी सीन होता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है? उससे भी फ़र्क पड़ता है कि वो किस तरीके से वेब ब्राउज़र को स्टैटिक फाइल्स वो करवा रही है, फीड करवा रही है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो चुकी है हमारी, ठीक है? अब हमारे पास और क्या चीज़ है, ठीक है? देखो कार्ट वगैरह तो बन गया ना, ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है। अब आज के लिए हमारे पास क्या है, और
हमें एक होम पेज भी डिज़ाइन करना है ना, ये भी हम आज ही करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम एक मस्त सा एक नया पेज बनाते हैं। अरे यार ये रह गया, अगर एम्प्टी कार्ट एम्प्टी है तो यहाँ पे हमें मैसेज दिखाना है कि यू डोंट हैव एनी थिंग, क्लिक हेयर टू ऐड आइटम, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम अपना बेसिक पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक पे हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बेसिक पे हमारा वो है नैव बार है, ठीक है। इधर कार्ड आइटम हो गया, बटन हो गया, तो क्लोज बटन हो गया, यूएल के अंदर दिस, ठीक है। यूएल के अंदर भी नहीं, हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, इधर इधर नीचे, इधर 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 इस टाइम पे। एंड हम क्या करेंगे, इससे पहले ही हम एक हम इससे पहले ही हम एक वो लगा देंगे, इफ ये की लेंथ इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0 है, अगर उसमें कुछ नहीं है, राइट, तो क्या करें, एच टी एम एल एस टी आर है ना, वेयर एच टी एम एल एस टी हमने ऊपर बना दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एच टी एम एल एस टी आर के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया ये लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम छोटा सा एल आई टैग बना लेते हैं, एल आई बनाएंगे हम, ठीक है। एल आई बनाएंगे एंड देन एल आई को क्लोज कर देंगे, एल आई को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। एल आई ऐसे क्लोज नहीं था, ऐसे क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास नेम डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, क्लास इक्वल्स टू दिस। तुम कहोगे सर आपने क्या कर दिया, हम कहेंगे हमसे गलती हो गया, हमें माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, आप लोगों ने हमें माफ़ कर दिया। एंड देन हम यहाँ पे प्यारा सा मासूम सा H3 टैग डालेंगे, H3 टैग ऐसे नहीं डलता, H3 टैग डालेंगे, H3 टैग को बंद करेंगे एंड वहाँ पे हम छोटा सा वो लिख देंगे, मैसेज लिख देंगे। क्या मैसेज होगा वो, यू डोंट हैव एनी थिंग इन योर कार्ट, CART कार्ट। एंड देन हम एक छोटा सा एंकर टैग भी डालेंगे यहाँ पे, प्लीज़ प्लीज़ क्लिक हेयर टू एड आइटम्स आइटम्स, ठीक है। क्लिक हेयर के आस आजू बाजू में हम एक छोटा सा एंकर टैग डाल देंगे, ठीक है। एंकर टैग कैसे डालते हैं, हम ऐसे डालते हैं जैसे हम बाकी टैग डालते हैं, ठीक है। अब एंकर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्लिक हेयर को एंकर टैग के अंदर घुसा देंगे एंड हमने उसको घुसा दिया, राइट। अब स्ट्रिंग में एक ये स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कभी भी कुछ करोगे ना, तो उसमें एक ध्यान रखना, स्पेसेस का ध्यान रखना। क्या होता है अगर तुम इसमें 10 स्पेस दोगे ना, तो वो 10 के 10 स्पेस ले लेगा, नॉर्मल एचटीएमएल नहीं लेगा, ठीक है। हम सेव कर लेते हैं एंड हम रीलोड मारते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो क्लास नेम आपने डाल दिया, थैंक यू ब्रो, लेकिन एच टी एम एल तो आना चाहिए ना, कि अगर ये है तो इतना आ जाए। एंड देन उसके बाद एल्स में हमें ये डालना पड़ेगा, एल्स में हमें पूरा पूरा ये जो हमने तान तोड़ा बिछाया था यहाँ पर, जहाँ से यहाँ तक, हाँ उप्स, यहाँ से यहाँ तक हमने जो भी करा है हम सारा एल्स में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चला एंड हमने इसको एल्स में नहीं डाला, तो क्या होगा, उसके बाद ये चल जाएगा एंड ये हमें नहीं चलाना, ठीक है। तो हम इसको रीलोड मार देते हैं, अगर 0 होगा तो वो अभी भी रीलोड हुआ नहीं, वो अभी भी नहीं हुआ वो रीलोड, क्योंकि क्यों नहीं हुआ वो रीलोड, क्या ये हमारा सर्वर चल रहा है। इक्वल्स टू लेंथ इक्वल डॉट लेंथ इक्वल टू दिस, इसका लेंथ अगर हम प्रिंट कराएं, लॉग कराएं, तो क्या होगा, लेंथ चेक कर लेते हैं रीलोड मार के। काम करते हैं हम यहाँ पर ही दोबारा सर्वर रन कर देते हैं, कि सर्वर आज पंगे ले रहा है हमसे, अभी भी इसके अंदर कुछ आया नहीं, इसको लॉक कर लेते, सर जैसे इसका ऐप बड़ा होता है तो ऐसे इश्यूज भी बड़े होते हैं क्या, मतलब हाँ नहीं, इश्यूज बड़े बड़े नहीं होते, इश्यूज बेवकूफ़ी वाले ही होते हैं। कैन नॉट कन्वर्ट डिफाइंड और नल, ओके 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 ओके। तो इसने ये एरर दिया कि भैया हम यहाँ पे ना लेंथ चेक कर रहे थे, ठीक है, लेंथ तो आई नहीं, क्योंकि
क्यों? क्योंकि उसने चेक किया होगा जीरो के टाइम पे, तो इस टाइम पे हमारे लोकल पे खा लिया है ना, लोकल पे है ही नहीं कार्ड। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा एक और लॉजिक लगाएंगे कि अगर से ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है एंड इसमें कोई इशू नहीं आता तो सही चले, डिफॉल्ट ले ले ठीक है, नहीं तो और क्या है, अगर हमारे पास जो कार्ट है वो नल है, नल का मतलब अगर तुम डबल इक्वल्स टू लगाओगे नल में, याद रखना इस बात को, चीज़ है, अगर तुमने ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दिया तो ये सिर्फ नल चेक करेगा, अगर तुमने इसके अंदर डबल इक्वल्स टू लगाया तो ये नल और अनडिफाइंड दोनों चेक करेगा ठीक है। तो मुझे नल एंड अनडिफाइंड मुझे दोनों चेक कराना है, इसको देख लेते हैं, बल्कि नल भी नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है नल सही है, यही चाहिए। अब देखते हैं, अब इसको रिलोड करते हैं पेज को, अब एक बच्चे ये वाला पेज नहीं है, इनकॉग्निटो वाला पेज है ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं पेज को, इस टाइम पे नल है अनडिफाइंड है, कार्ड पे आते थे तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, या तो बेइज्जती कर रहा है मुंह पे, यूएल यूएल खाली आ रहा है, एसटीआर कुछ हुआ एल्स हुआ ही नहीं। अगर ये ट्रू है तो होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं हम इस कंडीशन को ही प्रिंट करा लेते हैं, क्या आ रहा है भाई प्रिंट, वो इसके अंदर इस कंडीशन को ही प्रिंट करा लेते हैं भाई, लॉग में आ क्या रहा है, अभी भी कोई एरर आया है वैसे तो, एरर कैसे आया मैं बताता हूँ तुम्हें, कंसोल पे जाओगे तुम एरर दिखेगा, कहेगा कैन नॉट कन्वर्ट टाइप और ऑफ अनडिफाइंड। अरे 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 मैं भूल गया भाई, ये रिएक्ट थोड़ी ना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने दबाते ही, ठीक है पहले हम क्या करते हैं, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को, नल वाली कंडीशन को हम आगे लगा देते हैं ठीक है, या तो कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये चल जाए, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी एरर नहीं आएगा तो चल जाना चाहिए ये ठीक है। रीलोड करते हैं हम पेज को, अब हम ट्राई करते हैं, होप करते हैं कि चल जाएगा, एंड हमारा होप जो है वो चल गया ठीक है। अब ऑन क्लिक हेयर चला नहीं, ऑन क्लिक हेयर नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने इसके अंदर एच रेफ वेच रेफ नहीं दिए होंगे, यहाँ पे हमने प्लीज़ क्लिक हेयर पे कर तो दिया, हैंग का टैग, लेकिन हमने एच रेफ नहीं लगाया, एच रेफ हम लगा देते हैं, एच रेफ हम लगाएंगे सीधा शॉप नहीं कोर्स स्लैश लिस्ट, ओके लिस्ट वाला पेज कौन सा है, कोर्स स्लैश लिस्ट है ना, ये है ना पेज, तो हम इसको कॉपी करके एच रेफ में घुसा देते हैं इसे, एच रेफ में हमने घुसा दिया इसे डायरेक्टली, सेव कर लेते हैं, रीलोड मार लेते हैं पेज को, एंड देन एक बार हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा था, तुम देखोगे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे पहुँचा देगा वापस, वैसे करने की ज़रूरत नहीं, अगर इसी सेम पेज पे हो, बट इन केस अगर वो होम पे हो और उससे कार्ट पे क्लिक है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा इस पेज पे पहुँच जाएगा राइट, तो हमने सिर्फ इसी वजह से हमने डाला ये ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब अपने क्वेस्ट में ठीक है, हम अपने क्वेस्ट में आगे बढ़ सकते हैं, आगे का क्वेस्ट है हम एक फॉर्म बनाना है छोटा सा, मामूली सा फॉर्म बनाना है हमें, हम फॉर्म बनाते हैं एंड देन हम उसमें बाद में हम चीज़ें करेंगे ब्रेक के बाद ठीक है। तो हम छोटा सा फॉर्म बना देते हैं फटाफट, फॉर्म भी नहीं बनाते हैं हम, बेसिक तरीके से काम करते हैं ठीक है, जैसा हम नॉर्मली करते हैं। अब मुझे क्या बनाना है, सिंगल कोर्स एचटीएमएल में क्या चेंजेस किया मैंने, क्या फालतू के चेंजेस किया ठीक है। अब मैं बंद कर देता हूँ ये फाइल्स को, कोर्स को ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म चाहिए ठीक है, कॉन्टैक्ट अस मतलब अगर हमसे कोई गलती हो, हमारा एक्सपीरियंस लाइक फीडबैक फॉर्म समथिंग ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेम्पलेट बंद कर देता हूँ, मैं यूआरएल्स पे आता हूँ ठीक है, यूआरएल्स के अंदर मैं एक नया यूआरएल बनाता हूँ ठीक है, जिसका नाम मैं रखूँगा कॉन्टैक्ट अस ठीक है, कॉन्टैक्ट अस ठीक है, कॉन्टैक्ट अस हमने नाम रख दिया, इसके आगे ब्रैकेट दे दिया, अब व्यूज़ डॉट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको कॉन्टैक्ट अस ठीक है, सी कैपिटल कर देता हूँ इसको, क्योंकि क्योंकि फंक्शन है, एंड फंक्शन में क्यों है, हम इसको कैमल केसिंग में रखेंगे, कैमल केसिंग में रखना है तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं ठीक है। तो अब क्या होगा, यू आर एल्स बना दिया मैंने, अब मैं व्यूज़ पे आऊँगा, व्यूज़ पे बना के क्या करूँगा, ये जो कोई भी फंक्शन है उसको कॉपी कर लूँगा, क्यों क्योंकि हम आलसी हैं बहुत बड़े ठीक है, एंड हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, नाम चेंज हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट अस ठीक है, एंड मुझे ये सब नहीं चाहिए, ट्राई एक्सपेक्ट फेल कुछ नहीं चाहिए मुझे ठीक
ठीक है, मैं मेरे को सीधा सिर्फ ये चाहिए, एंड ये भी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे एक नया फाइल चाहिए जो कि अभी मैं बनाऊँगा, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस फाइल बनाएंगे हम। कॉन्टैक्ट अस फाइल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेम्पलेट में जाएंगे, कोर्स के अंदर जाएंगे, कोर्स के अंदर हम एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा contactus.html। क्यों कॉन्टैक्ट अस ही क्यों रखा हमने नाम, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस यूज़ करना है ना, हमने इसको यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट अस दिया है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में आते हैं हम, अपना बेसिक HTML था ये जो था कॉपी पेस्ट वाला, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, H1 है, H1 नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास पेस्ट है यहाँ से भी हटा देता हूँ, मुझे फालतू में फिर बेकार में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वापस आ जाऊँ, ठीक है, सॉरी कॉन्टैक्टस में आ गए। ठीक है, अब फटाफट से हम क्या करते हैं, हम फटाफट से बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, फटाफट से हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, हो ना मैं क्लास में हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, नहीं है, फॉर्म लिखते हैं, सीधा फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म 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 लिखते हैं, कोई बढ़िया सा बड़ा सा फॉर्म आ जाए। ठीक है, फॉर्म डिसेबल्ड फॉर्म, एसेसिबिलिटी फॉर्म, कोई ढंग का फॉर्म है नहीं भाई इनके पास नाम के लिए, ये इनका फॉर्म है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने ब्लॉक में आते हैं, ये बेसिक वाले को हटा देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास इतना फॉर्म तो आ ही गया। ठीक है, इसको सेव करके हम देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिक में जाता हूँ, बेसिक में जाता हूँ, एंड अपने कार्ड से पहले जो मेरा कार्ड बना हुआ है यहाँ पे, जो मैंने इतना बड़ा कार्ड बनाया था, ये मोरल कार्ड, ये जो नैव आइटम है ये वाला, इससे पहले मैं एक छोटा सा और नैव आइटम ऐड करता हूँ। नैव आइटम क्यों ऐड करना है मुझे, क्यों, क्योंकि मेरे को कॉन्टैक्ट अस बनाना है ना, तो कोर्स डॉट कॉन्टैक्ट अस, ये जब भी इस पर क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट अस पर चला जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं हम, रीलोड करते हैं पेज को, इस वाले पेज को नहीं, इस वाले पेज को, कॉन्टैक्ट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते हैं तो कह रहा है कि आर्गुमेंट आईडी देना था, फलान फलान करना था, क्या कर दिया तुमने, कॉन्टैक्ट अस में गए, हमें कुछ नहीं मिला, व्यूज़ में गए, आईडी दे रहा है, आईडी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट चाहिए, हमें प्रॉम्प्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है, हमने आधे काम किए, आधे काम नहीं किए, हमारी बेवकूफ़ी, लेकिन हम मासूम हैं, हमें माफ़ कर दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट अस आ गया, एडमिन आ गया, पासवर्ड आ गया, राइट, ये तो ठीक है, ये चेक मी आउट हो गया। अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा बीच बीच में ले आएंगे इधर कहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है तो पहले हम इसके अंदर फटाफट से डिज़ाइनिंग करते हैं इसकी। लेबल हो गया, ईमेल एड्रेस चाहिए हमें। ठीक है, बंदे के लिए ईमेल एड्रेस हमें चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम एक नया एक और बना देते हैं जिसके अंदर हमें चाहिए ईमेल एड्रेस चाहिए, जहाँ पे हमें चाहिए नेम, है ना, नेम चाहिए, बंदे का नेम चाहिए हमें, तो नेम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पर टेक्स्ट है। अभी हम चीज़ें धीरे धीरे करके चेंजेस करेंगे। ठीक है, नेम आ गया। ठीक है, एंड देन मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, पासवर्ड नहीं चाहिए मुझे, है ना, तो मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, ये काम करता हूँ, पासवर्ड वाला हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, पासवर्ड वाला हटा देता हूँ, एंड ये जो MDB वाला है, ये वाला है, इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेम हो गया ना, यहाँ पे चाहिए मुझे फ़ोन नंबर, है ना, फ़ोन नम NUM NUMBER, फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। तो पहले हम बूटस्ट्रैप पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा ही यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ, हाँ ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, सिलेक्ट नहीं, ये सही है भाई, कमेंट्स आ जाएगा ना यहाँ पे, तो हम इसको यहीं लिख देते हैं, कॉपी करके यहीं पे ही पेस्ट कर देते हैं फ़ोन नंबर के नीचे। ठीक है, एंड कमेंट्स की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग क्या होती है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सेव कर देते हैं, हम पेज पे आते हैं, रीलोड करते हैं,
कहोगे कि डिस्क्रिप्शन आ गया एकदम बढ़िया, फ़ोन नंबर वो नंबर तो आ ही रहे हैं, ठीक है डिस्क्रिप्शन आ गया। एंड हम चाहते हैं कि बंदा एक जो अगर वो चाहे तो एक इमेज भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं हम वापस बूटस्ट्रैप पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट इमेज नहीं आया, सीधा हम इनपुट लिख देते हैं, इनपुट ग्रुप, इनपुट फाइल, फाइल है ये रहा फाइल, ठीक है। तो आप ऐसा बना सकते हो, बटन है अपलोड बटन है, अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ सिंपल सा चाहिए, चूज़ तो 1 2 3 है ऑप्शन, ओह नाइस, हाँ वो नहीं करना हमें, तो अपलोड ये है, चूज़ फाइल ये है, चूज़ फाइल करोगे तो कुछ होगा, अपलोड करोगे तो कुछ होगा, हमें अपलोड नहीं कराना, हमें सिर्फ चूज़ फाइल कराना, अपलोड वो हमारा जो ऐप है वो खुद कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला उठा लेते हैं, पहला वाला उठा लेते हैं, एंड ये जो बटन है बटन गायब कर देंगे हम, तीसरा वाला है ये वाला है, ठीक है कॉपी कर लेते हैं हम इसको। एंड हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट चेक आउट की जगह ये पेस्ट कर देते हैं, एंड जो हमारा बटन है फालतू का हटा देते हैं हम। अपने पेज पे आते हैं, चेक करते हैं, चूज़ फाइल आ गया मेरे पास इतना बड़ा सा, ठीक है। चूज़ फाइल करता हूँ मैं, कोई फाइल चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यह आ गया, मल्टीपल फाइल चूज़ कर सकता हूँ क्या मैं मल्टीपल फाइल चूज़ नहीं कर सकता इसमें, कोई बात नहीं, तो सही है ये भी, ठीक है। एक फाइल इसने अपलोड कर दी, बाकी ये कर दिया, वी विल शेयर योर एनी वन एल्स की जगह हम कुछ कुछ लिखते रहेंगे अभी 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 धीरे धीरे बनाना। आप क्या करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो छोटा करने के लिए क्या है, सीन है, एक बड़ा सही चीज़ होता है इसमें, होता है हमारे पास डॉट कंटेनर, ठीक है। डॉट कंटेनर बनाते हैं हम, एंड उसके अंदर हम अपना पूरा फॉर्म डाल देते हैं, बल्कि डॉट कंटेनर के अंदर हम बनाते हैं डॉट रो, ठीक है। उसके अंदर हम बनाते हैं डॉट कॉल डैश, अबे यार डॉट कॉल डैश 12, ठीक है। डॉट कॉल डैश 12 बनाते हैं, एंड देन हम उसमें पूरा का पूरा फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। फॉर्म डाल दिया हमने, सेव कर देंगे, वापस लोड करते हैं तो ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है एकदम सही लग रहा है ये। लेकिन अभी हमें ईमेल चाहिए, वी विल, ये भी सही है। अब हमें नेम चाहिए, हमें नेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखना, तो हम क्या कहते हैं, हम नेम के अंदर जाते हैं, नेम कहाँ गया, नेम के अंदर जाते हैं, नेम को चेंज करते हैं फॉर ईमेल आईडी 1, नहीं ये जो है मुझे ये दोनों चेंज करना है, ठीक है। तो मैं करूँगा नेम, ठीक है, दोनों मुझे नेम चाहिए। एंड मुझे इस पर्टिकुलर आईडी में मुझे एक नेम देना होता है हमेशा, तो मैं वो भी दूंगा हाथों हाथ नेम। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा एम्प्टी कर देता हूँ, एंड देन इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो मेरे पास सेव रहे, एंड मुझे बार बार उसको चीज़ करने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब क्या हुआ, आईडी इसका ईमेल हेल्प है, मुझे ये नेम में चाहिए ही नहीं, हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी एरिया डिस्क्राइब बाय ईमेल हेल्प है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन जो था वो हटा दिया, देखो ना ईमेल हेल्प जो था वो मैंने हटा दिया, तो मुझे एरिया डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। सेव कर लेता हूँ मैं, रीलोड कर देता हूँ, देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है, तो ये सही दिख रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँ ये भी चल रहा है, इस पर क्लिक करूँ ये चल रहा है, इस पर क्लिक करूँ यही चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे को चेंज करनी पड़ेगी धीरे धीरे। फ़ोन नंबर पर आ गए, फॉर ईमेल आईडी यहाँ पे मैं कंट्रोल डी, ठीक है। एंड एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक नेम बना ही देते हैं पहले ही, है ना। तो ये हम कर लेते हैं कंट्रोल डी, एंड देन हम ऑल्टर दबा के इधर भी क्लिक कर लेते हैं ताकि हम तीनों जगह एक ही साथ लिख सकें, फ़ोन नम, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम फटाफट, रुको अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी हैं, वी विल नेवर शेयर योर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर विद एनीवन, ठीक है। हम किसी से आपका फ़ोन नंबर शेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्रीप नहीं हैं। ईमेल हेल्प की जगह मैं क्या लिखूँगा, ईमेल हेल्प की जगह, ओके यहाँ से शुरू करना, ईमेल हेल्प की जगह मैं लिखूँगा फ़ोन नंबर हेल्प, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर की जगह सिर्फ मैं नंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरे HTML के लिए, मेरे बैकएंड के लिए जो है वो है ये नेम, एंड बाकी बस, ठीक है। आईडी भी हम का शायद यूज़ कर सकें, ठीक है। देन क्या है, फ़ोन नंबर हमने दो बार ऐड किया था, तो हम एक फ़ोन नंबर हटा देते हैं, हमें फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्लोटिंग डिस्क्रिप्शन वैसे तो इसका ज़रूरत नहीं है कुछ चेंज करने का, बस हमें इसके अंदर नेम देना है, एक नेम हम देंगे अपना, नेम देंगे इसका, नेम हम दे देंगे डेस्क DSC, क्यों, क्योंकि बंदा डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक
ठीक है, आईडी भी हम, खैर आईडी का छोड़ो, अभी आईडी हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम उसको चेंज भी नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लीव योर प्रॉब्लम्स हेयर, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये है, तो हम इसको नेम दे देते हैं, नेम है स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेम हम देंगे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी हम देख लेते कि हमारा जो तैयार हो गया, हो तो गया, हो गया, लेकिन एक सीन है, डिस्क्रिप्शन एंड चूज पॉप के नीचे जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये जो MB3 है, MB3 का मतलब होता है मार्जिन बॉटम 3, हम इसको दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख लेते हैं रीलोड करके कि ये हो गया, देखो एकदम सही लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। ईमेल शेयर करो, नेम शेयर करो अपना, भैया फ़ोन नंबर डालो, ठीक है, अपना प्रॉब्लम लिखो एंड अपना बस हो गया। तो बस ठीक है, ये हमने कॉन्टैक्ट अस बना दिया, राइट। एंड एक इशू रह गया यहाँ पे, हमें एक ऊपर H1 टैग बनाना चाहिए था जो हमने नहीं बनाया, ठीक है। कॉल 12, कॉल रो गायब हो गया क्या? कॉल, अच्छा ये देखो हरकतें देखो भैया मेरी, कॉल रो बनाया उसके अंदर डाला ही नहीं है, ठीक है। रीलोड, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक और कॉल रो, एक कॉल 12 बनाते हैं एक और, ठीक है। उसके अंदर हम अपना डिस्प्ले वन डाल देंगे, ठीक है। तो हम बनाएंगे H1.display-1, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे अपना कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। रीलोड करो पेज को, एकदम बढ़िया कॉन्टैक्ट अस लिखा आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस अस अस, स्पेस, रीलोड, बढ़िया एकदम कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब क्या करना है, ये तो मेरा फॉर्म था, फॉर्म ओपन करो। फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले तो भैया एक, ठीक है, उल्टा लेके चल रहे हैं, फॉर्म से बनाएंगे स्कीमा तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना एक्शन डाल देते हैं, एक्शन डाल देते हैं, एक्शन डाल दिया हमने। एक्शन क्या होगा हमारा, एक्शन होगा सबमिट मी, नहीं एक्शन होगा कॉन्टैक्ट अस सबमिट, कॉन्टैक्ट सबमिट, देखिए यह है मेरा एक्शन, बल्कि ये भी नहीं होगा, मेरा होगा कोड स्लैश कॉन्टैक्ट सबमिट, ठीक है। ये होगा मेरा एक्शन, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं कुछ काम करूँगा, ठीक है। एंड मैं मेथड लिख देता हूँ, मेथड लिख देता हूँ मैं पोस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम गेट मेथड से नहीं भेजेंगे तसर इन्फॉर्मेशन, हमें पता है हम पोस्ट मेथड से भेजेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, राइट। अब हम कहते हैं हम व्यूज़ पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस हमने बना दिया ऐसा, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस हमने बना दिया, इसको रेंडर कर दिया, अब हम इसका ज़रूरत नहीं है, हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन जो अभी हमें बनाना है, ठीक है। इसको एक नया पाथ बना देते हैं, एंड यहाँ पर हमने क्या दिया है, इसे हम दिया है कोर्स डॉट सबमिट, राइट। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार इधर आ रहा हूँ, इधर ही जाना था मुझे, इधर, ठीक है, इधर इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड को सबमिट जो है वो मतलब नाम सही है, तो मैं इसको एज अ फंक्शन भी यूज़ करूँगा सेम नाम को, बस सबमिट का एस कैपिटल कर दूँगा, क्यों, क्योंकि हम कैमल केसिंग हमें बहुत पसंद है, ठीक है। एंड हम सबमिट को कॉपी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें, हम लोग आलसी हैं। एंड डेफ कंप में जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में लिखेंगे, सिंपल काम कर रहे हैं अभी हम, रिक्वेस्ट आ गई होगी मेरे पास, ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई होगी मेरे पास। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं पोस्ट, मैं क्या कहता हूँ, मैं चीज़ें बना लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, पहले तो सारी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। पहले है ईमेल, ठीक है, ईमेल इक्वल्स टू कुछ होगा, ठीक है, नेम इक्वल्स टू कुछ होगा, ठीक है, टेलीफोन नंबर इक्वल्स टू कुछ होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कुछ होगा, ठीक है, फाइल इक्वल्स टू कुछ होगा, फाइल ऐसा नहीं, एफ कैपिटल लिखेंगे, हाँ ठीक है, फाइल इक्वल्स टू कुछ होगा, ठीक है। फाइल एफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पहले से ऑरेंज हो गया, इसका मतलब पहले से कुछ है, मेरे को नहीं करना है, मेरे को ऐसे यूज़ नहीं करना, ठीक है, फाइल लिख दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, फाइल लिख दिया, राइट। अब मैं कहता हूँ मैं पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट इक्वल्स टू, नहीं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, POST, पोस्ट डॉट गेट, क्या गेट करना है मुझे, मुझे गेट करना है ईमेल, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि बस कर लेता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। अब नेम का मुझे पता है, नेम का मैंने नेम ही लिखा था, ठीक है, नेम का नेम ही लिखा था मैंने, ईमेल का शायद उन्होंने अपना लिखा होगा, मैंने चेंज नहीं किया होगा, एक बार ईमेल चेक कर लेता हूँ, ईमेल का क्या है, ईमेल का भैया आईडी है, ईमेल का नेम, मैंने ईमेल को नेम दिया ही नहीं, नेम मैं इसको दूंगा
को दूंगा ईमेल, ठीक है? ठीक है, ईमेल में इसको नेम दूंगा। अब अपना व्यूज़ में आ जाओ वापस, ठीक है? तो मैं यहाँ से कहूँगा मेरा व्यूज़ नेम उठा लिया, ईमेल उठा लिया, टेल के लिए है कुछ, फ़ोन है शायद, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। इसको यहाँ साइड में रख लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है? दोनों को एक साथ करेंगे कोडिंग मल्टीपल उसमें, ठीक है? फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, नेम है इसका फ़ोन नम, फ़ोन नम है इसका नेम, ठीक है? एक काम करते हैं ना, इसको सस्ता ही बना देते हैं एकदम, तो फ़ोन ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? फ़ोन नंबर हो गया, फिर नेम है डेस्क DESC, तो हम इसको सेम चीज़ DESC लिख देते हैं, ठीक है? ये क्या है, ये फाइल है, इमेज है, या क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्क्रीन शॉट, हम इसको स्क्रीन शॉट लिख देते हैं, ठीक है? हम इसको स्क्रीन शॉट लिख देते हैं। अब हम क्या कहते हैं, अब हम लॉक करा लें या बस ऐसे ही छोड़ दें? हम सबको पता है कि ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? एक एक करके चीज़ करते हैं, कोई बात नहीं, एक एक करके चीज़ करते हैं, वन बाय वन। बेसिक्स डॉट एच टी एम एल बंद करो, ठीक है? अब हमने ये तो बना लिया। इस पर्टिकुलर फाइल को मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ ये नाम क्या है, ठीक है? अब हमने फॉर्म तो बना लिया, लेकिन ये यूज़ कहाँ करेगा? हमें इसके लिए एक स्कीमा तो बनाना पड़ेगा ना, तो हम एक स्कीमा बनाते हैं। मॉडल्स में जाएंगे, हम मॉडल्स को इधर ले आते हैं, ठीक है? वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये है, यूआरएल्स का हमें काम नहीं है, अब मॉडल्स को बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक नया मॉडल बनाते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको ही, ठीक है? हम एक नया मॉडल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे बताओ? कॉन्टैक्ट, बस कॉन्टैक्ट रखेंगे। मॉडल जो मॉडल ले रहा है भैया कॉन्टैक्ट का आईडी, अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये होता है, लास्ट टाइम पता है हमने गलती क्या की थी? हमने क्या किया था, हमने उसको ऐसे ही दे दिया था ऑटो फील्ड, ठीक है? इसलिए कोर्स आईडी वो आ ही नहीं रहा था। हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ देना पड़ता है, प्राइमरी 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 प्राइम PRA प्राइमरी अंडरस्कोर की, ऐसा भी नहीं होता ये, ऐसा भी नहीं, तो उससे बुरा होता है, क्या सोचते हैं, ये होता है प्राइमरी अंडरस्कोर की इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है? ये होता है। अब इससे क्या होगा, ये तो कोर्स आईडी है ना, अभी कॉन्टैक्ट आईडी बन जाएगा, कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है? कॉन्टैक्ट आईडी बन जाएगा, कॉन्टैक्ट आईडी बन जाएगा, ठीक है? अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेम है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन हमारे पास, फ़ोन नहीं हमारे पास, फ़ोन डाल देते हैं, फ़ोन डाल देते हैं, ठीक है? इमेज है हमारे पास, इमेज की जगह हम डालेंगे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ठीक है? अपलोड टू कोर्स नहीं चाहिए मुझे, कोर्स डैश इमेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डैश इमेज, ठीक है? डिफ़ॉल्ट अभी भी इसका कुछ रखेगा, प्लेस होल्डर डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अगर नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं डाला, तो ये डाल देगा। पब्लिश डेट हम यही रखेंगे, कैटेगरी हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है? कैटेगरी हम चाहिए नहीं, एंड नेम हम यहाँ डाल देते हैं, हमें 50 सही है, 500 सही है यार, सब सही है, ठीक है? अब क्या होगा, ये तो हमने कर लिया, अब हमारे पास दूसरा काम था, हम मॉडल तो बना लेंगे, मॉडल को अब हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है? अब हम एडमिन सेम चीज़ रजिस्टर करेंगे, कैसे? बस कोर्स की जगह हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है? एंड हम कोर्स के साथ साथ ही कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है? इम्पोर्ट कर लेंगे, कहाँ से इम्पोर्ट हो गया? मॉडल से इम्पोर्ट हुआ, मॉडल में कॉन्टैक्ट है, हमने इम्पोर्ट कर लिया इसको, बस हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, अब हमें, हमने डेटाबेस बनाया है, याद रखना, हमने अभी डेटाबेस बनाया, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइग्रेशंस। क्या है भाई ये, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड एरर क्यों बज रहा है यहाँ पे? आईडी प्राइमरी की ऑटो फील्ड प्राइमरी की ट्रू, क्या कह रहा है, क्या एरर मार रहा है? चेंज लोडिंग, एक मिनट, को मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे आसान काम करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे गूगल सर्च, सो माइग्रेट करना रहता है ना। हाँ हाँ रुकना, वो एरर मार रहा है, वो कह रहा है कि भैया जो तुमने ऑटो फील्ड में प्राइमरी की ट्रू लगाया ना, वो तुमने गलत लगाया है, ऑटो फील्ड प्राइमरी की मस्ट ऐड प्राइमरी की ट्रू, आई सपोर्ट प्राइमरी की ट्रू फॉल्स, तो कैसे लगाया उन्होंने, इंटीजर फील्ड, एक मिनट बोलो, कोई ढंग की जगह से देखते हैं, जैंगो का मॉडल देख लेते हैं, ऑटो फील्ड, ओके
ऑटो फील्ड प्राइमरी की ट्रू एंड देन ऑप्शंस ऑप्शन। तो यार इसने ऐसे यूज़ किया है, हम भी तो ऐसे यूज़ कर रहे थे, हमने सब कुछ उसमें लिखा था क्या? तो फिर भी यार ऐसा थोड़ी ना होता है, सेव कर लेते हैं तो क्या एरर ख़त्म हुए? कभी एक बार चलो पहले काम करते हैं, माइग्रेशन बना देते हैं, अगर माइग्रेशन में कोई एरर आया तो सोचेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम माइग्रेट कर लेते हैं कैसे, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, स्पेलिंग ठीक लिखी हर चीज़ की, माइग्रेशंस करते हैं। तो उसने कहा भैया तेरा एक क्रेट को कॉन्टैक्ट बना दिया, अब हम क्या करेंगे, हम इसको माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है, माइग्रेट अब हम कर लेंगे इसको, माइग्रेट हो चुका है, कह रहा है कि भैया अब तुम्हारा कंटेंट टाइप में कंटेंट कॉन्टैक्ट ओके कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने ऐड नहीं किया यार, क्या सीन है, दोबारा माइग्रेट करूँ, पता नहीं क्या है। चलो एडमिन खोल के देख लेते हैं कि वो जो चीज़ है वो आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं, एडमिन एडमिन देख लेते हैं, रन अच्छा सर्वर नहीं। रन सर्वर नहीं किया, थैंक्स ब्रो। ठीक है, रन सर्वर हो गया, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ। ठीक है, एडमिन चल गया, तो कांटेक्ट आ चुका है। ठीक है, कांटेक्ट आ चुका है, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू हमें अभी तक फेस नहीं हुआ, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, एंड अपना फ़ोन नंबर वगैरह है, चूज़ फाइल है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो पब्लिक पब्लिश डेट ना मैंने ली नहीं है, मैंने सीधे उसको कहा भैया नाउ ले लियो। ठीक है, हम डेटाबेस से चेंज कर सकते हैं, वरना हम उसको दे ही नहीं रहे ऑप्शन यहाँ पे कुछ करने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले ये जितना भी डेटा है ना, हम पहले ये सारा डेटा को अपने अपने उसमें ले लेते हैं। ठीक है, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि सारी चीज़ें ढंग से काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, हम एडमिन्स बंद कर देते हैं, मॉडल्स बंद कर देते हैं, हम ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, व्यूज़ डॉट पाई में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम फटाफट से चीज़ें प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम देख पाएँ, प्रिंट हम करेंगे भैया ईमेल प्रिंट करेंगे। ठीक है, हम प्लस बहुत सारे प्रिंट बना देते हैं ना, प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट करेंगे भैया नेम, ताकि हम सिर्फ देख पाएँ कि चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, नेम हो गया, देन हम करेंगे टेल हो गया। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे, हम डेस्क ले लो। ठीक है, एंड देन हमारे पास एक चीज़ रह जाएगी, वो है फाइल, FIL। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार सेव कर लेते हैं, हम चीज़ें भरना शुरू कर देते हैं, रीलोड मार लें ज़रा पेज को। ठीक है, एक बार बस अपनी खुशी के लिए, ताकि ये बाद में हमसे पंगे ना ले एंड हम परेशान हो क्यों चल क्यों नहीं रहा, हम एक बार दोबारा रन सर्वर करेंगे। ठीक है, रन सर्वर हो चुका है, इसको पेज को रीलोड कर देते हैं। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, रीलोड हो चुका है, पेज हो चुका है। ठीक है, ईमेल डालो, नंबर डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, वेरी गुड साइट। ठीक है, एंड चूज़ फाइल करेंगे, चूज़ फाइल करके कोई फाइल चूज़ कर लेंगे, एंड देन हम करेंगे सबमिट। तो क्या हुआ, ये कह रहा है भैया 404 नॉट फाउंड, कोर्स के अंदर कॉन्टैक्ट सबमिट अवेलेबल ही नहीं है। तो कोर्स के अंदर कॉन्टैक्ट सबमिट है यार, SUBMIT, कॉन्टैक्ट सबमिट, कोर्स के अंदर कॉन्टैक्ट सबमिट है ही नहीं, रुकना ज़रा एक बार, कोर्स के अंदर सबमिट तो कॉन्टैक्ट अस पे भेज रहा हूँ ना, हमें रेंडर नहीं करना, हमें HTTP रिस्पॉन्स भेजना है ना, एक बार HTTP हम रिस्पॉन्स भेज देते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा व्यूज़ डिटेल्स लिस्ट होम, ये काम करते हैं ना, हम इसको हटा के सीधा लिख देते हैं HTTP रिस्पॉन्स, देन हम लिखेंगे कुछ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से ना चलना चाहिए, बट ये चला नहीं, तो पोस्ट में कॉन्टैक्ट सबमिट में तो आ गया था, URLs में कॉन्टैक्ट सबमिट है ना, एंड कॉन्टैक्ट सबमिट करने के बाद हम एक बार कॉन्टैक्ट अस देख लेते हैं कि इसमें तो हमने कोई घपला नहीं किया, हमने कोई घपला किया तो नहीं है यार,
एंड कोर्स किया ना यहाँ पे, कोर्स 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 CORSE कोर्स सर वो पाथ में दो दो CORSE बार आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस क्या बात कर रहा है? ब्राउजर में देखो वो तो शायद मैंने, रिक्वेस्ट तो शायद यूआरएल। मैंने पेस्ट किया है, इस वजह से आ रहा है। हाँ सही कह रहा भाई। तो हमारी जो गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हमने यहाँ पे शुरुआत में हमने स्लैश नहीं लगाया, तो इस वजह से उसने कहा, क्या कहा कि तुम नंबर ही, तो हम दो नंबर ही। तो हम यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, हम कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं एंड देन हम सबमिट करते हैं। तो क्या हुआ, फॉरबिडन CSRF टोकन फील्ड। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तो हमने सॉल्व कर रखा है एरर। हम कॉपी करेंगे जो उसने बोला है कि इसको पेस्ट कर दो, हम उसको CRF टोकन को पेस्ट कर देंगे। हम रीलोड बताएंगे, दबाएंगे पेज को, तो हम पीछे जाएंगे वापस, हम वापस सब हम रीलोड करेंगे इस पेज को भी। ठीक है, हम कुछ डाल देते हैं, हम यहाँ पे कुछ कुछ डाल देते हैं। ठीक है, हम चूज़ फाइल करते हैं, ठीक है, हम सबमिट करते हैं। तो देखना, हेलो वर्ल्ड आ गया, इसका मतलब चीज़ सबमिट हो चुकी है। एंड हम देखेंगे हमारे पास नंबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब कुछ सही तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम चीज़ सीखेंगे, नई चीज़ जो हमने अभी तक सीखी नहीं है। वो ये सीखी है, हमने अभी तक क्या सीखा नहीं है, हमने ये सीखा है कि भाई ये चीज़ें कर लो, डेटा ले लो, डेटा शो कर दो। हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि हम डेटा सेव कैसे कराते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो डेटाबेस में सेव कराने के लिए सबसे पहले तो तुम इंपोर्ट करो वो मॉडल जो तुमने, जो तुम्हें सेव कराना है। तो मेरे को कॉन्टैक्ट सेव कराना है ना, तो मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट सेव कर दिया, कॉन्टैक्ट सेव कर दिया। स्पेलिंग क्या है कॉन्टैक्ट की? मॉडल्स में जाओ, कॉन्टैक्ट को कॉपी करो एंड हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब तुम्हें क्या होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है। तुम क्या करते हो, तुम एक वेरिएबल बनाते हो। ठीक है, वेरिएबल भी क्यों बना दो, ना बनाओगे तब भी चलता है। ठीक है, लेकिन बना लो, मज़ा आता है। ठीक है, मज़ा नहीं आता, हमें सेव करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो मैं बनाऊँगा एक, मैं बनाऊँगा न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा ये कॉन्टैक्ट जो मैंने अभी इम्पोर्ट किया है, ये इम्पोर्ट किया ना, तो मैं इसको एज इट इज़, ठीक है, ये यूज़ करूँगा। कॉन्टैक्ट यूज़ करके क्या करूँगा, ये एक तरह से एज अ फंक्शन काम करेगा। ठीक है, एंड देन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मॉडल मॉडल भरना शुरू करेंगे। कैसे मॉडल भरेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास कॉन्टैक्ट आईडी जो कि ऑटो फील्ड है, हमें ये भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पहला है हमारे पास नेम, नेम इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। दूसरा क्या, डिस्क्रिप्शन, DESC, DESC इक्वल्स टू। ठीक है, अभी हमें वैल्यूज़ नहीं डाल रहा, मैं वैल्यूज़ नहीं डाल रहा, याद रखना, मैं सिर्फ नाम भर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को एक एक चीज़ समझ आए। ठीक है, मैं लिखूँगा फ़ोन इक्वल्स टू, ठीक है, एंड देन मैं क्या डालूँगा, मैं डालूँगा स्क्रीन शॉट। ठीक है, स्क्रीन शॉट इक्वल्स टू, ठीक है, एंड देन मैं डालूंगा पपडेट, तो ऑटो लेगा, डिफ़ॉल्ट टाइम इसका क्या है, डिफ़ॉल्ट है इसका टाइम। ठीक है, तो मेरे को ये भी देने का ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो मैंने डाल लिया, ये चार चीज़ें चाहिए, इतना मैंने डाल लिया। अब ये जो चीज़ें ना, इन सबका मैं वैल्यू दूंगा। मैं नेम नहीं डाला क्या, ई मेल नहीं डाला भाई, ई मेल नहीं बनाया हमने, यहाँ पे सीन हो गया हमसे, ई मेल नहीं बनाया हमने। ई मेल इक्वल्स टू कैर फील्ड को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड हमें माइग्रेट माइग्रेशन सब करना पड़ेगा बैठ के। ठीक है, बंद करो इसे, मेक माइग्रेशंस, पहले हम माइग्रेशंस बनाएंगे, दबा के माइग्रेशन बन गया। कह रहा है भैया तुमने कुछ नहीं किया क्या, बन गया क्या कुछ, पता नहीं, कोई बात नहीं, हम डिफ़ॉल्ट डालते हैं, डिफ़ॉल्ट हम डालेंगे E0, मतलब कुछ भी नहीं डालेंगे, डिफ़ॉल्ट खाली देंगे, एम्प्टी डालेंगे। ठीक है, मैं टू यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक माइग्रेशन करता हूँ दोबारा। तो क्या रहा है कि भैया ईमेल बना दिया तुमने, ठीक है, ईमेल बना दिया, अब हम क्या करेंगे, हम माइग्रेट करेंगे इसको, हमने माइग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारा ये चल जाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, हम रन सर्वर, वैसे यहाँ पे इसको काम करने का हमें दोबारा रन सर्वर करना ही पड़ेगा, तो हम इसको नहीं करते अभी। तो मॉडल्स मैंने बना दिए, मॉडल्स मैंने सारे यूज़ कर लिया, ईमेल नहीं यूज़ किया, ईमेल बना देता हूँ। ठीक है, ईमेल इक्वल्स टू अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मॉडल्स मैंने सारे यूज़ कर लिए जितने मुझे ज़रूरत थी, जिनका मेरे को नहीं था वो अपने आप ही आ जाएंगे, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है,
अब मेरे पास, अब क्या करना है, बहुत सिंपल, अब सिर्फ तुम्हें मैपिंग करना है। ईमेल के अंदर आएगा ईमेल, ये कौन सा ईमेल है, ये वाला ईमेल है, कौन सा ईमेल, जो मैंने अभी बॉडी से उठाऊंगा मैं, ठीक है, ये वाला ईमेल उठाऊंगा, तो मैं ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। ये नेम इक्वल्स टू क्या करना है मुझे, ये वाला नेम करना है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, तो मैं इसको नेम कर देता हूँ, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए जो कि ये है DESC, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर में मुझे क्या, मुझे टेल चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पर टेल डाल देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट में मुझे फ़ाइल चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पर फ़ाइल डाल देता हूँ, ठीक है। एंड मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक न्यू कॉन्टैक्ट तैयार हो जाएगा जिसका टाइप होगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट एक क्लास टाइप होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, कॉन्टैक्ट एक क्लास टाइप होती है, ठीक है। उसके अंदर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं नई नई चीज़ों का, क्या होता है बेसिकली सेल्फ का मेथड होता है जिसमें तुम चीज़ें डालोगे तो वो ऐड होता जाएगा, हमने वही किया है। हमने इसके अंदर सिर्फ डेटा ऐड किया है कि भैया यहाँ पर कौन गए व्यूज़, कि ईमेल की जगह ईमेल कर दे, नेम की जगह नेम कर दे, इसकी जगह ये कर दे, ठीक है। उससे क्या हुआ, कॉन्टैक्ट टाइप का, कॉन्टैक्ट क्लास टाइप का हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वो हमारा सेव हो जाएगा न्यू कॉन्टैक्ट में। अब हम क्या करना है, अब हमें जो न्यू कॉन्टैक्ट में जो कॉन्टैक्ट टाइप का जो नया ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर हमने ये वैल्यूज डाली, ठीक है, अब हम उसको करेंगे सेव। सेव कराने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट, ये जो न्यू कॉन्टैक्ट है ये यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं डॉट सेव एंड हम ये कर देते हैं। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करते हैं, हम हेलो वर्ल्ड की जगह थैंक यू डाल देते हैं, थैंक जू डाल दिया हमने, ठीक है। हम बैक जाते हैं, रिलोड तो होगा नहीं क्योंकि सर्वर चालू नहीं है, ठीक है, सर्वर चालू नहीं है, सर्वर रन करते हैं, सर्वर चालू होगा, सर्वर चालू हो जा, सर्वर चालू हो गया, सर्वर चालू हो गया, ठीक है। रीलोड मारते हैं पेज को, आईडी डालते हैं, नेम डालते हैं, लिखते हैं भैया गुड साइट। अब आशा करते हैं कि हमें कोई एरर नहीं आएगा, सबमिट कर लेते हैं, थैंक यू आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं ऐड कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्टस देखते हैं, कॉन्टैक्टस में देखोगे तो मेरे पास एक नया कॉन्टैक्ट बना हुआ है जिसके अंदर मैंने अभी अभी चीज़ें डाली थी, वो मेरे पास दिख रही हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम सबमिट करते हो फॉर्म, ठीक है, ऐसे तुम सबमिट फॉर्म सबमिट करते हो, ठीक है, ये है तुम्हारा फॉर्म सबमिट करने का तरीका, ठीक है। अभी जो फालतू फंड के प्रिंट कर रखे हैं, मतलब इनकी ज़रूरत भी नहीं है अब, ठीक है, ये है तुम्हारा सबमिट करने का तरीका। बताओ कि क्या फॉर्म के पोस्ट, फॉर्म को ऐड कराने में किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बताओ, इससे इजी कुछ नहीं है भाई ऐड कराना, क्योंकि इतना तुमने कर लिया। हाँ जी हर्ष सर, सिर्फ एक मॉडल बना रहा है अलग से, देन उसके बाद एक फंक्शन बना रहा है, और वो जो न्यू कॉन्टैक्ट लिखा है बस उतना ही, राइट, बस उससे ज्यादा तुम्हें नया कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें ये दो चीजें नई ऐड करनी है डेटा सेव करने के लिए। तुम पहले क्या कहते थे, तुम एक पराम्स में डेटा डाल देते थे, है ना, अब yes, हमें डेटा पराम्स में नहीं डालना, अब हमें यहीं पे डाल देना है, खत्म करना है भाई, हो गया सेव, बन गया नया, लाइक सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, दो लाइन ऐड करनी है भाई, आई मीन भाई न्यू कॉन्टैक्ट डॉट सेव, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे तुम्हारा डेटा जा चुका है, तुम्हारे बैक एंड में सेव हो चुका है, ठीक है, जो तुम यहाँ पे एडमिन करते थे, अब एडमिन नहीं, अब यूजर करेगा उस चीज़ को यहाँ पे आके, ठीक है। अब जाओ, तुम्हारा 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम फटाफट से आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे चेकआउट बना देंगे, एक छोटा सा चेकआउट, मतलब चेकआउट से क्या होगा, जो भी तुम्हारा यहाँ पे होगा ना वो सारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा, एंड देन यूज़र जिसके पास ये एडमिन पैनल होगा वो यहाँ पे चेकआउट चेक करके देखेगा भैया किसका ऑर्डर क्या आया है, ठीक है, एंड देन वो उसको पैक करके भेज सकते हैं, तो हम पैकिंग वाला तो बनाएंगे नहीं, हम तो सिर्फ उसको डेटा तक दे देंगे, ठीक है। तो जाओ, 15-10-5 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है, तो हमारी क्लास शुरू हो जाएगी 1:20 पे, ठीक है। हम आज थोड़ी सी क्लास लंबी चलाएंगे, मैं कोशिश करूँगा 45 तक के 2 बजे से पहले ख़त्म हो जाए क्लास, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट चीज़ है इस पर्टिकुलर पूरे जंगो में जो तुम्हें सीखनी थी पोस्ट वाला, ठीक है। उसके बाद कल हम दो चीज़ें करेंगे, हम करेंगे कल अपडेट एंड डिलीट, बल्कि अपडेट एंड डिलीट हम कल नहीं करेंगे, हम करेंगे जब हम नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, ये प्रोजेक्ट वाला, प्रोजेक्ट वाले पे अभी हमने कुछ भी काम नहीं किया है ना,
प्रोजेक्ट वाले में अभी हमने कुछ भी काम नहीं किया, हमने सिर्फ हमने व्यूज़ भी नहीं बनाया भाई अभी तक, यूआरएल्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया हमने, ठीक है। आओ 15 मिनट में आओ, वो कहते हैं अपना वो कितना बोला मैंने, 20 तक आओ, 1-1:20 तक, ठीक है। बाकी देख लेंगे कोई इशू आया तो। क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ कोई तो चेंजेस काफ़ी कर दिया यार मैंने, तो अपलोड नहीं किया कुछ भी। सर अब अभी आप ये रिपो पे पोस्ट करोगे ना अभी? है कर दिया मैंने। ओके। नहीं सर मैं वैसे सजेस्ट कर रहे थे कि आप day 1 day 2 3 जैसे चेंजेस कर सकते हो क्या, मतलब उसके अंदर अकॉर्डिंग टू डे वाइज प्रोग्रेस जैसे हो रहा है चेंजेस वैसे दिखते हैं तो। यार चल मैं अगली बार से ऐसा करता हूँ, ठीक है। आज का, ओके आज का देख ले, आज का जितना भी है ऐसा कर ले, जो नया प्रोजेक्ट करेंगे ना उसमें मैं डिफरेंट ब्रांचेस बना दूंगा हर डे की, ठीक है। हेलो सर, सर हाँ जी एक चीज़ पूछूंगा सर, आपने असाइनमेंट 10 दिया था जिसमें सपोज हम लोग को एक मूवी बेस बनाना था और डेटा बैकएंड सर एक शो करना था सर, वो उतना असाइनमेंट 10 था और जो आप कोर्स आपने अलग बनवाया एज अ शॉपिंग साइट करके, वो सेम असाइनमेंट है अलग ही है? वो देखो सिंपल सी बात है, जो तुम्हें दो चीज़ें करनी है, ठीक है। तुम्हें कोर्स से सीखना है, तुम्हें वो माय उससे फेवरेट मूवी से पे अप्लाई करना है, ठीक है। समझ रहे हो? नहीं समझे? कोर्स पे यस सीखना है, सर। वहाँ पे अप्लाई करना है, बस इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, ओके ठीक है। दो दो बार बट इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए यार, और कुछ नहीं, क्योंकि देखो ना दोनों में सर एक चीज़ें और सेम बना है। लेंगे बस ना क्या सर, मैंने कोर्स अलग बनाया है और एक अलग से बनाया और एक न्यू प्रोजेक्ट अलग से बनाऊंगा। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट तो अलग से बनेगा भाई, कोर्स तो ख़त्म हो जाएगा आज, आज या कल ख़त्म हो जाएगा कोर्स। उसके बाद जो तुम्हारा जो मेन प्रोजेक्ट है, जो कि भव्य सजाया निबोध वाला, कोई जो भी वो होगा ऊपर का जो भी बंदा होगा वो पूछेगा भैया तुमने क्या बनाया कोर्स में, तुम ये दिखाओगे भैया ये हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाता है, एक ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यही कोर्स मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है, हमने ये बनाया, तो तुम उनको वो दिखाओगे, ठीक है। ये जो जो छोटी छोटी चीज़ें बनवा रहा हूँ ना, असाइनमेंट असाइनमेंट, ये तब होगा कि कहते हैं जब वो तुमसे पूछे कि भैया बताओ बीच बीच में तुमने क्या किया, सही डायरेक्टली वो बनाया तो बताओगे उनको कि नहीं सर ने हमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट दिए जो जिससे हमारी प्रैक्टिस काफ़ी हुई है ना, हम सब ने किया ऐसे ऐसे करके बताओगे, तारीफ करोगे मेरी, है ना। यस सर, यस सर। सर एक चीज पूछा था सर, जो आप कोर्स से बता रहे हो वो सारी चीजें हम कोर्स से बनाएंगे, और एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने असाइनमेंट 10 जो बनाया है ना वो थोड़ा मूवीज का पूरा ले लिया कॉन्सेप्ट, तो उसमें मूवीज मैं क्या क्या है, लगाऊं समझ नहीं। सर मूवीज क्या मैं है, दिखा रहा हूँ आपको एक्चुअली। ओके मैं दिखा रहा हूँ। अभिजीत है रूम में? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे 2 मिनट का टाइम दे, मैं आया अभी, ठीक है, तो शेयर वगैरह कर दे। यस सर, यस सर। सर मैं ऐसा बनाया एक सेकंड भाई, तेरा स्क्रीन बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इशू आ रहा है शायद। कितना बोला था मैंने, 1:20 बोला था ना क्लास रिज्यूम, तभी बनना।
कुछ दिख नहीं रहा भाई, सॉरी यार। मेरा मतलब वही स्क्रीन पे स्टक हो चुका है, वो जो वो है ना विंडोज, उसकी विंडोज पे, मीट की विंडोज पे स्टक हो चुका है वो। एक कुछ सर्विस हो रहा है नहीं स्क्रीन। भाई, वही अटका पड़ा है। मतलब अटका हुआ है भाई तेरा मीट पे, बहुत स्लो चल रहा है इंटरनेट। ओके कर मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है, मेरे को बोल रहा है भाई पुअर कनेक्टिविटी। मेरा भाई मेरे को भी दिखा रहा है भैया तुम्हारे पुअर कनेक्टिविटी है। ऐसा किससे कनेक्ट हुआ भाई? ओ भाई क्या हो रहा है? और तुझे स्क्रीन दिख रही है? भाई स्क्रीन तो दिख रही है, अब एक बार देख रही है दिखाओ। स्क्रीन? हाँ दिखा एक बार, बस ये नहीं पता कि क्या मेरा इंटरनेट स्लो है या किसी और का। कोई और है क्लास में जरा कुछ बोलना। साक्षी हूँ। हाँ हूँ बोल। एकदम सही आवाज आ रही है भाई साक्षी की। सर वो हर्ष का ना नेटवर्क खराब ही रहता है। छी यार हर्ष क्या बेकार आदमी यार तू। सर नेटवर्क अभी दिख रहा है ये बताते भैया। देखो सर कितना आवाज कट कट के आता है ना, हाँ ऐसे ही बताया आता है, पता है। हमेशा आता मैं है। मेरे को लग रहा है मेरा इंटरनेट खराब है, मैं जियो वालों को फोन करके गाली देता। चलो कोई बात नहीं हर्ष, एक काम कर ब्रो, व्हाट्सएप पे भेज दे भाई मुझे यस कुछ। सर। और पता है तेरा जो मेन प्रॉब्लम क्यों आ रहा, तेरा इंटरनेट इशू, हाँ तेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है। लैपटॉप चार्ज पे लगा ताकि वो पूरी पावर से काम करे हर चीज के लिए। सर लैपटॉप ऑलमोस्ट सर मैं फोन से यूज कर रहा हूँ, मेरा वायर चल नहीं रहा है, मैं फोन नेटवर्क से यूज कर रहा काश मुझे तेरी अब बात समझ आई होती, मुझे लग रहा है लिटरली मैं जादू से बात कर रहा हूँ। सर वो बोला कि उसका सभी आ रही फोन है का सर जो भी आ रही ना है। डेटा उस पे कर रहा है वो। अच्छा फोन का डेटा पे चेंज करा भाई, कर ले भाई। अरे सर फोन पे ही चल रहा है, वाईफाई चला गया। लेकिन साक्षी को भी सुनाई नहीं दे रहा तो क्या बोल रहा है? एक मिनट रुके मैं आया, बस एक मिनट सर रुके। सही है तेरी आवाज, सही है जितना अब तेरी, समझ आया सही है अब उतना तेरी, समझ सही आया आवाज मैंने। सही है, बोलना शुरू कर। सर अभी यही है बस। हाँ बहुत सही है अब, हाँ चल जल्दी शुरू, जल्दी जल्दी तेरा इंटरनेट जाए इससे पहले काम कर अपना।
सर अटक गया है, अटक गया फिर, अटक गया। ये तेरा तो स्क्रीन नहीं, एक बार मुझे बता भाई तेरा स्क्रीन कौन सा खुला हुआ है इस टाइम पे जो तू प्रेजेंट कर रहा है, ये बता पहले तो। पहला तो मीट वाला खुला हुआ है तो स्क्रीन। वहां से हटा के वो जो वो ओपन कर दे जो दिखाना चाह रहा है, ठीक है। हाँ जी, क्या है ओ भाई, क्या बढ़िया बना तू ना बनाया ये। हाँ ओ भाई साहब, तू तो एक्सपर्ट है आदमी है यार, दिखा बढ़िया लग रहा है, दिखा। चलिए, पूरा यहाँ पर रोटेट होता है। सही तम डिट्टो मीट जैसा लग रहा है मुझे भाई, कैसा? कुछ नहीं भाई, एक बार दिखाई, एक बार तू आ चुका है यार स्क्रीन पे। हाँ अच्छा, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी भी मीट की स्क्रीन दिख रही है। सर, रुके, प्रॉब्लम भाई तू एंजॉय कर लाइफ को, कौन मना कर रहा है। अब ध्यान से देख रहा हूँ, अब लग रहा है कि इसने ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ करी नहीं, वो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना उसकी वजह से अच्छा लग रहा है सिर्फ, बाकी नॉर्मल नॉर्मल है इसका। लेकिन अच्छा है, सही है यार, कोई देखेगा तो कहेगा भाई हाँ भाई कुछ तो बनाया है लड़कों ने। सही है, में किया पीछे में बैक कर दिया एंड नैबार को पूरा नैबार को हेडिंग को कर दिया एंड देन हर्ष मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा मन से बोल रहा है, बहुत ज़्यादा सेवन मन से तू बताना चाह रहा है मुझे कोई चीज़, लेकिन लेकिन तेरे इंटरनेट की वजह से ना मैं कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं सर, मैं समझ आउटपुट गया, कैसा मैं है देख, मतलब इस। सही है भाई, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत ले, जो तू बोलना चाह रहा है ना मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन मैं तेरी फीलिंग समझ गया हूँ, ठीक है। टेंशन मत ले, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, बना इसी को बना, बस थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दे, फॉन्ट अच्छा नहीं है। एक ठीक काम है कर, सर, बट इस गूगल फॉन्ट हाँ यूज़ हाँ कर, गूगल फॉन्ट यूज़ कर, कोई सही गूगल यूज किया, फिर। सही यूज किया मैंने, गूगल फॉन्ट यूज किया। सो गूगल फॉन्ट दिखाता हूँ आपको मैं। मुझे पता है कैसा है, लेकिन यहाँ नहीं देखना, मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा फॉन्ट यूज़ करियो। अच्छा, फॉन्ट यूज कर लो। मैंने गूगल फॉन्ट यूज किया एक्चुअली। कौन सर सा ये फॉन्ट मैंने यूज़ किया किधर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये सर ये वाला फॉन्ट सरल? फैमिली किंजल डॉट शेरिफ, आई डोंट नो क्या क्या बोलते हैं हाँ उसे। नहीं, शरीफ है, शरीफ, शरीफ, ये हाँ तो है शरीफ, बेसिक वाला। अगर ये किन सर है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो शरीफ यूज़ होगा, ठीक है। तो एक बार कहाँ यूज़ किया तूने, H1 में यूज़ किया ना, एक बार H1 को वो कर, इंस्पेक्ट कर एंड देख वहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये किन्सल आ रहा है या शरीफ आ रहा है। तो मुझे लग रहा है शरीफ आ रहा है वो। ऐसा होता है कि अगर वो अवेलेबल है तो ही वो यूज़ करता है, वरना वो यूज़ नहीं करता उसको, ठीक है। दोनों दिखा रहा है, एक दिखा रहा है, सबसे पहले तो ये देख क्या है, शरीफ है क्या है। सर ये सर दोनों दिखा रहा है। दोनों इधर मत देखना, उधर उस पे ऐसा होवर कर H1 पे, एंड देन वो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा बहुत सारी। तूने क्लिक कर दिया भाई, तूने फॉन्ट फैमिली पे तो क्लिक कर भाई, फॉन्ट फैमिली तूने बंद ही कर दी। नीचे देखना, नीचे वाला देख, कहाँ तूने कर वो जो टिक, उसको टिक कर, टिक कर उसे। सर एक मिनट, कौन सा भाई क्या क्या कर रहा है भाई तूने, अरे एक मिनट फॉन्ट फॉन्ट फैमिली गई किधर? ये तो रही नीचे, दिख ही नहीं तेरे को, मेरे को ब्लर चीज़ें दिख रही है, तेरे को साफ चीज़ भी नहीं दिख रही। ये रहा H1, हाँ बस H1 पे रुक जा, सेकंड नंबर देख जो कटा हुआ है। ओ हाँ भाई चलो शुक्र है, दिख तो गया इसे, ठीक है। अब एक बार आप चेक कर कि क्या दिख रहा है इसे, होवर करके चेक कर कि H1 पे क्या है, क्या यूज़ कर रहा है बता। फॉन्ट फैमिली में क्या लिखा हुआ है, फैमिली हो गई है यहाँ पे कहीं, देख क्या है, क्या ही किंजल किंजल ही। अच्छा दोनों दिखा रहा है किंजल और ये, तो किंजल दिखता कैसा है, दिखाइए जरा एक बार, ऐसे दिखता है, नहीं सर, ऐसा नहीं दिखता ना, दिखाइए एक बार कैसा दिखता है। अरे इसको हटा देगा तो भाई वो बेसिक वाला ले लेगा, टाइम से रोमन या जो भी होता है। एक बार दिखा जरा किंजल दिखता कैसा है, सर दिखाया तो किंजल कहाँ
ओ भाई, हम अभी भी तेरी फेवरेट मूवीज पे है, तो कैसा, कहाँ दिखा किंजल? कितना खुश हो रहा है खराब इंटरनेट लेके। सर क्या बोल चल कोई नहीं यार, मतलब देख क्या होता है, वो ना एक लिंक देता है तेरे को, सुन मेरी बात, वो एक लिंक देता है तेरे को, उसमें ना HTML का लिंक भी प्रोड्यूस हो जाता है, वो तो उठा के अपने उसमें लगा दियो, base.html में लगा दियो, वो चल जाएगा आई गेस, मतलब उससे फिर वो उसी से चलेगा। तो मुझे बता कि तूने ये चीज़ करी है या नहीं करी है, या तूने सीधा गूगल फॉन्ट यूज़ कर लिया? बता ही नहीं रहा कुछ ये लड़का। दो 5 मिनट और रुकेंगे एंड देन हम अपना आगे से शुरू कर देंगे, ठीक है? जितने लोग आ चुके हैं वो, अब स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दे अपनी ब्रो, यस सर, कर दी? चल एक ठीक मिनट मैं वही कर रहा हूँ एक्चुअली। है, तू कर चुका है, हमें दिख नहीं रही तेरी स्क्रीन। पहले तू पास्ट में चला जाता, अब तू फ्यूचर में चल रहा है। सर वो नेट आज बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं चल नहीं नहीं सर वो नेट प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। 2 मिनट पहले जोक मारा था ये मैंने, अब जवाब दे रहा है उसका ये। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं फटाफट से, दिस इज़ होम है ना, दिस इज़ होम को चेंज कर लेते हैं, जितने बच्चे आ रहे हैं उतने कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है देखो, ये क्या किया मैंने, मैं ऐसे गटबूटस्ट्रैप पे गया, एग्जांपल्स पे गया, मैंने देखा ये चीज़ है, जंबोट्रॉन मैंने ऐसा ओपन कर लिया, ठीक है ये चीज़ मुझे दिखी, मैं यही पूरा उठाने वाला हूँ डायरेक्टली बिना किसी दिक्कत के, एज इट इज़, मतलब अच्छा लगा मुझे इसलिए, वरना अगर तुम लोग कहो तो कोई और भी उठा लूँगा। ठीक है देख, जैसे एक ये सही लग रहा था, लेकिन इसके लिए हमने इमेजेस वगैरह ऐड करनी पड़ती, ये एक ब्लॉग बढ़िया था लेकिन हमारा ब्लॉग टाइप नहीं था। ठीक है ये चेकआउट कुछ है, जो हम चेकआउट बना रहे थे ना, चेकआउट कुछ है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ओ भाई साहब, भाई ये कॉपी पेस्ट करने वाले हैं हम ये पूरा। ठीक है तो रख ही लो, चेकआउट ही बनाना था आज हमें, पूरा कॉपी पेस्ट कर लो इसको। एल्बम एग्जाम्पल, ये है हमारा होम पेज प्रोडक्ट का, ठीक है लाइक काफ़ी अच्छा है ये, तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो, या हम इसको कोर्स में, नहीं पता नहीं किस में यूज़ करेंगे, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको, हम बंद करो, हम वही यूज़ करते हैं। हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है इंस्पेक्ट भी नहीं करेंगे हम। देखो इसमें ना एक नई चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें, कभी भी तुम्हें चाहिए हो ना पूरे उसका HTML कोड, पूरे पेज का HTML कोड, तुम जाओ सीधा व्यू सोर्स एलिमेंट पे, तुम्हें पूरे पेज का HTML कोड मिल जाएगा, पूरे पेज का। ठीक है अब देखो, नैव बार था, नैव बार मैंने बनाया हुआ, नैव बार नहीं चाहिए मुझे, नैव यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है मेन चाहिए मुझे, इसका मेन यहाँ से शुरू हो रहा है एंड यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, एंड देन मुझे फुटर भी चाहिए, इसका फुटर भी चला रहा हूँ मैं। ठीक है कॉपी कर लेता हूँ मैं इस पूरे को, मैं अपने VS कोड में आता हूँ, ठीक है अपना मैं जाता हूँ अपना कोर्स में, कोर्स के अंदर मैं जाता हूँ फटाफट फटाफट, टेम्पलेट्स में कोर्स के अंदर मेरे पास होम है, राइट दिस इज़ होम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैं फटाफट से इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है अपना अपना यहाँ जाता हूँ, रीलोड मारता हूँ एंड देखता हूँ मेरे पास आ गया भैया हेलो वर्ल्ड, वही आ गया जो वहाँ पे एज इट इज़ चीज़ आ गई। ठीक है हेलो वर्ल्ड की जगह हम लिखेंगे अपना ये नाम, क्या नाम है यार हमारे इसका, निबोध, निबोध इरा, जैसे कोर्स इरा होता है वैसे हम लिखेंगे निबोध इरा। ठीक है कोर्स इरा निबोध इरा, ठीक है निबोध इरा है हमारे इसका नाम। ठीक है तो मस्त नाम मिल गया मुझे, ठीक है निबोध इरा मिल गया, निबोध इरा बड़ा ही गंदा नाम लग रहा है पर कोई बात नहीं। ठीक है दिस इज़ अ टेम्पलेट फॉर दिस सैम्पल मार्केटिंग और इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट, तो हम देख लेते हैं कोई बढ़िया सा, अमेजोन देख लेते हैं, नहीं कोर्सेरा है ना, कोर्सेरा देख लेते हैं, कोर्सेरा को हम गूगल सर्च करते हैं। ठीक है यहाँ पे लिखा है एक्सेस टू दिस 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 दिस, यहाँ इतना हम हैं एक नंबर की लर्न ऑर्गेनाइज, तो हम यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम कॉपी बाज एक नंबर के। रुकना इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन पूरी आ रही है क्या, सिर्फ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ही आ रही है,
ओके एन एस पी डब्ल्यू डब्ल्यू उसने वो कर दिया। ठीक है एक काम करते हैं, उप्स यहाँ आ गए, इसके सोर्स कोड, इसके सोर्स कोड पे जाते हैं। सोर्स कोड से क्या होगा, तुम्हें जैसे सोर्स कोड बता रहा था, सोर्स कोड इसका बहुत बड़ा है यार, क्योंकि मेरे को चाहिए कुछ कुछ चीज़ चाहिए कोई, मतलब कॉपी वॉपी करने के लिए। ठीक है इसने कुछ कुछ बहुत सारी कुछ कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट वगैरह चालू कर रखी हैं। तो मान के चलो ये जो इसकी वेबसाइट है ना, ये किसी उस पर बनी है, किसी फ्रेमवर्क पे बनी है, जब ये जावास्क्रिप्ट दिखा रहा है तो मतलब हम इसका कुछ उठा नहीं सकते। तो काम करते हैं हम गूगल से ही उठा लेते हैं, विकिपीडिया से उठा लेते हैं, काम करते हैं। नाम क्या था, कोर्सेरा था ना, कोर्सेरा, कोर्सेरा विकी, कोर्सेरा विकिपीडिया में लिखा भैया कोर्सेरा इज़ द अमेरिकन ब्ला 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 इतना। चलो भैया कॉपी पेस्ट करेंगे हम इसको अपने प्रोजेक्ट में खुशी से। ठीक है तो इसकी जगह हम लिखेंगे ये चीज़। ठीक है ये थ्रू कोड शिरा वगैरह हटा के हम सीधा नुबोध नुबोध कर देंगे हर जगह। ठीक है निबोधेरा, ठीक है निबोधेरा कर देंगे। ठीक है ये जो आया 2000 करेक्शन नीडेड, नहीं चाहिए हमें। ठीक है मुझे नहीं पता कब हुआ ये क्या हुआ, मैंने ऐसे ही लिख दिया ये। तो तुम लोगों को निबोध के बारे में कुछ करना है तो देख लेना, वरना तो कोई बात नहीं। निबोधेरा इंक नहीं, निबोधेरा है सिर्फ, अमेरिकन नहीं है भैया, मेड इन इंडिया है, इंडिया। ठीक है आई कैप्स, अरे आई कैप्स आ ही नहीं रहा, इंडिया। ठीक है रिलोड, अरे पेज को रिलोड मारो, बढ़िया एकदम निबोधेरा ब्ला 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 ब्ला। ठीक है हेडिंग वेडिंग हम उसको बाद में भरते रहेंगे, बस बताना चाह रहा था कि अगर कोई होम पे आए तो वो हमारी हालत ना, मतलब ऐसा कुछ अच्छा दिखे, ख़राब ना दिखे। ठीक है निबोधेरा दिख रहा है, बढ़िया एकदम, कोर्स लिस्ट पे आ रहे हैं, कोर्स लिस्ट हमारी सही बन गई। ठीक है हम एक बार इस पर आते हैं, कॉन्टैक्टस पे आया था, कॉन्टैक्टस भी सही है। ठीक है एंड अपना कार्ड भी सही है, राइट। अब हमें क्या करना है, कॉन्टैक्टस में आके हमारा कॉन्टैक्टस हो गया राइट, कोर्स में आके हमें बनाना है एक चेकआउट, यहाँ पे हमें लिखना है एक चेकआउट बटन। तो हम जाते हैं पहले अपना सिंगल कोर्स नहीं, बेसिक डॉट एच टी एम एल पे, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो बेसिक डॉट एच टी एम एल पे क्लोज एक बना हुआ है। ये हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ बना देते हैं एंड हम सेकेंडरी हटा के हम लिख देते हैं सक्सेस, SUCC सक्सेस। ठीक है एंड देन हम क्या करेंगे, मोरल डिसमिस वगैरह कुछ नहीं है, वैसे मोरल डिसमिस रख देंगे इसको, क्योंकि चेकआउट करके एक वो नए पेज पे जाना चाहिए राइट। हाँ तो ठीक है एंकर टैग बना दो इसको, एंकर टैग बना दो इसको, एंकर टैग बना देंगे, मोरल क्लोज हो जाएगा हमारा एंड वो नई पेज पे चलेगा, नया पेज का HRF होगा, HRF क्या होगा, हम लिखा देते हैं उसको चेकआउट। ठीक है चेकआउट होगा, चेकआउट नहीं होगा वो होगा चेकआउट से ज़्यादा, कोर्स डॉट चेकआउट, CORS कोर्स स्लैश चेकआउट। ठीक है सिंपल सिंपल में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, हम इसको इतना कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कॉपी करेंगे। ठीक है अब हम क्या करेंगे, हम अपना वही काम करेंगे जो हम यूजुअली करते आए हैं, यूआरएल्स पे जाएंगे। ठीक है नया एक यूआरएल बनाएंगे बढ़िया सा एकदम मस्त सा, ठीक है उसका नाम होगा यही चेकआउट। ठीक है हम उसका नाम यहाँ पे, फाइल का नाम भी हम चेकआउट रखेंगे। ठीक है व्यूज़ डॉट चेकआउट, ठीक है व्यूज़ डॉट चेकआउट करके हम उसको कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। हम जाते हैं अपने व्यूज़ में, ठीक है एक नया फंक्शन बनाते हैं, जैसे ये एक फंक्शन बनाया वैसे ही बनेगा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है हम नीचे आके पेस्ट करेंगे, हम नाम इसका चेंज कर देंगे, नाम हम वही रखेंगे जो हमने बाहर वाला रखा, जैसे चेकआउट रखा था, मैं चेकआउट रख दिया। ठीक है एंड यहाँ पर भी मैं कोर्स डॉट चेकआउट ही रखने वाला हूँ, ठीक है यहाँ पर भी मैं कोर्स डॉट चेकआउट ही रखने वाला हूँ। ठीक है अब कोर्स डॉट चेकआउट तो बना दिया मैंने, अब मैंने फाइल नहीं बनाई राइट, बेसिक्स डॉट एच टी एम एल, एरर क्यों मार रहा है, अच्छा उस वजह से एरर मार रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हम यहाँ पे एक नया फाइल बना देते हैं, फाइल बनाओ यहाँ पे, फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं एंड हम बनाते हैं न्यू फाइल जिसका नाम होगा चेकआउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है चेकआउट डॉट एच टी एम एल हमने कर लिया। ठीक है एंड हमें चाहिए बेसिक एच टी एम एल, हमें इसको कॉपी पेस्ट करना राइट, हमें ये वाला यूज़ करना, हम ये वाला यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने बनाया ही है इसलिए, ताकि हम कॉपी पेस्ट कर पाए, अपना टाइम बचा पाए है ना।
तो हम चेकआउट पे आ जाते हैं, चेकआउट पे हम इसको पेस्ट करते हैं। HTML की जगह मुझे चाहिए, जब भी मैंने बूटस्ट्रैप का एक ये नया चेकआउट उठाया था, ये चेकआउट जो उठाया था, ये चीज़ इतना हिस्सा मेरे को उसका चाहिए, बल्कि पूरा ही चाहिए मुझे। योर कार्ड वर्ड ये सब नहीं चाहिए, बल्कि ये वाला भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, है ना। ये हम बना ही चुके हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम बना चुके हैं, टाइम वेस्ट हम अपना फालतू में करेंगे नहीं, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इसका कोड उठा लेते हैं, व्यू सोर्स पेज पे आते हैं, एंड देन योर आइटम, तो पहला चीज़ है, देन पार्ट टू, ठीक है। P2 पैडिंग इनपुट ग्रुप फॉर्म है ना, ये मुझे पूरा फॉर्म चाहिए, नीचे तक आ जाओ, पूरा फॉर्म एज इट इज़ उठा लूँगा मैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। पूरा फॉर्म मैंने उठा लिया है बूटस्ट्रैप से, पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब पहले इतना देख लेता हूँ कि क्या चेंजेस आए यहाँ पे, ठीक है। रीलोड करो, कार्ट पे जाओगे, क्लोज क्लोज आ रहा, क्लोज पे क्लिक करता हूँ मैं, तो कहीं पे भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। पहले हम क्लोज हटा के यहाँ पे इसको चेकआउट कर देते हैं, CHE से चेक आउट, ठीक है। चेकआउट एक साथ लिखा होता है क्या? हाँ, पेज को रीलोड करो यार, चेकआउट करो। चेकआउट तो जा ही नहीं रहा भाई, क्या सीन हो गया चेकआउट पे? एच रेफ टाइप बटन, इसलिए नहीं दे रहा, टाइप बटन कर रखा है मैंने इसको। टाइप बटन होगा तो वो एंकर टैग की तरह काम अभी भी नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया? कभी कभी ऐसे ऐसे कहते हैं ना, मतलब हमें ये ऐसा देता है, ये हमें कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्विज दे रहा हूँ, सॉल्व करो उसको, मैं बताऊँगा नहीं क्यों दे रहा हूँ। चेकआउट अभी भी नहीं हो रहा भाई, अभी भी नहीं हो रहा। ये डेटा डिसमिस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, रीलोड कर देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अब चलेगा, अब चल रहा है। अच्छा, उसकी वजह से नहीं चल रहा था वो, इन्होंने इनकी जो क्लास है ना डिसमिस मॉडल वाली, उसकी वजह से नहीं चल रहा था, ठीक है भैया। ये कुछ ऐसा दिख रहा है प्रोमो कोड टाइप, लेकिन हमने जो उठाया था वो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था, वो कुछ अच्छा दिख रहा था, वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको नहीं करते, हम ये जो इसका पूरा कंटेनर है, पूरा कंटेनर उठाएंगे हम, कि हम बहुत बदतमीज़ हैं इसलिए। फुटर भी उठा लूँगा मैं इनका। अबे यार, अरे आ ही नहीं रहा। कंटेनर शुरू हुआ, राइट, एंड लास्ट में आके क्या है, लास्ट में आके इनका बॉडी है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नीचे, स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया सारा, एंड देन कंटेनर ख़त्म हो गया, राइट। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरा, एंड देन मैं अपने HTML पेस्ट करूँगा। अब ये जो है मेरा चेकआउट है, राइट, चेकआउट में जो भी मैंने चेंज किया था हटा देता हूँ उस चेंज को, ठीक है। अब मैं ये जो नया चेंज ला रहा हूँ ये लगा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ वो है ये। रीलोड करो, चेकआउट पे क्लिक करो, चेकआउट आ गया, ठीक है। तो काफ़ी हद तक वैसे ही लग रहा है जैसा है, ठीक है। अब बेसिकली बूटस्ट्रैप है तो हमें हटाना पड़ेगा ये, ठीक है। हम यहाँ पे नबूत का साइन लगाएंगे, बट अभी के लिए नबूत का साइन है नहीं हमारे पास, तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, बूटस्ट्रैप ही रहने देंगे, ठीक है। चेकआउट फॉर्म है यहाँ पे, ब्लू एग्जाम्पल ऑफ एंटायरली ब्ला 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 ब्ला। तो हम क्या कहते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, इसका एक एक चीज़ करके गायब करेंगे या डालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, चेकआउट फॉर्म है, ठीक है। ब्लू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, हम लिखेंगे एज इट इज़, हम सिर्फ लिखेंगे योर आइटम्स आर रेडी टू चेक आउट, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे योर कार्ट है, प्रोडक्ट नेम्स है कुछ, ठीक है, एंड देन रिडीम। हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रो को बंद कर देंगे। नहीं, बहुत बड़ी रो हो गई है, योर कार्ट H1, ये जो है ऑर्डर MD2, ये जो है हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, मैं हटा ही दे रहा हूँ उसको। एंड ये जो MD8 है, हम इसको कर देंगे MD12, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि
सबको पता है क्यों करेंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया बन गया ये, राइट। अब क्या है, फर्स्ट नेम में बिलिंग है, नेम है, ये है, ईमेल है, ऑप्शनल है, अपार्टमेंट टू उसको ऐसे जिट इज़ रहने देंगे, ये भी सही है, ठीक है, ये जिप विप भी सही है, ठीक है, शिप सेम एज बिलिंग एड्रेस, ये भी छोड़ो। पेमेंट हम करेंगे, पेमेंट हम ऑप्शन ऐसा करेंगे एंड कंटिन्यू टू चेकआउट, बस इससे ज़्यादा हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। एज इट इज़ मैंने बूटस्ट्रैप से पूरा उठा दिया, एकदम सही चीज़ें यहाँ पे, बस हमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी है, क्यों, क्योंकि हम स्कीमा बनाएंगे एक बैठ के, ठीक है। फटाफट से हम स्कीमा बना देते, पहले हम वही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अपना ये इनपुट क्या है, किसका इनपुट है, नेम का इनपुट है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का इनपुट है, तो हम एक फर्स्ट नेम का इनपुट बनाएंगे, उसका नाम लगा देते हैं एफ अंडरस्कोर नेम, ठीक है। लास्ट नेम का हम एक इनपुट बना देते हैं एल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तुम ऐसा नहीं करोगे, अब देखना ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, मैं यही चीज़ उसमें यूज़ करने वाला हूँ जो हम यूज़र बनाएंगे, ताकि हम दोनों सारी यूज़र्स को कनेक्ट कर सकें, ठीक है, कभी अगर करेंगे तो, ठीक है। यूज़र हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। ये क्या यूज़र नेम है, यूज़र नेम की वजह से हम ज़रूरत है नहीं, तो हम यूज़र नेम हटा ही देते हैं, फालतू में लिखना हमें, ठीक है। ईमेल देख लेते हैं, ईमेल में आईडी ईमेल है, लेकिन नेम नहीं दिया हुआ है उन्होंने, हम नेम दे देते हैं, नेम इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। कहाँ चला गया वो पूरा, यहाँ पे नेम इक्वल्स टू ईमेल है, यहाँ पे अभी हम वैल्यूज़ का एल, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे वैल्यू डालना था, यहाँ पे मैंने गलत दिया नेम, एंड मैंने गलती से वैल्यू में चेंजेस कर दिया, मुझे नेम कर दिया, मुझे नेम चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। नेम नेम कर दिया मैंने, ईमेल कर दिया मैंने, ठीक है। नेम इसका ईमेल है इस टाइम पे, एड्रेस इसका कुछ ऐसा है, प्लेस होल्डर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका नेम ही हम एड्रेस लाइन वन कर देंगे, नहीं एड्रेस वन, एड्रेस टू, तो ऑप्शनल वाले को हटा देता है, हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर सीधा नेम लिखेंगे, एड्रेस ADDRESS, ठीक है, एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट, कंट्री वंट्री है, चूज़ कर लो भैया, चूज़ हम इसमें दो तीन और कंट्री डाल देते हैं, ठीक है। कंट्री हम एक तो इंडिया डाल देंगे, ठीक है, बल्कि हम इसको ऐसा क्यों बना रहे हैं, चूज़ कंट्री को हटा के चूज़ स्टेट लिखते हैं ना, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम स्टेट लिखते हैं, ठीक है। कंट्री नहीं है, आईडी की कंट्री है, वट एवर जिसकी तू भी जो भी करना कर ले, मेरे को तो भैया नेम चाहिए, मैं स्टेट लिखूँगा, ठीक है। स्टेट में कुछ स्टेट के नाम बताओ, ठीक है। एक तो मेरा दिल्ली हो गया, ठीक है, एक तुम्हारा मुंबई हो गया, महाराष्ट्र होते स्टेट है ना, यार मुंबई स्टेट है तुम्हारी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, राष्ट्र, महाराष्ट्र स्पेस है भैया, माफ़ कर देना स्पेलिंग वगैरह गलत लिखे हो तो, ठीक है। एक हमारा फेवरेट बिहार, ठीक है, और एक कोई बढ़िया सा बताऊँ, गोवा से तुम यूपी। गोवा में रहना हमेशा हैं, गोवा। एक आया भाई उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश, प्रदेश पर प्रदेश प्रदेश प्यारे। होता है PRADESH, PREDESH, पता नहीं भाई क्या होता है, प्रदेश लिखेंगे हम, पता नहीं भाई स्पेलिंग्स का, भाई मुझसे मत पूछा करो, आई एम वेरी बैड विद एवरीथिंग, ठीक है। ये हो गया, इससे ज़्यादा हम कहीं डिलीवरी नहीं करते, ठीक है। डिलीवरी क्या, हम तो वैसे कोर्स बेच रहे हैं, बट डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कंट्री की जगह हम कर देंगे स्टेट, क्यों, क्योंकि हमने चेंज कर दी चीज़ें, सट्टे नहीं स्टेट, STATE, स्टेट, ठीक है। हम स्टेट, अच्छा स्टेट है नीचे, वाह पढ़ो, ये चाहिए स्टेट हमें। क्या है, जिप है, जिप चाहिए हमें, जिप कोड रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर के लिए हम दे देते हैं 11009, ठीक है। आईडी जिप है, यहाँ पे हम देंगे नेम इक्वल्स टू जिप, ठीक है। फालतू में इतना बड़ा बना रहे हैं, वैसे हम एक लाइन में एड्रेस लिख सकते हैं, फालतू में कर रहे हैं हम लोग ये, क्योंकि बस व्हाई नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं इज, सॉरी नेम लिख देंगे हम इज सेम बिलिंग एड्रेस, क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि व्हाई नॉट, इन्फॉर्मेशन फॉर टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इज सेव इन्फो, ठीक है। पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट के लिए कार्ड है, ठीक है।
तो कार्ड के लिए हम क्या करते हैं, नेम लिख देंगे भैया, कार्ड ऑप्शंस, कार्ड क्या है ये, अरे कहाँ का कहाँ पहुँच गया यार, यहाँ रेडियो बटन है, कार्ड ऑप्शन है, कार्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा, क्रेडिट कार्ड, ओके लेबल ये है। सर, पर इसको हम अपने मूवी के इसके अंदर कैसे यूज करेंगे, मतलब ये फॉर्म को सर, मतलब ये हमें जो जो टॉपिक है फालतू का वो यार। माय फेवरेट मूवी है। हाँ हाँ तो सर, मतलब ऐसे ही फॉर्म पेस्ट कर देंगे क्योंकि वो तो माय क्यों करना फेवरेट है, है मैं हूं ना, मैं ऐसा तोड़ूंगा ना तुम्हारे सर। वही माय मैं सोच फेवरेट रहा को, हूँ, क्यों माय भाई, मूवी में क्या डालेंगे सर, कार्ड कार्ड कैसे बनेगा उसमें, मतलब कोई सेंस ही नहीं मैं बैठता। हूं ना, मैं हाँ हूं ना, मैं यहाँ पे तुम्हारी माय ओके फेवरेट ओके मूवी को ऐसा तोड़ूंगा ना मैं वहां पे, तुम लोग कहोगे ओ माय ओके गॉड ये कहाँ से कहाँ जोड़ दिया आपने। ठीक है, आसान है कुछ यस नहीं, और सर फेवरेट मूवी को बाय करने का ऑप्शन डालना है वहाँ पे, खराब का। अच्छा माय ओके। फेवरेट हाँ मूवी वैसा कुछ कर रहे हैं ना भाई, देखो माय फेवरेट सर, मूवी, अब ऐड टू माय फेवरेट फेवरेट्स भी कर सकते हैं ऐड टू लाइक। फेवरेट्स करो, बहुत बढ़िया बताया इस हाँ लड़के ने, मिहिर वोरा जिंदाबाद भाई, ओपी मिहिर वोरा ओपी इन द चैट, क्या मिहिर ओपी इन द चैट। ठीक थैंक है ठीक है भैया, क्या है ये फुल, चलो देख लेंगे इसको अभी जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है ऐड टू फेवरेट कर देंगे इसको। क्या है ये, नेम ऑन कार्ड है ना, एक काम करते हैं हम, नेम ऑन कार्ड वगैरह सब हटा देते हैं, हम सीधा लिखते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है मतलब कैश वैश करें, सिर्फ पेमेंट ऑप्शन लगाते हैं भैया, सर क्या पेमेंट किया है, ठीक है हमें पेमेंट भी तो बनानी है उसकी, कितनी पेमेंट बनेगी लौंडे की, है ना, ये क्या है, कंटिन्यू टू चेकआउट, राइट, कंटिन्यू टू चेकआउट करने के बाद ठीक है हम यहाँ पे एक मॉडल खोलेंगे जिसके अंदर उसका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, एंड देन वहाँ पे होगा बाय नाउ, ठीक है जिससे होगा, जिससे हम जिस पे हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे जो कि ये सारा डेटा सेंड कर देगी, राइट, ये करना है हमें, ठीक है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक वो बटन बना लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हमने एक ऐसा मॉडल खींचा था ना हमने, वैसे ही हम दोबारा बूटस्ट्रैप से खींच लेते हैं एक, बूटस्ट्रैप ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, ये वाला कोई भी नहीं चाहिए, सारे बंद कर दिए, बूटस्ट्रैप बनाए, बूटस्ट्रैप पे गेट करते फटाफट करते, टाइम नहीं है हमारे पास, सबको नींद आ रही है खासकर मुझे, एग्जाम्पल डॉक्स, डॉक्स पे हम जाएंगे, क्या है ये मडाल, MODAL मडाल, मतलब फटाफट से एक मॉडल उठाते हैं छोटा सा प्यारा सा, यही मॉडल हमने उठाया था, ये उठा लेते हैं, जो सिर्फ मॉडल है, बटन कहाँ है इसका, लॉन्च मॉडल, ठीक है लॉन्च मॉडल बटन उठा लेते हैं, लग रहा कुछ गलत चीज़ कॉपी कर ली मैंने, कोई बात नहीं, लेट्स सी, ठीक है अब हमने क्या किया, ये जो लॉन्च मॉडल था हमने उठा लिया, बटन ट्रिगर बटन बी बी टी एन ब्लॉक बी टी एन एल जी, ये जो था इसकी कॉपीज कॉपी करके यहाँ पे फटाफट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है एंड याद रखना हमें ये टाइप सबमिट नहीं चाहिए इस वाले में, तो नहीं चाहिए, ठीक है क्यों, क्योंकि हमें चेकआउट कर रहे हैं अभी, हम बाय नहीं कर रहे हैं अभी, हम फॉर्म नहीं भेज रहे, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पे लॉन्च मॉडल की जगह चेकआउट कर देते हैं, ठीक है उससे क्या होगा, उससे ये पर्टिकुलर चालू हो जाएगा, एंड मुझे याद है जहाँ तक हमने बेसिक में कुछ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो सेंटर्ड आ गया था, है ना, हम उसको भी यही करना चाह रहे हैं, चेकआउट में जाएंगे हम, वो जो पर्टिकुलर फॉर्म है डायलॉग के आगे हम लगा देते हैं फॉर्म को, ठीक है अब एक बार रीलोड कर देते हैं इस पर्टिकुलर पेज को, जो भी है चेकआउट वाला फॉर्म है, ठीक है इसको रीलोड कर देंगे, चेकआउट पे क्लिक करेंगे, देखना मॉडल टाइटल आ गया एकदम सही चल रहा है यार ये, बढ़िया चल रहा है बिना किसी दिक्कत के, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चीज़ें चेंज करना शुरू करते हैं, भैया मॉडल टाइटल नहीं है, मॉडल टाइटल है आइटम्स, नहीं फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप, ठीक है यहाँ पे हम कुछ कुछ बनाते हैं, सबसे पहले तो भैया हम बनाते हैं अपना डॉट रो, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें रो चाहिए, हम बनाएंगे डॉट कॉल 12, ठीक है उसके हम बनाएंगे UL, ठीक है उसके अंदर बनाएंगे LI, ठीक है काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप से उठा लेते हैं LI, ये सब कहाँ है, मडाल टूल टिप कंपोनेंट के अंदर ही होना चाहिए भाई, दिख रहा है किसी को, ग्रुप लिस्ट ग्रुप दिख रहा है किसी को, फॉर्म कंटेंट लेआउट कस्टम, भाई साहब चीज़ें ही गायब हो जाती हैं भाई बूटस्ट्रैप से, फॉर्म
में तो नहीं है, कंपोनेंट में होगा, बटन ग्रुप लिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो हम एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हम शुरुआत से बोलते आए हैं वाई नॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको लाइक कैलकुलेटिव वाइज बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे तो अपना वही करेंगे जैसे हम वहाँ पे क्या था ना, इतना 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 इतना, लेकिन उसके साथ हम एक प्राइस ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है, कि एक का प्राइस इतना है तो तुम्हारा टोटल में ये प्राइस बैठ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बिल टाइप बनाते हैं। बिल टाइप कैसे बनाया यार, इन्होंने कैसे बनाया था बूटस्ट्रैप में, इन्होंने साइड में साइड बाई साइड ऐसा कुछ बना दिया था ना, मैंने बंद ही कर दिया क्या, वो सर वो कार्ड था ना साइड बाय साइड पे। हाँ कार्ड था या और कार्ड टाइप था है ना। तो हमें कुछ और बनाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा। हम चालाकी भी क्यों करें, हम तो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, हम चालाकी क्यों करें। हम लिखेंगे गेट बूट स्ट्रैप, गेट बूट स्ट्रैप, ठीक है। हम तो चालाक लोग बिल्कुल नहीं हैं, हम तो अच्छे लोग हैं। हम चेकआउट ओपन करेंगे, ये जो है इतना इतना है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ब्रीफ, टोटल मिला के ये जो है, हम इसी को कॉपी करके वहीं पे पेस्ट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो सोर्स पे जाएंगे हम, ये जो लिस्ट बना रखी है उसने, ये वाली जो लिस्ट बना रखी है यूएल, मैं इसको कॉपी करूँगा मस्त तरीके से एकदम, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड ये मैंने पेस्ट कर दिया, अब मुझे इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी है। एंड ये मैंने हक दिया, नहीं हका भाई, सही है, ठीक है भाई, तो ये सही हो गया। रीलोड कर लेते हैं पेज को हमारे, वाह कौन सा पेज रीलोड कर दिया मैंने, गलती से मीटिंग वाला पेज रीलोड कर दिया यहाँ पे थे हम, इस पेज को रीलोड कर देते हैं, ठीक है। सर प्रेजेंट नहीं है, स्क्रीन नहीं आ रहा। ओके यस आई एम आउट ऑफ माई माइंड टुडे, प्लीज़ डोंट किल मी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे एंड देन उसका पूरा कैलकुलेटेड प्राइस बनाएंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ नीचे देंगे कि कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, एंड उसका क्या प्राइस है। तो हम टोटल प्राइस यहाँ दिखाएंगे, बाकी चीज़ यहाँ दिखाएंगे, प्रोमो कोड हम वगैरह हटा देंगे, फिर नीचे आखिर में लिखेंगे हम टोटल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नाउ, बाय नाउ पे क्लिक करके हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, राइट। तो फटाफट से इसको बना देते हैं, तो प्रोडक्ट नेम वगैरह तो चलेगा, ठीक है। तो हम उसके अंदर कुछ ऐसा लिख देते हैं भैया, क्यू टी वाई क्वान्टिटी, QTY ऐसे होता है ना क्वान्टिटी, हम लिखेंगे यहाँ पे, मान लो हमारी क्वान्टिटी है 5, ठीक है। एंड देन हम ऐसा ऐसा कुछ डालते हैं, कुछ ऐसा डालते हैं यार, इसको कैसे डालें कि ये अच्छा लगे अलग अलग में। ब्रेड क्रम्स टाइप थे ना कुछ छोटे छोटे से थे, वही बैजेस टाइप समथिंग, बूटस्ट्रैप कहाँ है, कुछ बैज टाइप सा दिखाता हमें है ना, ब्रेड क्रम बैज, बैज कैसे बना देते हैं, बैज ऐसे बना देते हैं ना। तो हम बैज यूज़ करते हैं दोबारा, ठीक है, हम बैज यूज़ करेंगे दोबारा, इस बार हम बैच के अंदर लेके हम क्वांटिटी डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वांटिटी 5, ठीक है, तो इस न्यू की जगह मैं क्वांटिटी 5 लिख दूंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस पर, प्राइस पर आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे लिखूँगा प्राइस, PRIC प्राइस, ठीक है। एंड वो एक आइटम का प्राइस बताएगा, ठीक है। अब यार ये सीन है, प्राइस नहीं बताएगा, हम प्राइस नहीं बता, या प्राइस भी हमें फिर लोड कराना पड़ेगा कहीं से है ना, तो हमें साला प्राइस भी देना पड़ेगा बैठ के उसमें, बैक एंड में हमने प्राइस दे दिया तो ये गलत हो जाएगा है ना। हमें तो फिर भी अच्छा रुको रुको, ठीक है भैया, आइडिया है मेरे पास, एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है मेरे पास, ठीक है। करते हैं ऐसे ही करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है एकदम, ठीक है। मान लो प्राइस हो गया भाई 5,000 रुपये, ठीक है। RS INR डाल देता हूँ मैं, INR डाल देता हूँ, INR 5,000, नहीं 5,000 INR होता है ना, INR पीछे लेता है, ठीक है, INR, ठीक है, INR डाल देते हैं हम। एंड देन स्मॉल क्यों है ये,
अच्छा इसने यूज़ किया म्यूटेड टेक्स्ट, टेक्स्ट म्यूटेड, देख लेते हैं क्या दिख रहा है। हाँ ठीक दिख रहा है, सही दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। ठीक है इसका थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसका टोटल शोटल निकाल लेते हैं। ठीक है बस ऐसा ऐसा करके हम मल्टीपल आइटम्स डालना है, ठीक है, एंड देन हमें उसको यूज़ करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में आ जाते हैं वापस। तो हम अपने कोड में आ जाते हैं एंड हम क्या करेंगे इधर, कहाँ पे थे हमने बेसिक कहाँ लिखा था, चेकआउट पे लिखा था ना हमने, बेसिक पे हमने यहाँ पे चेकआउट डाला था ना इधर। तो हम क्या करते हैं इसको हम बना देते हैं, इसको एंकर टैग ही रहने दो, नहीं एंकर टैग नहीं, इसको बटन लगाओ, PUTTON बनाओ। ठीक है बटन बना दिया हमने इसको, इसका क्लास HRF की जगह हम यहाँ इसको चेंज करेंगे, हम यहाँ करेंगे इसको, हम इसको फॉर्म बनाने वाले हैं अब। ठीक है हम यहाँ अपना वही कर देंगे, टाइप सबमिट कर देंगे, ठीक है सबमिट कर देंगे। ठीक है टाइप सबमिट करने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है अब हम क्या करते हैं, हम इसको फॉर्म बना देते हैं फुटर, हाँ उसको फॉर्म बना देते हैं, FORM बना देते हैं, फॉर्म बनाएंगे, हमें पोस्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है पोस्ट के अंदर एक्शन क्या चाहिए, एक्शन हमें ये चाहिए। ठीक है इसको हम एक्शन में पेस्ट कर देते हैं, एंड जो बटन है इस बटन को उठा के BUTTON जो बटन है, ठीक है बटन को उठा के फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी बनेगा ना वो चला जाएगा, राइट। तो अब क्या करता हूँ मैं, मेरे को डेटा बनाना है। ठीक है अब देखो जो भी डेटा देना होगा ना, मैंने उसको पता कैसे दूंगा, चला कैसे दूंगा, मैं क्या करूँगा, मैं एक इनपुट टाइप बनाऊँगा। ठीक है एक इनपुट बनाऊँगा, एक इनपुट टाइप बनाऊँगा जिसका, देखो इनपुट बना दे टेक्स्ट, इसको लिखूँगा मैं हिडन, DDD हिडन। ठीक है अब इससे क्या, हिडन से क्या होता है, ये जो इनपुट टैग है ना दिखेगा ही नहीं तुम्हें। ठीक है दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो इसको रीलोड कर लेता हूँ पेज को। ठीक है यहाँ देखना, यहाँ पे तुम्हें इनपुट टैग तुम्हें इंस्पेक्ट पे ज़रूर दिख रहा होगा लेकिन तुम्हें चेकआउट के आसपास कहीं दिखेगा। ठीक है चेकआउट का है, सॉरी अरे कहाँ गया भाई वो, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है देखो कार्ट आया, कार्ट के अंदर मोबाइल ओपन आ गया। ठीक है यहाँ देखना मोबाइल ओपन किया, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा था, है ना, तो यही उसका फंडा है। अब इनपुट टाइप हिडन के अंदर मैं क्या क्या करूँगा, मैं उसका वैल्यू डालूँगा कुछ। ठीक है वैल्यू डालूँगा, वैल्यू क्या होगा मेरा, वैल्यू क्या होगा मेरा, वैल्यू ऐसे नहीं डाल सकता क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, मेरे को इसका आईडी देना पड़ेगा। ठीक है आईडी दूंगा मैं, आईडी क्या दूंगा मैं, आईडी में कुछ दे देता हूँ, चेक कर लेंगे क्या ये चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। ठीक है हम लिखेंगे कार्ट डैश हिडन, ठीक है कार्ट हिडन कर देते हैं। ठीक है अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगा देता हूँ, ऑन क्लिक, ठीक है ऑन क्लिक लगा देता हूँ। ऑन क्लिक से क्या होगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऐड हिडन वैल, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड हिडन वैल, राइट, ऐड हिडन वैल एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि कुछ नहीं करेगा, जो कि नीचे आ जाता हूँ मैं अपने स्क्रिप्ट में। ठीक है एक मैं वही बनाता हूँ जो मैंने अभी बनाया था, कॉन्स्ट ऐड हिडन वैल। ठीक है वो मैं बनाऊंगा एक छोटा सा मस्त सा फंक्शन, छोटा सा मासूम सा। ठीक है वो फंक्शन क्या होगा, वो एक एरो फंक्शन होगा। ठीक है एरो फंक्शन के नाम लिखना शुरू करूँगा, क्या पेस्ट कर रखा है, कार्ड हिडन यूज़ करके। ठीक है मैं करूँगा सबसे पहले तो मैं एक वैर ले लूँगा, ठीक है वैर मैं ले लूँगा, लाइक डॉक ले लूँगा, वैर वैर डॉक ले लूँगा, इनपुट ले लूँगा, इनपुट टैग है ना मेरा, वैर इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट, क्या हो गया भाई ये, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है मेरी, आईडी है मेरी ये जो मैंने अभी पेस्ट किया। ठीक है जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया इनपुट के अंदर जो भी वो है उसकी वैल्यू कर दो, इसकी वैल्यू को इक्वल कर दो किसके, उसकी वैल्यू को इक्वल कर दो इसके, जो कार्ट में आएगा ना, कार्ट में आएगा इसके। ठीक है ये जेसॉन जाएगा मेरा,
ठीक है। इसके इक्वल कर दो, इसको सेव कर देता हूँ एक बार। ये शायद यूज़ नहीं हुआ है, पर हम देख लेते हैं कि हमने सही तरीके से यूज़ तो यार सही तरीके से किया है यार हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेकआउट तक तो हो गया ये है ना, पोस्ट भी हमने कर दिया, इसका वैल्यू भी वहाँ पर चला जाएगा। इसका वैल्यू तब तक नहीं जब तक हम इसका नेम नहीं लेंगे। नेम मैं इसका दे देता हूँ, नेम मैं इसका दे देता हूँ यार। ये चीज़ ना हम वहाँ पे भी कर सकते थे, चेकआउट में भी कर सकते थे, लेकिन चेकआउट के लिए मुझे वो चाहिए जिसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा एंड जिसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं करते, हम सीधा भैया ये करते जो हम कर रहे हैं। ठीक है, नेम मैं दे देता हूँ इसका, नेम नहीं, हाँ नेम दे देता हूँ, कार्ट जेसॉन, कार्ट जेसॉन। ठीक है, जेसॉन, ठीक है, कार्ट जेसॉन इसका मैं नाम दे देता हूँ, क्योंकि हम जेसॉन ही तो भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो भेजना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं अपने व्यूज़ में, हम चेक करते हैं कि क्या ये चेकआउट पे आके, ये जो हमने अभी एक छोटा सा फॉर्म बनाया है, ये जो फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म नहीं, ये जो हमने लिंक बनाया था अभी, यूआरएल, यूआरएल्स का चेकआउट जो हमने यूआरएल बनाया था, क्या ये इस पे जाके हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पोस्ट हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, हम प्रिंट कराते, क्या कराते हैं, हम प्रिंट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट POST पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट भेजा है। ठीक है, एंड गेट करेंगे हम, क्या गेट करेंगे, हम गेट करेंगे अपना वही जो अभी हमने भेजा है, क्या कार्ट जेसॉन। ठीक है, कार्ट जेसॉन, अब देख लेते हैं कि क्या ये सही चल रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा क्या मैं, नहीं सही तो कर रहा हूँ, हाँ सही है। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो अभी हमने जो मस्ती मजाक किया है सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, रीलोड कर देते हैं इस पेज को, हम दबाते हैं चेकआउट। इस टाइम पे जैंगो के अंदर 2 है, इंग्लिश के अंदर 9 है। ठीक है, चेकआउट दबाते हैं, CSRF फेल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ कुछ सही काम चीज़ें कर रही हैं, कुछ कुछ गलत काम कर रही हैं। CRF टोकन लगा देते हैं हम यहाँ पे, कोई इशू नहीं आएगा, फटाफट लग जाएगा वो। तो चेकआउट कॉन्टैक्ट बेसिक में लगाना है, बेसिक में हमने फॉर्म के ऊपर लगा दिया, उसको सेव कर लेते हैं, बैक चले आते हैं, रीलोड कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं आएगी, चेकआउट करते हैं। एंड यहाँ पे तो आ गया, एरर नहीं आया, बट क्या देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आई जो हमें चाहिए। 403 एरर आया भाई, 403 एरर क्या होता है, चेक करते हैं हम ऑनलाइन। 403, अच्छा पुराना आया भाई 403, पोस्ट तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन कुछ चला नहीं यहाँ पे, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, व्यूज पे जाऊँ क्या, उसको कार्ड जेसन मिला नहीं क्या कुछ, रिक्वेस्ट चेकआउट, उसको कार्ड जेसन मिला नहीं क्या कुछ, चेक कर लेते हैं हम। एक काम करते हैं, अपना नेटवर्क टैब पे जाते हैं, इधर नहीं, कहाँ गया, अरे ये क्यों खुला है, तो बंद हो गया। ठीक है, ब्लॉक टाइटल पे आते हैं, इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, वापस अपना किसी और पेज पे आते हैं, निबोध पे नहीं जाना था, बच गए। होम पे जाते हैं, होम हमारा ये बना हुआ है ना। ठीक है, नेटवर्क पे आते हैं, क्लियर कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, वैसे दिख रहा था, हम देख सकते थे, बट कोई बात नहीं, चेकआउट करते हैं हम। अब हम देखते हैं कि हमने भेजा तो भेजा क्या यहाँ पे, हमने क्या भेजा यहाँ पे, हमने जेसॉन कार्ड खाली ही भेजी, कुछ डाला ही नहीं हमने, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हम क्लिक करते ही पोस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा इस वजह से हुआ, आई थिंक ऐसा इस वजह से ही हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जो फंक्शन हमने लोड करा है ना, ये जो एड वैल्यू वाला, जो हमने अभी एड हिडन वैल्यू वाला जो फंक्शन हमने कॉल करा है, हम इसको वहाँ कॉल नहीं कराते, हम इसको कराते हैं जब ये पर्टिकुलर कार्ट पे क्लिक हो रहा हो, समझ रहे हो, यहाँ पे ऑन क्लिक पे, यहाँ पे कॉल नहीं कराते हम। आईडी नेम, आईडी हिडन, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कितने बड़े वाले हैं हम लोग, हमने यहाँ पे आईडी ही चेंज रखी हुई है, आईडी ही हमने दूसरी रखी हुई है, एंड हमने यहाँ पे कार्ट आईडी, कहाँ गया यार,
सही काम करा रहे हैं यार, इतने भी बड़े वाले नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखो ये सीन क्या है, हम ये करना है जैसे हम कार्ट पे क्लिक करेंगे ना, हमें कार्ट पे क्लिक करते ही हमें वो फंक्शन कॉल कराना है, जिससे क्या होगा हिडन वैल्यू सेव हो जाएगा एंड देन हम चेकआउट के टाइम पे वो नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि हम जैसे ही चेकआउट पे बटन दबा रहे हैं ना, फॉर्म सबमिट हो रहा है एंड देन उसके बाद बटन क्लिक हो रहा है। ऐसा नहीं करना हमें, हमें करना है भाई किसी जैसे ही भाई वो बंदा इस पर क्लिक करे, क्या ही है, इस पर क्लिक करे, नहीं कार्ट कहाँ गया, इस पर क्लिक करे, ऑन क्लिक, जो पुट डेटा इन चल रहा है इस पे, जैसे ही बंदा क्लिक करे इसमें आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो फंक्शन है ना इसके अंदर ही अपना ये वाला फंक्शन कॉल करा लूँगा, लाइक समथिंग लाइक दिस, इधर ही कॉल करा लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या ये जाएगा कंसोल नेटवर्क पे आ जाता है वापस। ये जो अभी एरर आ रहा है इसको हम गायब कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं पेज को। ठीक है, अभी हमें इस पर्टिकुलर पेज पे आना ही नहीं है, हम किसी और पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, हम चीज़ें गायब कर देते हैं। ठीक है, हम जाते हैं कार्ट पे, कार्ट पे अभी वही चीज़ें जो है मैं दबाता हूँ चेकआउट। अब चेकआउट पे चेक करते हैं कि चेकआउट पे अब क्या जा रहा है, कार्ट जैसा अभी भी खाली जा रही है। तो आई गेस ये हमारा लॉजिक पंगा लग रहा है, लॉजिक पंगा, लॉजिक पंगा, लॉजिक पंगे के लिए हम क्या करते हैं, कार्ड हिडन के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं एंड देन उसका वैल्यू डाल देते हैं, राइट। तो उसका वैल्यू ये होगा, है ना, तो क्या ये आ भी रहा है, एक बार हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, लॉक करेंगे हम। ठीक है, जैसे ही चल जाएगा फिर छुट्टी पक्का, दोबारा लॉक कराएंगे, लॉक हम कराएंगे इस बार इनपुट, इनपुट, ठीक है, इनपुट लॉक करेंगे इस बार हम, देख लेते हैं कि क्या पता इनपुट ही ना आ रहा हो, इनपुट में कुछ गड़बड़ कर रखी हो हमने। ठीक है, इसको रीलोड कर देते हैं, कॉन्सोल पे आते हैं क्योंकि हमें कॉन्सोल देखना है, इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, हम कार्ट पे आते हैं, कार्ट पे होते ही कोई फंक्शन नहीं चला, समझ रहे हो, कार्ट पे आते ही नहीं चला एंड चलना चाहिए था वो, तो इसका मतलब तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा रन सर्वे हमसे मज़े ले रहा है, ठीक है, या तो कोई और दिक्कत है। रन सर्वर हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम अपना पेज पाते हैं, हम इसको 5 6 बार रीलोड करते हैं फालतू बनने का। ठीक है, एंड एक बार होम पे चला जाते हैं हम। हम अब जाते हैं कार्ट पे। ठीक है, अब हम जब दबाते हैं चेकआउट, नहीं देखो कार्ट पे क्लिक करते हैं अभी भी कुछ नहीं आया, वार्निंग आई एक, कार्ट पे क्लिक करते ही कुछ नहीं आया यार, ब्रोकन पाइप वन टू दिस दिस, कोई एरर आ रहा है पोस्ट चेकआउट, कुछ ऐसा एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक बार कुछ दोबारा देखते हैं इस चीज़ को, दोबारा से ध्यान से रुक के देखते हैं, कोई बेकार सा एरर है जो कि हम ढूंढ नहीं पा रहे। ऐड हिडन वैल्यू कॉपी कर लेते हैं इसे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ऐड हिडन वैल्यू हमने उसको चलाया कहाँ पे, हमने उसको चलाया कार्ट में ना, कार्ट का है, कार्ट 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 कार्ट, ये रहा कार्ट, पुट डेटा इन पॉपअप कैटेगरी में हमने उसको चलाया, राइट, पुट डेटा इन पॉपअप कैटेगरी, ऐड आइटम में, अरे है हमने चलाया है उसको गलत जगह पे भाई साहब, हमने उसको चला दिया गलती से ऐड आइटम पे, हमें ऐड आइटम पे नहीं चलाना, हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन में चलाना है इसे। ठीक है, सेव करो इसे। अब देखो मस्त चलेगा एकदम, कह रहे हम फालतू में सर्वर को बोल रहे हैं जबकि सिक्का ही खोटा था। तो कार्ट पे जाएंगे, देखो कार्ट पे आते ही क्या हुआ, एक एरर आया, क्या एरर आया, आई डी इज़ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड एट, डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट डिफाइंड, डॉक्यूमेंट डॉट आई डी होता है ना, तो डॉक्यूमेंट्स क्यों कर रखा है तुमने, डॉक्यूमेंट डॉट आई डी होता है ना, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्यों कर रखा है, ज़्यादा हीरो बन रहे हो तुम, तुमको अगर नहीं सर सॉरी गलती हो गई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ गई, दो आया भैया 4 एंड 5 जा चुका है, एकदम बढ़िया जा चुका है। ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन में वैल्यू आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो क्या ये सही जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं यार। चेकआउट पे क्लिक करते हैं, अब देख लेते हैं नेटवर्क टैब में क्या हुआ हमारे साथ, चेकआउट पे हमने क्लिक किया, नेटवर्क टैब में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है, हमारे पास सही डेटा नहीं जा रहा, राइट, तो हमें इसको एज अ जेसॉन नहीं, हमें इसको एज अ स्ट्रिंग ही भेजना पड़ेगा, तो हमें स्ट्रिंग भेजने के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी क्यों, क्योंकि हमने पहले इसको स्ट्रिंग कर रखा है। ठीक
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा एक बार सर्वर भी चेक कर लेते हैं। क्या पता सर्वर में सही आ रहा हो, सर्वर में क्या पता सही आ रहा हो। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है भैया, ऐसा तो चलेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लाइक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को। ठीक है, वापस कार्ट पे जाएंगे, डेटा आ गया हमारे पास, चेकआउट करेंगे। ठीक है, चेकआउट को चेक कर लेते हैं। चेकआउट पे इस बार क्या जा रहा है, इस बार तुम देखोगे डेटा तो जा रहा है लेकिन स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब एक बार यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया, स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार एक काम करते हैं ना, ये जो हमारे पास आ रहा है, हम इसका एक बार वो चेक करा लें कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो टाइप चेक कराने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम ना उसके अंदर उसको टाइप एक फंक्शन होता है उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एक बार इसको कट कर लेता हूँ मैं, एक टाइप एक फंक्शन है उसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। एंड देन एक काम करता हूँ, दोबारा से इस पर रीलोड करता हूँ इस पेज को। ठीक है, एंड देन दोबारा से एक बार चेकआउट करता हूँ, एंड देन देखता हूँ कि यहाँ पे क्या आया। देखो क्लास स्ट्रिंग आ रही है तो हमें पता है इसको हमें जेसॉन में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जेसॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहते हैं, हम डिक्ट करेंगे, डिक्ट करेंगे, हमें इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, ना कि उसमें। ठीक है, और बल्कि पता है हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है पता है इसमें कन्वर्ट करने की। हम डायरेक्टली इसको एज अ स्ट्रिंग सेव करा सकते हैं, ताकि हम वापस ले लें उसको एज अ स्ट्रिंग, एंड फ्रंट एंड में हम उसको पार्स करा के हम डायरेक्टली सीधा उसका वो करा सके, है ना। नहीं, ज़रूरत है, सॉरी भाई, सॉरी ब्रोस, ज़रूरत है हमें, हमें जो डेटा तैयार करना है ना बहुत लंबा चौड़ा सा, है ना, हमें जो डेटा तैयार करना है लंबा चौड़ा सा। अब हम इसको डिक्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या ये उसी तरह आया जैसा हमें चाहिए था। तो एक बार हम चले जाते हैं कार्ट पे, कार्ट पे आएंगे, रीलोड कर देते हैं पहले तो पेज को। ठीक है, चेकआउट पे ही एरर दे दिया, हैज़ लेंथ 1 रिक्वायर्ड 2। ओके, एक मिनट रुको ना, को एक मिनट, कोर्स कोर्स लिस्ट पे आ जाओ, यहाँ पे एरर नहीं मानना चाहिए। कार्ट 2 पे क्लिक करेंगे हम, चेकआउट पे क्लिक करेंगे, आ गया एरर, आ गया भाई 500 आ गया। क्या एरर है, अच्छा उसका डिक्ट का एरर है ना। तो एक बार देख लेते हैं हम, हाउ हाउ टू कन्वर्ट डिक्ट, नहीं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जेसॉन स्ट्रिंग, राइट, जेसॉन स्ट्रिंग है ना हमारे पास, जेसॉन स्ट्रिंग टू डिक्ट इन पाइथन। ठीक है, तो इसने क्या, अरे सॉरी, जेसॉन डॉट लोड फाइल नेम, जेसॉन पैरामीटर, जेसॉन टू डिक्शनरी कर रहा है, नहीं, जेसॉन स्ट्रिंग टू डिक्शनरी इज नॉट अ लिस्ट। देखते हैं इम्पोर्ट जेसॉन क्या क्या करा रहा है, जेसॉन डॉट लोड, जेसॉन विद एन एरे, दिस दिस दिस, नहीं, हटाओ इसे, डिक्ट कैसे यूज़ करते हैं, डिक्ट str टू डिक्ट जेसॉन से हो रहा है भाई, जेसॉन डॉट लोड से हो रहा है वो। स्ट्रिंग है हमारे पास कुछ, देखो इसने क्या दिया, इसने स्ट्रिंग दे दिया, तो पुट द जेसॉन इन दिस। तो तुम क्या करोगे, द जेसॉन इज प्रिंट, द जेसॉन इज दिस, कन्वर्ट इम्पोर्ट जेसॉन करेंगे हम, देन हम क्या करेंगे, हम कन्वर्टेबल डिक्शनरी, ठीक है, जेसॉन कर देंगे। ओके, हमें ये चाहिए, कॉपी करेंगे हम सीधा एज इट इज़, हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट इसे। इम्पोर्ट हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें इम्पोर्ट चाहिए एकदम टॉप पे, हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इम्पोर्ट करेंगे इसको, ठीक है, ये गलत फालतू का इंटेंट नहीं देना हमें। नीचे आ जाएंगे हम फटाफट से, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक जगह देखी, वहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ है जो कि हमारे मतलब की है। ठीक है, हमने उसको कर लिया भैया कॉपी, ठीक है, हमने उसको कर लिया भैया कॉपी, हमने उसको कर लिया, str क्यों यूज़ करा हुआ है इसमें, चलो भैया इसकी मर्ज़ी। कन्वर्टेबल डिक्ट में हमने बना दिया, अब हम इस कन्वर्टेबल डिक्ट को प्रिंट कराएंगे आफ्टर कन्वर्जन। अच्छा प्रिंट हो भी रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया एकदम। ये जो फालतू फंड का जो ये है इंटेंट है, इसको मतलब इंटेंट डाल देते हैं, क्योंकि इंटेंट में ही हमारा सब कुछ काम करेगा, बिना इंटेंट के कुछ काम भी नहीं करेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि क्या ये पेज जो है, ये जो इसने आंसर दिया गया, ये हमारे लाइक काम का है। बैक कर लेते हैं हम, रीलोड करेंगे एकदम, तो मतलब रीलोड तो खैर हो ही रहा है, दोबारा रीलोड कर देते हैं अपना जो डेटा, क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे, ताकि हम देख पाएँ चीज़ों को। चेकआउट कर देते हैं, चेकआउट हो गया, चल गया ये वापस अपने
इस पर आ जाते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बहुत बढ़िया तरीके से एक डिक्शनरी बना दी इसको, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, क्योंकि इसका क्लास भी डिक्शनरी आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिक्शनरी भेज देंगे पूरी पेज पे, रेंडर आ रहा है ना यहाँ पे, रेंडर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे पैराम्स भेज देंगे इसको। बेसिकली पैराम्स भी भेजने का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डिक्शनरी तो आ ही गई है, कन्वर्टेबल डिक्ट, हम सीधा इसको ही भेज देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी है। क्या चीज़ें करनी है, अब सुनो। हमें सबसे पहला हर आईडी लेनी है, हर आईडी का प्राइस निकालना है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है उसके वैल्यू से, ठीक है, ताकि उसका एक प्राइस बन जाए, टोटल प्राइस बन जाए, एंड देन हमें एक टोटल प्राइस भी निकालना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमें देखो तो सारी आइटम्स चाहिए होंगी, राइट, आइटम्स चाहिए होंगे, है ना। तो हम पहले तो लिख देते हैं आइटम्स, ठीक है। हमें एक बढ़िया आइट नहीं, एक पहले पैराम्स ही बना देते हैं यार हम, पैराम्स, ठीक है, पैराम्स बना देते हैं। पैराम्स क्या करेंगे, हमें यार कल ही कंटिन्यू कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं हमारे पास इतना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इतना तो सबने समझ ही लिया होगा ना, डिक्शनरी तक बनाई है, तो हम इतना बना के अभी छोड़ देते हैं, अभी हम इसको टू भी कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, TBC आज के लिए, क्योंकि काफ़ी हो जाएगा यार, दिमाग से ऊपर ही निकल जाएगा, ठीक है। तो अटेंडेंस खैर मैंने ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक आज के लिए इनफ है। तो कल का असाइनमेंट, असाइनमेंट भी क्या है, असाइनमेंट 10 में तुम्हें क्या करना है, फेवरेट, माय फेवरेट मूवी है ना, तो उसको तुम्हें क्या करना था, मिहिर क्या बोला था तूने, ऐड ऐड टू फेवरेट करना है एड टू सर, फेवरेट्स। हाँ। तो तुम्हें ना, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, हमने चेकआउट किया था ना, अभी हम चेकआउट खैर बनाया नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, तुम लोग एक छोटा सा बस ऐड टू फेवरेट कैसे करना है तुम्हें, कर भी नहीं पाओगे यार इससे जब तक हमारा चेकआउट नहीं हो जाएगा ना, कर भी नहीं पाओगे तुम। तो अभी इसको छोड़ दो, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लो एक बढ़िया सा, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस बना लो, बस यही है कि तुम्हारे जो माई फेवरेट मूवी है ना उसमें कॉन्टैक्ट अस बनाओ, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। और सर वो कार्ड वाला क्या करूँ क्या सर, कार्ड जो बनाया था आपने उसको कैसे यूज करूँ? कार्ड को, हाँ सॉरी, कार्ड की जगह पे तुम करना ऐड टू फेवरेट, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक एक सिंगल सिंगल कार्ड कर लिया, तुम लोग क्या करना, बंदा एक ऐड टू फेवरेट नाम का एक बनाना कार्ड की जगह, उसके अंदर मूवी का आईडी होगा, मूवी का नाम होगा, ठीक है बस। और जैसा मैंने अभी एक छोटा सा वो बनाया, पॉपअप बनाया, तुम अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, नहीं समझ आया क्या डिज़ाइन करें तो पॉपअप भी बना देना, ठीक है। यूजेज वही होगी जो मैंने अभी यूज़ करके दिखाया ना, सर उसमें ऐड और रिमूव का तो ऑप्शन नहीं आएगा ना, लाइक आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन उसमें ऐड टू प्लस फेवरेट एंड माइनस करेंगे नहीं तो। आएगा तुम्हें उसमें, यस सर वही तुम्हें बता उसमें होगा कि अगर ऐड टू फेवरेट पे क्लिक किया तो वो जो बटन है वो, या तो तुम क्या करो उसको किसी तरह जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको तुम गायब कर दो, एंड उसकी जगह लिख दो रिमूव फ्रॉम फेवरेट, एंड जैसे रिमूव फ्रॉम फेवरेट हो तो तुम उसको कह दो ऐड टू फेवरेट। तुम यूज़ करो जावास्क्रिप्ट, अपना दिमाग लगाओ, होगा वो, आसानी से हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ चेक ही करना है कि उस पर्टिकुलर आईडी में, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो तुम्हारा आई, जो तुम्हारा लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट हो, क्या उसमें ये पर्टिकुलर फोल्डर, नहीं सॉरी, पर्टिकुलर मूवी एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो तुम उसको वो कर दो, लाइक तुम उसके नीचे जो बटन होगा तुम उसको वैसा दे दो, ऐड टू फेवरेट दे दो, अगर नहीं है तो तुम उसको रिमूव फ्रॉम फेवरेट कर दो, ठीक है, ऐसा कर दो, आसान से हो जाए, हो जाए, नहीं हो कोई बात नहीं, करवा देंगे हम, ठीक है, कोशिश करो उसको करने का, ओके सर। ठीक है, हो जाए अच्छी बात है। थोड़ा सा टिपिकल लॉजिक बनेगा इसका, तो तुम एक काम करना, इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, वैसे तो इतना मुश्किल लॉजिक नहीं है, तुम कर लोगे यार, ये ना मूवी ऐड टू फेवरेट वाला ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, चलो कर लेना, कर करते लेना, हैं सर। सर ट्राई कर लेना, मैंने किया हुआ है ट्राई, मैं बताऊँ मेरा स्क्रीन। बता दे, हाँ यार एक बार बता दे ताकि लोगों को रेफरेंस मिल जाएगी कैसा कर सकते हैं, यस बता दे एक बार। सर स्क्रीन दिख रहा है, ये ऊपर ऐसा फेवरेट वाला टैब बनाया, देन इधर अगर मैं क्लिक टू लाइक करूंगा तो ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। हाँ, तो रिमूव कैसे करेगा इसमें? वो सर वो तो आपने पॉपअप आज बनाया उस पे ही रिमूव का एक नहीं मतलब ऑप्शन लगा वही दूंगा। तो कैसे है? वही तो मतलब अच्छा, ओके ओके। अरे भाई इतना इजी तो है, नीचे से ऐड कर लेना, वहाँ पे सिर्फ एक ही बटन देना रिमूव का, है ना, रिमूव होगा हाँ तो वो पर्टिकुलर आईडी डिलीट कर देना, सिंपल है।
हाँ ठीक है, मैं फालतू में उसको पता नहीं क्या सॉल्व कोड कर क्या था रहा सर? सर कोड हूँ। क्या था इसका? सर कोड कोड्स क्या था इसका? कोड डिलीट डिलीट गूगल सर्च करना कि हाउ टू डिलीट अजे कहते हैं वो की फ्रॉम अ जेसॉन आईडी या ऑब्जेक्ट, कुछ भी कर गूगल कर, उसमें जावास्क्रिप्ट में मिलेगा देखो। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। मेरा कोड देख लियो, कोड में मैंने कोड में अपलोड कर चुका हूँ गिटहब पे आज का। ठीक है, ओके आज का गिटहब में मैं कोड अपलोड कर चुका हूँ, तुम लोग देख सकते हो आराम से। ठीक है, सेव ऑल एंड कमिट मैं कर चुका हूँ। ठीक है, देख लेना तुम लोग क्या करा है कैसे किया है। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास ज़्यादा भारी नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, कुछ चीज़ें सर के ऊपर से गई होंगी। हम कल ये जो ये वाला है ना, ये जो अभी हम कर रहे हैं चेकआउट वाला कर रहे हैं, ये हम कल दोबारा से सीखेंगे, मतलब दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत से, मतलब शुरुआत से नहीं, ऊपर ऊपर से समझा दूंगा कल हमने आज हमने कितना किया है, एंड देन उसके बाद हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, मैं कल तक इसका कोई बढ़िया धासु तरीका सोच के रखता हूँ। ठीक है, चलो गाइस फिर बाय, अटेंडेंस ले लिया मैंने। बाय सर। जिसको कुछ जिसको बाय सर। कोई जिसको कोई थैंक असाइनमेंट दिखाना है, थैंक यू यार, जिसको कोई यू सर। असाइनमेंट सर मैं दिखाना है दिखा वो रहा रुक हूँ जाओ, बाकी चले जाओ। सर, मेरा मतलब पूरा नहीं हुआ है असाइनमेंट। भाई जब पूरा हो जाए तब दिखा दिया यार। सर ठीक वो है, आपने जो सैटरडे को करवाया था ना, वो आधा हुआ है और उसके पहले का पूरा हो गया उसके है, पहले वाला हो गया। हाँ मूवी भाई, लिस्ट असाइनमेंट वाला। नंबर बताओ। टेन 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 सर, टेन 10 तो अभी मैं देख ही नहीं रहा यार, 10 तो अभी करो। अच्छा ओके ओके सर सर। हो गया बट हाँ तो आज का मैंने क्या बोला, आज का तुमने ऐड टू फेवरेट कर दिया तुमने आज का। ना ना ना, हाँ तो आज आज सर का 10 भी सैटरडे का ऐड टू आधा फेवरेट बाकी है करना और है। आज का भी बाकी है। हाँ तो मतलब बस करो उसको। ठीक है, कल सर आप संडे था। वैलो खेल रहे हो? नहीं भाई, क्यों, किसने कहा भाई आवाज आ रहा है मेरे को कहीं से। अच्छा मैं नहीं खेल रहा भाई वैलो, मैं परसों खेला था वैलो, मुझे पता चला मैं बहुत ज़्यादा गंदा खेलने लगा हूँ वैलो, सर ऐड तो कर मैंने लो, छोड़ आपको दिया। सिखा दूंगा सर। हाँ ऐड कर लो, सिखा दूंगा। तो यस सर, आप कॉम्पिटिटर में आपको तो किस पे है ये सिखा बता दूंगा पहले तो। सर। सर मैं सीएस गो प्लेयर है, जीएनएम था उसमें, अच्छा और सीएस इधर गो प्लेयर है भाई, सीएस गो हाँ, प्लेयर है और खेल सकता है तो। अच्छा हाँ वैलोरेंट तो भी अभी अच्छे होएगा ही, क्योंकि इधर मैं गोल्ड 2। गोल्ड भाई, गोल्ड 2 पे तेरे को पता है मैं भाई 3 महीने 4 महीने मैंने रोज खेला था, उसके बाद में मैं ब्रोंज 3 पार नहीं कर हाँ पाया सर, था। मैं भी सेम सेम ब्रोंज सर आप आ जाओ पे। सर, इजी है, मेरे को ऐड कर लो सर। इजी है क्या भाई, कैरी करेगा मुझे? नहीं नहीं अच्छा सर, आपको ऐसा बताएगा ऐसा रेंज का, फिर एम एम लैब्स और वो सब। भाई, भाई रहने दे भाई, मैं बताता हूँ एक क्या। भाई सुन, तू वेलो खेलता है पीसी में, ठीक है, मेरे पास पूरा प्लेस्टेशन 5 है। ठीक है ओ ठीक भाई है, सर, मजा आ गया मेरे सर को मत, सुन तू मेरे को आके ये मत बोल कि तू वेलो किससे खाएगा मुझे। के। सर मैं ऐसे थोड़ी ना बोला सिखाएगा, मैं बोला बताएगा ऐसा कैसा, अच्छा ऐसा बताएगा, अच्छा प्रैक्टिस कैसा कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को बताते ऐसा हम आपको बताएंगे। अच्छा 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 सेम ठीक है टू भाई, सेम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो देखते सर, हैं। थैंक यू, बाय ओके बाय। बाय ओके सर। बाय बाय बाय। हाँ भाई, कौन बचा है अभी हेलो क्लास में? सर, हाँ जी हेलो सर, आना आनंद, है। यस। हाँ सर, एक्चुअली वो जो रेज्यूम बनाना है सर, हम लोग को पहले आप लोग को एक वर्ड फाइल में रेज्यूम बनाकर दिखाना है ना। भाई ये किसने बताया देखो? नहीं सर, लाइक एक्चुअली मैंने बोला कि लाइक अभी पता नहीं ना सर रेज्यूम कैसे बनाना है, लाइक अच्छा अपन तो तो अभी एक सेकेंड ईयर एक में ही काम है। कर, ठीक, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं तेरे को रिज्यूम बनाने के लिए। ठीक है, एक HTML कोई ऐसा रिज्यूम ओपन कर ले। देख HTML से नॉर्मल हेडिंग टैग से एंड उससे ना रिएक्ट यूज़ करके तो छोटा सा रिज्यूमे बनाते हैं अपना, छोटा सा मासूम सा रिज्यूम। देख देख याद रखियो, हम रिज्यूमे बना रहे हैं ठीक है, लेकिन मैंने रिज्यूमे नहीं बोला, मैंने बोला है पोर्टफोलियो। हाँ ठीक है, गूगल पर सर्च कर रिज्यूमे एंड देन गूगल पर सर्च कर पोर्टफोलियो एंड देख डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसका रेफरेंस लेके तू अपना पोर्टफोलियो बना। ठीक है, रिज्यूमे आई गेस जहाँ तक मुझे लगता है भव्य सर तुम्हें रिज्यूमे ना वर्ड पे ही बनवाएंगे, या फिर उस पे कहते हैं ओके। तो मतलब नोश रिएक्ट पे अपने को पोर्टफोलियो बनाने पोर्टफोलियो है और बनाना है, वर्ड पे रिज्यूम। रिज्यूमे बनाना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, जो मेरा वो है ना लिंक है, जो मेरा फॉर्म दिया है मैंने तुम्हें, उसमें मैं ना मैं तुम्हें रिज्यूमे के लिए अलग एंड पोर्टफोलियो के लिए अलग लिंक दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिज्यूमे तो ईजी है, कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो में तुम्हें टाइम लगेगा बनाने में, है ना। पोर्टफोलियो में शायद तुम लोग कुछ चीज़ें ऐड करोगे, कुछ चीज़ें गायब करोगे, है ना, तो वो तुम कर लेना। मैं असाइनमेंट 6 के अंदर ही दोनों चीज़ें डाल रहा हूँ। ठीक है,
रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो विद रिएक्ट, रिज्यूमे ऑन वर्ड या वर्ड नहीं लिखूंगा मैं, एंड पोर्टफोलियो ठीक है, ईमेल हो गया, एनरोलमेंट। अच्छा बताओ तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर होता है, रोल नंबर होता है नॉर्मल? सर रोल नंबर तो इसमें मिला नहीं है, अपने को एनरोलमेंट नंबर रहता है बोर्ड ठीक का। है ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर ही लिख रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अपना गिटहब लिंक, योर असाइनमेंट गिटहब लिंक, योर प्रोफ पोर्टफोलियोज गिटहब लिंक, ठीक है। अब सीन ये है कि प्रोजेक्ट लिंक तो यही हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइव लिंक, पोर्टफोलियोज लाइव लिंक, ठीक है। अच्छा ठीक है यार, तेरे को कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है यार, मैं अपना वो कर रहा हूँ, कहते हैं तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके अलावा मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी है, वो क्या है? फाइल अपलोड, फाइल अपलोड ऑप्शनल लगता हूँ मैं, लेट रिस्पॉन्ड गूगल ड्राइव, ठीक है भैया। कौन था और कौन है क्लास में अभी? वो ठीक है भैया, दिखा दे अपना वो। जो चैरिटी वाला था वो उसमें मैं चेंजेस किया उसे। अच्छा दिखा, ये मैं इमेज चेंज किया लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है? तो भाई गूगल पे सर्च कर, ऐसा क्यों आ रहा है और ऐसा आ रहा है तो उसको सही कैसे करूं, ठीक है। रिसर्च कर खुद चीज़ों के बारे में, मैं बता देता हूँ जो तेरा प्रॉब्लम होगा ना वो सॉल्व होगा तेरा उससे। ऑब्जेक्ट फिट एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की उससे, ठीक है। अच्छा तो कौन सी इमेज की बात कर रहा है? ये हेल्पिंग द पुअर द वर्ल्ड ना, इस वाले की बात कर रहा है ना? ये चीज हाँ ठीक है। और फिर इधर पे ये इसका ये चेंज किया लेकिन मैं चेंज किया तो उसका भी ये लेटर नहीं दिखने लगा, लेटर नंबर नहीं दिखने लगा। तो भाई इसको सही करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ वो कलर में ज्यादा डार्क कर दिया तो नहीं इसको पीछे का चला गया। हाँ सही करना पड़ेगा तुम्हें, इसको सही करना आराम से बैठ के, ठीक है। और सर वो ये जो रिएक्टर उसका मैं बनाया लेकिन उसमें वापस वो एरर आ रहा है जो पहले आपने बताया था कि पाथ गलत है। भाई एक तो पता नहीं तेरा एनपीएम भाई, तो पाथ गलत है तो मैं तेरे को क्या बताया था? जब पाथ गलत होता तो पाथ को सही कर, तो हाँ पाथ को सही कर सीडी कर करके। ये अभी एक सीडी ये नहीं है, ये नहीं है, इसके ये इसके इसी में बना अंदर है है, इसके अंदर है, इसके इस पे जा। अंदर। हाँ अच्छा ये है तेरा, तो भी सीडी अब कर, अभी एनपीएम स्टार्ट। अब कर एनपीएम स्टार्ट, ठीक है। ओके सर, अगली बात मत पूछिए वाला कि सर ये एरर फिर से आ रहा है, ये एरर नहीं है, ये गलती है तुम्हारी, ठीक है। तुम्हें पता है कि अगर, अरे ये क्या कर दिया भाई, भाई कौन सा चला दिया भाई तूने? तेरी दूसरा फाइल है। मतलब तेरे को पता है ना क्या चल रहा है, मतलब तेरे को आइडिया है ना, सब सही है ना? हाँ, मैंने वो चेंज नहीं किया, वो लोगों वो सब हटाया नहीं। अच्छा अभी अभी सुबह क्लास के बीच में मेरे से पहले नहीं हुआ तो मैं एक दूसरा बनाया था कि आपको दिखाऊं कि क्यों नहीं आ रही भाई वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने पाथ ही गलत दिया है, ठीक है। तो फिर वो सर वो ऐसे एसआरसी के एसआरसी दिखना चाहिए इधर तभी सुन मेरी करेक्ट बात, देखो कभी भी कोई, हाँ एसआरसी दिख रहा है फोल्डर, ये था। इस वाले हाँ फोल्डर में होना चाहिए तो, अच्छा ठीक है। ये जहाँ पे दिख, एसआरसी भी मत देख जहाँ पे तेरा ये है ना। अबे यार तेरे तो बाहर भी तो वो बना दिया, ठीक है। ये एसआरसी, ये तीनों फोल्डर हो ना जहाँ पे, उसी फोल्डर में होना चाहिए तो, ठीक है। एसआरसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, एसआरसी के बाहर होना चाहिए, देखो एसआरसी दिखना चाहिए, ठीक है। ओके और कुछ? नहीं सर, तो ये ठीक सातवां वाला मैं ठीक करके भेज दूंगा, भाई, सात वाला ठीक करके स्क्रीनशॉट भेज दियो भाई, ठीक है। इसका भी भेज दूं, ये चैरिटी वाला का, इसका चैरिटी नंबर नहीं मालूम मेरे को कौन सा था ये। भाई मेरे को भी नहीं मालूम, असाइनमेंट 5 था। सर 5 है ये। ठीक है भाई, भाई 5 है ओके सर, याद रखियो यार, मेरे को बता दियो असाइनमेंट 5 है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके भैया,
बताओ ओम एंड दिवांशी, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। जया पटेल आया नहीं प्रॉब्लम आज, ही है सर, असाइनमेंट 9 बता। बताओ बताओ कौन है। मिहिर वो आया था आज, ओम भोसले तो आता ही नहीं है, राज भी नहीं आया, प्रियंका ही है, प्रियंका भी नहीं आई, रिया आई थी है ना। सर दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी दिख रहा है। साक्षी आई है, सानिका आई थी आज, सानिका भी आई है, शिवम चला आज तो था भाई, लगा शिवम, सिद्धेश बीच में आया था चला गया, हम स्लमाक नहीं करेंगे। सोनाली आई है आज, सोनाली 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 नहीं आई। उन्नति आई है आज, उन्नति को क्या हुआ, आ क्यों नहीं रही अब। अक्ष गुप्ता आज, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भाई इतने सारे लोग आए हैं, मैंने सिर्फ 11 की लगाई है। वाह। हाँ सर जी बताइए। ठीक है करो। देवांशी का असाइनमेंट 9 कंप्लीट है भाई, क्लिक करो यूट्यूब पे। ठीक है अब जाओ, हो गया। ठीक है हो गया। ओम भाई तेरा क्या इश्यू है बता, मतलब कौन सा असाइनमेंट दिखाना तेरे को। सर असाइनमेंट तो सब सबमिटेड है, असाइनमेंट 10 के रिगार्डिंग एक मुझे डाउट था कि सर अभी मोस्टली जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ ना वो हाँ आई थिंक ब्लॉक्स के इधर ही फेस कर रहा हूँ। ब्लॉक्स के इधर ही मतलब? मतलब सर मतलब मैंने डेटाबेस तो इंपोर्ट कर दिया मॉडल्स के थ्रू, पर ब्लॉक्स के यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कैसे ब्लॉक्स आगे जाऊँ। क्या मतलब, क्या ब्लॉक्स? सर ब्लॉक्स मतलब जो हम लोग बनाते हैं ना एंड ब्लॉक और वो CSS के थ्रू, मतलब जहाँ पे हम उसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते अच्छा हैं। ब्लॉक्स में क्यों कन्फ्यूज हो रहा है यार, ब्लॉक्स तो सबसे ज्यादा इजी है। सिंपल है सर, आई थिंक मैं कल मतलब काम कर रहा था उस पे, पर मैं कहाँ पे तो स्टक हो गया, मतलब आई थिंक पाथ गलत दे रहा हूँ, मतलब मोस्टली वही गलती करता हूँ मैं हर टाइम, तो वही है सर। मुझे पता नहीं अभी कैसे आगे जाऊँ उसका, मतलब तो वही है। एक काम कर, देख ब्लॉक ना एक तरह से कंटेनर होता है, ठीक है? तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ डालेगा ना वो तो किसी और जगह पे यूज़ कर सकता है, ठीक है? हाँ तो उसमें देखो क्या मतलब, क्या गलती कर रहा है तो ये बता, मतलब तेरे को क्या लग रहा है, तू गलती कर रहा है तो सॉल्व भी तो कर रहा है उसको, है ना? तो सॉल्व कर हाँ रहा है तो मेनली तेरी गलती आ कहाँ पे रही है, तो गलती गलत आई कि गलत, तू थी। गलत चीज़ डाल देता कहीं पे भी। नहीं, गलत चीज मतलब सब बेसिक जो HTML रहता है और एक इंडेक्स रहता है जो को बेसिक को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ हाँ उतना मुझे समझ में आ जाता है, पर शायद से इंपोर्ट करते वक्त ही कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ, वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, पर सर एरर दिखा मुझे, एरर मुझे कहाँ पे आ रहा है इस टाइम पे? सर अभी तो मैंने उसको रिसेट कर दिया, मतलब कल तो बहुत एरर मार रहा था, रात को 3 बजे तक बैठा था मैं, पर सर एक काम करता हूँ कि जब आपको मैं एरर और एक आएगा बार तो कॉल मेरे करूँ। को फोटो भेज दियो, हाँ ठीक है? ठीक है, हाँ चल ठीक है, बाय। बाय सर।